बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों मैंने सिविल 3D के ऊपर मेरे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, हर टॉपिक के ऊपर अलग-अलग, लेकिन कुछ दोस्त मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें आप हमें मज़ीद भी इसकी डिटेल बताएं। तो ये मैंने एक नया प्रोग्राम अपना शुरू किया है जिसके अंदर मैं आपको सिविल 3D के मुताबिक ज़ीरो से लेकर एंड तक कंप्लीट बताऊंगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। इसके टूल्स के मुताबिक बताऊंगा, इसके चीज़ों के मुताबिक बताऊंगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्राइवेट काम करवाना चाहते हैं रोड डिज़ाइनिंग के मुतालिक है, आपकी क्वांटिटीज़ हैं, आपके क्रॉस सेक्शंस हैं, आपकी प्रोफाइल्स हैं, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह है, सारा कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह सारे हम काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अगर आप कोई भी इस किस्म का काम करवाना चाहते हैं तो आप ये मेरा नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स कर आप उसे कर सकते हैं रब्ता, जिसके ज़रिए हम आपको अच्छे तरीके से अच्छा काम आपका करके देंगे प्रोफेशनल तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट इधर लॉन्च हुआ हुआ है जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें इसकी सरफेस वगैरह बनी हुई है, इसकी अलाइनमेंट है, इसकी प्रोफाइल्स हैं, इसके क्रॉस सेक्शंस वगैरह हैं, इसकी असेंबलीज हैं और सारा इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं सिविल 3D के अंदर, उसके मुतालिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इन पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट्स के ऊपर आप ये आते हैं, जब आप सिविल 3D को जिस तरह ओपन करते हैं तो ये आपका इस टाइप का पूरा आपका व्यू आया हुआ होता है। इसके अंदर आपके ऑटो कैड्स की जो कमांड है वो सेम टू सेम सारी की सारी यूज़ होती है। आप सिंपल ऑटो कैड खोलते हैं, जिस तरह आप सपोज लाइन की कमांड लेते हैं तो आपकी लाइन लग जाती है, पॉली लाइन है पॉली लाइन लग जाएगी, रेक्टेंगुलर कमांड है उसकी शॉर्ट कीज़ वगैरह उसी तरीके से आप कर सकते हैं। सिविल 3D के अंदर सारी जो कमांड्स हैं ऑटो कैड की वो सारी की सारी एज इट इज़ यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमारा जनरल ऑटो कैड का पोर्शन है। इसके अंदर आप इधर से भी उसको यूज़ कर सकते हैं ऑटो कैड की कमांड्स को। ये जो टेबल है हमारा सारा, ये आप देख रहे हैं कि साइड के ऊपर, ये सारा हमारा सिविल 3D से रिलेटेड है। इसके अंदर तो ये सारा हमारा इधर ये डिज़ाइन पैनल है, इसके ऊपर हम काम करके अपना रोड की डिज़ाइनिंग बनाते हैं। जिस तरह आपको ये मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये पहला प्रोजेक्ट आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास इसके पॉइंट्स इंपोर्ट हैं, उसके बाद इसकी सरफेस बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं कंटूअर्स वगैरह जो होते हैं इसकी सरफेस होती है, इसके बाद इसकी अलाइनमेंट लगी है, उसके बाद इसके ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है और उसके बाद इसी तरह इसकी प्रोफाइल्स और ये क्रॉस सेक्शन है। तो हम आते हैं ऊपर ये पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट्स से आप ये देख रहे हैं कि पूरा इसका ग्रुप है अगर सारा, इधर से आपने ये वाले जो आपका सर्वे डेटा होता है उसके पॉइंट्स को आपने इंपोर्ट कराना होता है, उसके लिए पॉइंट्स की कमांड यूज़ होती है। उसके बाद ये सर्फेस है, सर्फेस बनाने के लिए ये सेकेंड नंबर पर आपके पास सर्फेस के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ सर्फेस की चीज़ें वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आप ये आर्डीज वगैरह देख रहे हैं कि सेंटर में सबसे पहले आप इसकी अलाइनमेंट को ड्रा करते हैं। अलाइनमेंट के लिए ये अलाइनमेंट है हमारे पास, ये इसके क्रिएशन टूल्स हैं सारे, इसके मतलब हम डिटेल से बात करेंगे हर टॉपिक के हिसाब से। उसके बाद अलाइनमेंट को ड्रा करने के बाद जो इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो इसकी प्रोफाइल्स का होता है। ये आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल है हमारे पास, इसकी प्रोफाइल एक ये नीचे हमारे पास ऊपर लाइन जा रही है, ये हमारे पास जो लाइन जा रही है ये हमारी सरफेस प्रोफाइल है और नीचे जिधर आपके पास ये डेटा नज़र आ रहा है सारा, ये हमारे पास डिज़ाइन डेटा है। प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल के ऑप्शन होते हैं, सरफेस प्रोफाइल को सबसे पहले ड्रा किया जाता है, उसके बाद इसके डिज़ाइन सेक्शन को हम ड्रा करते हैं। ये ड्रा करने के बाद हम उसके बाद इसकी असेंबली को ड्रा करते हैं। असेंबली जो होती है ये आप टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख लें, ये असेंबली वाला ऑप्शन है, ये असेंबली आपकी जो असेंबली बनाई जाती है वो अपने रोड के डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जाती है। आपके रोड की चौड़ाई क्या है, उसके अंदर जो जो वाटर बाउंड है, एसफाल्ट है, एसफाल्टिक बेस कोर्स है, वाटर बाउंड सब बेस, जो रोड्स के पेवमेंट स्ट्रक्चर हैं और जो उसकी साइड स्लोप्स हैं उसके मुतालिक ही असेंबली को क्रिएट किया जाता है। असेंबली को क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आप लाइन्स वगैरह देख रहे हैं सारी, ये जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बाद सिर्फ असेंबली बनाने के बाद हम इसके अंदर आते हैं और इधर से हम इसका जो कॉरिडोर है उसको हम बनाते हैं। ये कॉरिडोर की कमांड है, इसकी कॉरिडोर बनता है। कॉरिडोर बनाने के बाद इसका आप जब कॉरिडोर आप बना लेते हैं तो ये आपके डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से और सारा कुछ उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ इधर ड्रा हो जाती है। और ये जो आपका कॉरिडोर इधर ड्रा होता है ये हमारा 3D के अंदर भी आप इसको व्यू को देख सकते हैं। जैसे मैं आता हूँ इसके 3D व्यू के ऊपर, एक सी नज़र लगा लेते हैं इसके अंदर ताकि आपको इसका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि 3D व्यू के अंदर ये आपका व्यू नज़र आता है। इधर से मैं इसको रियलिस्टिक या कोई और मूड के अंदर ले आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3D व्यू के अंदर पूरी जो अलाइनमेंट वगैरह हमने बनाई होगी
उसके हिसाब से ये पूरी इसकी अलाइनमेंट और सारी प्रोफाइल ये आपको इधर शो करता है। इसके अंदर ड्राइव मोड भी होता है, आप इधर से अपनी ड्राइव स्पीड के हिसाब से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉरिडोर का प्रोसेस होता है, कॉरिडोर के अंदर हमारी अलाइनमेंट और प्रोफाइल के हिसाब से वो सारी चीज़ों को इधर एडजस्ट करके देता है, जो कि हमने असम्बली बनाई होती है। सबसे पहले हमने अलाइनमेंट बनाई होती है, फिर प्रोफाइल, उसके बाद इसकी असम्बली, उन चीज़ों को, वो सब चीज़ों को वो इकट्ठा करके वो हमें इधर इसका कॉरिडोर, जो कॉरिडोर की कमांड होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इधर इकट्ठी हो जाती हैं। उसको आप इधर से इजीली तरीके से उसको आप देख सकते हैं इसके अंदर कि भाई ये हमारी प्रोफाइल कैसे भर रही है। तो ये एक सिविल 3D का एक मेन फीचर्स वगैरह है सारे के, जो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे मैं इसका व्यू वगैरह चेंज करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा हैवी बना हुआ है, थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो उसके बाद जब हम कॉरिडोर अपना बना लेते हैं, कॉरिडोर बनाने के बाद ये सेक्शन तक हमारे पास इसकी डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें कम्प्लीट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को कम्प्लीट करने के बाद आगे हमारा सेगमेंट आता है क्रॉस सेक्शंस का, क्वान्टिटीज़ के हवाले से कि आप इसकी क्वान्टिटी कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे इसके क्रॉस सेक्शन इधर ड्रा हुए हैं, सारे इसके अंदर आपके क्रॉस सेक्शन ही ऑटो जनरेट होते हैं। इसके अंदर जब आप इसके क्रॉस सेक्शन को बना लेते हैं तो उसके बाद इसकी ये क्वांटिटीज की कैलकुलेशन की सीट है, शीट्स हैं, उनको आपने कैसे बनाना है। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप एक सारा प्रोसेस होएगा, इसके मुतालिक हम आपको पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। बहुत ईजी, अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारी देखते हैं, कोई भी स्टेप बीच में मिस नहीं करते हैं, तो आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये एक मेन इसके टूल्स वगैरह थे जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया इसके अंदर जो जो उनसे प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये उम्मीद है मैं आपको कि इस हद तक आपको ये इन टेबल्स की सबकी समझ आ गई होगी। ये टेबल्स अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ टूल्स इसके यूज़ होते हैं, तो इन टूल को भी हम यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना पूरा रोड का अलाइनमेंट वगैरह, उसकी डिज़ाइन, प्रोफाइल, उसकी अलाइनमेंट, असम्बलीज वगैरह, कॉरिडोर और हर चीज़ उसको हम प्रॉपरली बनाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इस जो सिविल 3D का जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनको आपने सबको देखना। अगर आप सीखना चाहते हैं इसको शुरू से लेकर एंड तक, तो आपने सारी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक आपने उसको देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोडेस्क सिविल 3D 2022 का वर्जन मेरे पास है, 23 भी आया हुआ है, 24 भी आया हुआ है, आप कोई भी वर्जन इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जैसे आ जाना न्यू के ऊपर, ये आप देख रहे हैं माउस की मदद से आप इसको क्लिक कर दें, न्यू ड्राइंग के ऊपर आपने जैसे आ जाएगा, तो ये आपके सामने न्यू ड्राइंग इसकी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग को सेव करना है, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे उसको आपने सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप इधर सेव का बटन या कंट्रोल एस के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो आपने इसको सेव करना है, उसके बाद आपने इधर आ जाना है अपने एक डेस्कटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के अंदर, जिधर भी आप अपना आते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं आप बना दें। ये यूट्यूब का फोल्डर बना हुआ है, मैं इधर यूट्यूब के नाम से एक ड्राइंग को इधर सेव करूँगा। सेव करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कि अक्सर लोग काफ़ी सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं और उनकी ड्राइंग आप कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो आगे ड्राइंग्स को बेचते हैं किसी के पास 2016 वर्जन होता है, किसी के पास 2010 वर्जन है, किसी के पास 12 वर्जन है। तो उस वर्जन के ऊपर के आपकी जो भी ड्राइंग्स हो वो सारी की सारी ओपन हो, तो उसके लिए आप ये नीचे आते हैं फाइल ऑफ टाइप्स, फाइल ऑफ टाइप्स से नीचे आप ये देख रहे हैं कि इधर ये ऑटो कैड 2080 ड्राइंग्स के अंदर ये सेट हुआ हुआ है। आपने इसको इधर नीचे करना है, नीचे करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पूरी एक इसकी लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास 2018 है, 13 है, 10 है, 7 है, 2014। ये हमारे पास जो DWG ड्राइंग का फॉर्मेट है और DXF की फाइल का फॉर्मेट है। तो आप इधर से जो मिनिमम आपके पास आ रहे हैं R14, LT98, LT97 ड्राइंग्स, जो ऑटो कैड का सबसे पहला वर्जन है, उसके अंदर आप इसको इधर से उसको सिलेक्ट करके और अपने ड्राइंग का नाम रख के और इधर से उसको आप सेव कर दें। इसमें सेव जब आप करेंगे तो आप किसी भी दोस्त यार को या किसी भी अपने क्लाइंट्स या चीज़ों को आप जिसको ड्राइंग्स भेज रहे हैं उसके पास ऑटो कैड का कोई भी वर्जन है उसके अंदर ये सब के अंदर ये इजीली ओपन हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आपकी ये है। तो आपने इधर से फोल्डर को सेलेक्ट करके और अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम है उसको आपने इधर से देना है और इससे आप उसको सेव कर लेना है। तो अभी आपकी ये जो ड्राइंग आपकी सेव हो गई है, आपका प्रोजेक्ट इधर से यूट्यूब के नाम से मैंने सेव किया है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम उसके हिसाब से रख के इसको सेव कर ले। अभी हम जब वर्किंग करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं सिविल 3D या किसी भी डिज़ाइन के अंदर काम करने के। ये होता है कि जब आपके पास जो पॉइंट्स हैं
वो आपके लोकल है या आपके यूटीएम के ऊपर है। तो ये अगर आपके पास लोकल पॉइंट्स हैं, लोकल ट्रैवर्सिंग होके और उसके ऊपर सारा सर्वे हुआ हुआ है, डिज़ाइन उसमें भी बन जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास सारा यूटीएम के सिस्टम के जरिए सारी ट्रैवर्स है, जीपीएस के जरिए या यूटीएम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सारी आपकी वर्किंग है, तो उसकी एक सेटिंग होती है जो कि सेटिंग आपने अपनी सारी इस रैंक के अंदर मस्ट भी कर लेनी है। तो उसके लिए सेटिंग कौन सी होती है, उसके लिए आपने इधर जैसे सिविल 3D, ये आप सी 3D देख रहे हैं, इधर आपने क्लिक करना है, उधर से आपने आ जाना है अपनी ड्राइंग यूटिलिटीज़ के ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि ड्राइंग यूटिलिटीज़ है, इसके ऊपर आपने आ जाना है इधर से, और ये आपके सामने है ड्राइंग प्रॉपर्टी, ड्राइंग कंपेयर, इसी तरह ड्राइंग सेटिंग्स है, और ये अगर यूनिट्स हैं तो आपने सबसे पहले इधर आना है यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स को क्लिक कर दें। इधर से आपने जिस वर्जन के अंदर आप काम कर रहे हैं सारा आप इधर से उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जितने भी आपके पास ड्राइंग्स हैं, मीटर्स में काम कर रहे हैं, फिट्स में काम कर रहे हैं। सिविल 3D के अंदर आपके पास दो ऑप्शन आती है, इंपीरियल और मैट्रिक, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर से आप इसके सारे स्केल वगैरह, ड्राइंग्स, यूनिट्स वगैरह इधर से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम होता है वो डेसीमल के अंदर होता है, आप डेसीमल के अंदर उसको सिलेक्ट करके इसके जो इशारे के बाद जो सिफर है उसकी वैल्यू को आप इधर से सिलेक्ट कर दें, ताकि ये स्टार्टिंग वाली सेटिंग है सारी, तो आपने इधर से कर देनी है, ओके कर दें। उसके बाद तो दोबारा आपने सिविल 3D के ऊपर आ जाए, इसमें आके ड्राइंग सेटिंग्स, या आप देख रहे हैं यूनिट से ऊपर वाला आपका ड्राइंग सेटिंग्स है, आपने जैसे सेटिंग्स ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ड्राइंग सेटिंग आपका और जो नाम आपने सेव किया होगा वो आ जाएगा, इसके अंदर यूनिट्स एंड जोन है। सबसे पहला हमारे ड्राइंग का जो यूनिट है मीटर्स में, वो हमने मीटर सेलेक्ट किया था, इंटरनेशनल फुट 1 = 3.048 इक्वल टू मीटर है, उसको आपने रहने देना है। इधर से आपने अपना स्केल सेट करना है, जो भी आप स्केल रखना चाहते हैं आप सेट कर ले। इधर से 100 का भी है, 120 का भी है, और इसी तरह 1000 का भी है। 1000 का सिलेक्ट हुआ है, इसको आपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह कस्टम स्टेल है, स्केल है, उसको भी आप इधर से उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कैटेगरीज है, ये नीचे जोन आ जाता है, कैटेगरीज है, इसमें लिखा हुआ नो डाटम नो प्रोजेक्शन। आपने तो इसको आना है, आप जिस कंट्री में हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ तो मैंने इधर से आना है पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना। आप जिस कंट्री में हैं आप अपनी कंट्री का इधर से नाम उसका सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसके जोन आ जाएंगे। जब ये नीचे आएंगे अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप नीचे आते हैं तो ये आपके सामने इधर इसके पाकिस्तान के अंदर जो जो सब जोन यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे आप देख रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई परेशानी है, अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप मेरी वीडियो UTM कोऑर्डिनेट्स और जोन सेटिंग की देख सकते हैं, गूगल अर्थ के मुतालिक है, उसके अंदर भी आप अपना सारा जोन वगैरह चेक कर सकते हैं सारा कुछ। तो अभी आपने इधर से देख रहे हो, तो अभी हम जो हमारे पास जो ड्राइंग्स है वो हमारे पास है पाकिस्तान इस 72 UTM 43N के अंदर, ठीक है। इस डाटम को आप सिलेक्ट कर दें, जैसे जो भी आपके पास ऑप्शन है सारा उस अपने हिसाब से, तो आप इसको मैं जैसे उसको सिलेक्ट कर दूंगा, पी के सिलेक्टेड 43 आ जाएगा, और नीचे ये हमारे पास सारी इसकी सेटिंग हो जाएगी। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स लेयर्स वगैरह हैं और इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, जिसकी आपको जनरल फिलहाल एज इट इज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग को UTM के ऊपर, अगर आपका काम है तो आपने इसकी ड्राइंग को इसी तरीके से सेट कर देना है, अप्लाई करना है और जैसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसको सेव कर दें दोबारा, तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो ड्राइंग है ये एग्जैक्ट हमारी UTM के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर अभी एडजस्ट हो गई है। इसके बाद ये नीचे आप ये देख रहे हैं कि ये स्केल का टेबल है, 100 हमने किया था, आप इधर से स्केल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। लिंक अप्लाइंग डिस्क्रिप्शन स्किल्स के हवाले से वो कैसे इसके अंदर की जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम जो सिविल 3D के अंदर जब भी हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सर्वेइंग पॉइंट्स, जिसमें आपकी टॉपोग्राफिकल हुई होती है सारे, उन पॉइंट्स के ऊपर सारे डिज़ाइन बनते हैं और सारा कुछ वर्किंग वगैरह उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होती है। तो उन पॉइंट्स को इम्पोर्ट कैसे किया जाता है, वो दो तीन किस्म के पॉइंट्स होते हैं, उसकी मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं, जो आपकी टोटेशन की फाइल होती है, लैका इंस्ट्रूमेंट की लैदा फाइल होती है, सोकिया टॉपकॉन और जो है नैकॉन वगैरह, GPS का डेटा वगैरह, उनकी अलग अलग फाइल होती है। तो लेकिन जब फाइल को आप शिफ्ट कर लेते हैं तो उसका एक फॉर्मेट सेम टू सेम तकरीबन सबको होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। तो वो फॉर्मेट आपने कैसे इसके अंदर इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपने इधर से आ जाना है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर होम टैब के ऊपर है, तो इधर से आपने इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। इंसर्ट के ऊपर आना है तो ये आप देखेंगे आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है, आपके पास इम्पोर्ट्स वाले कॉलम के अंदर पॉइंट्स फ्राम फाइल, आप इसको जो सिलेक्ट कर लें तो ये आप देखेंगे इंपोर्ट पॉइंट्स का टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये नीचे सारे फॉर्मेट्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं, तो आप कोई भी फॉर्मेट जो होगा वो आपका इन्हीं फाइल्स के ऊपर होगा, आप इधर से उसको आप देख सकते हैं। तो ये आप इधर से सबसे पहले आपने आना इधर प्लस वाले साइन के ऊपर,
जैसे आप इसको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पॉन जेड एन ई जेड डिस्क्रिप्शन सर्वे डेटा फाइल पड़ी है हमारे पास। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये कंप्लीट ही हमारे पास इसकी फाइल है सारी, ये कंप्लीट फाइल इसकी बनी हुई है सारी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं सारे। तो ये इस तरह की फाइल आपके पास होएगी, इस तरह की फाइल होएगी या एक्सेल की कॉमा डेलीमेटेड फाइल होएगी, दोनों फाइल्स को आप इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इधर से ये फाइल है, मैं इसको इधर से ओपन कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये फाइल इधर सेलेक्टेड फाइल के अंदर ये पेपर टिक हो गया सारा, तो नीचे ये फॉर्मेट है सारे। अभी आपकी फाइल कौन सी फॉर्मेट में, पॉइंट एन ई जेड डिस्क्रिप्शन में या जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो आपने इधर से वो फॉर्मेट आपने इधर से सेलेक्ट करना है और इधर से कर देना। तो मेरा पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड और डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ये नीचे आपके सामने इधर ये फॉर्मेट्स वगैरह सारे इसके आ गए। इसके बाद ये सारा आप ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट हमने इधर सेलेक्ट कर लिए है। कोई भी फॉर्मेट होएगा आपने, जो जो सा भी होएगा आपने इसके हिसाब से उधर उसकी सेटिंग करनी है। नीचे ये देख रहे हैं कि ये एड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप है, इधर आप अपना पॉइंट का ग्रुप ऐड कर सकते हैं। आप इसको इधर से इस साइन को इन करें और इधर अपना जो भी आपका आप नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम एन ई जेड कर देता हूँ। इधर नाम आप अपना कोई भी नाम इधर से दे सकते हैं। इधर से ये नाम मैंने दे दिया है और इधर से मैंने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद 2 मिनट आपने थोड़ा सा कुछ वेट करना है, हल्का सा ये पॉइंट इधर से इम्पोर्ट करेगा और इम्पोर्ट करने के बाद आपने इधर से जूम एक्सटेंड कर देना है, जेड इंटर ई इंटर, तो ये पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स आपके सामने इधर आ गए सारे। अभी इस पॉइंट्स के ऊपर ये पूरी इसमें इसका पॉइंट का साइन और इधर इसका नंबर और इसका एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं हमारे पास। तो भी आप देख रहे हैं कि इधर आपको ये अगर स्केल आपको बड़ा लग रहा है तो आप जब अपना स्केल इधर से छोटा कर सकते हैं, जितने भी करेंगे तो ये आपके सामने पॉइंट थोड़े वाजह होते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि स्केल मैंने 500 कर दिया, पहले 1000 का था, तो ये हमारे पास स्केल छोटे हो गए। इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास इधर क्लियर आ रही है, पॉइंट नंबर है, एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन वगैरह है। ये अभी आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हैं, इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप इधर से आ जाएं पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट ग्रुप हमने बनाया था एन ई जेड, आप देख रहे हैं कि ये आप जब इधर अपने प्रोस्पेक्टर के अंदर पहले टैब के अंदर इधर से आपने आ जाना है पॉइंट ग्रुप के अंदर। अगर आपने पॉइंट ग्रुप बनाया तो पॉइंट ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट्स के ऊपर आया हुआ होगा। जैसे एन ई जेड है हमारे पास, आपने इधर से इसको डायरेक्ट राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के ऊपर चले जाना। तो भैया आप देख रहे हैं कि ये एन ई जेड के खुल गए ऑप्शन, इसमें पॉइंट स्टाइल बेसिक आए हुए हैं, ये सारे पॉइंट स्टाइल इसके हैं। आप इसमें से कोई भी पॉइंट स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे के सारे इधर वो चेंज हो जाएंगे। अभी सपोज बेंच मार्क के ऊपर मैं करके इधर से अप्लाई करता हूँ, तो अभी आप ये देखेंगे कि सारे पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरा इधर चेंज हो जाएगा, बेंच मार्क का जो साइन है वो सारा का सारा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं सारे, इनको आप इधर कर सकते हैं। तो हम इधर इसको बेसिक के ऊपर रखेंगे, बेसिक के ऊपर रख के और आगे फिर इनके कोड्स वगैरह जो हैं उनके मुताबिक मैं डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल शुरू से चला रहा हूं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर लाजमी देखना है। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने बेसिक पॉइंट अगर स्टाइल करेंगे चेंज करेंगे तो पॉइंट स्टाइल जो पॉइंट्स के जो स्टाइल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इधर इसी तरीके से पॉइंट लेवल स्टाइल है, आप इसको नॉन कर देंगे आपके सामने इधर सिर्फ जस्ट इधर पॉइंट आ जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि जस्ट मेरे पास इधर पॉइंट आ गए, इधर से इसी तरीके से आप दोबारा आते हैं अपने पॉइंट ग्रुप के अंदर और इधर से आपने नीचे पॉइंट स्टाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन अगर रखना चाहते हैं तो जस्ट आपके पास इधर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि पॉइंट्स के इधर नीचे डिस्क्रिप्शन आई हुई है, इसी तरीके से एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे। आप अपनी वर्किंग के हिसाब से जो जो सी आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो से पॉइंट आपने ऑन करने उसके हिसाब से आप इधर उसका डिस्क्रिप्शन इधर से ऑन कर सकते हैं। एलिवेशन चाहिए, नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए, आप नॉर्थिंग ईस्टिंग लिखेंगे तो नॉर्थिंग ईस्टिंग आ जाएगी सारी हमारे पास इन पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट्स मुख्तलिफ नंबर के हिसाब से सारा कुछ ये करता है। तो इधर अभी डिफॉल्ट के ऊपर मेरे पास साइट था पॉइंट नंबर एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसी को इधर ऑन रखता हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों की हमें इनके आगे काम करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बाकी ये पॉइंट्स ग्रुप्स की सारी सेटिंग्स वगैरह हैं, इनके मुतालिक हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। ये पॉइंट लिस्ट वगैरह सारे आप ये देख रहे हैं कि जो से पॉइंट है सारे पॉइंट्स इधर आपके सामने आए हुए हैं, इसके जितने भी नंबर्स वगैरह जो भी हैं लिखे हुए हैं उसके हिसाब से। तो ये 5778 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर हर किस्म का डिस्क्रिप्शन जो जो सी चीज़ आपने टॉप ऑफ सर्वे के अंदर यूज़ होती है वो सारी की सारी आप इधर से उसको देख सकते हैं। इधर से आपने इन्फॉर्मेशन में आके आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो भी आप ये देख रहे हैं कि नीचे हम आते हैं इधर, तो आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट का स्टाइल, ये पॉइंट का स्टाइल वगैरह है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपने इधर ही एन ई जेड के ऊपर आ जाना है, इधर राइट क्लिक करना है प्रॉपर्टी में, उसी जगह पे आ जाना है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट स्टाइल है, इसके साथ ये एडिट वाला ऑप्शन है।
इसको आप इधर से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, प्वाइंट स्टाइल बेसिक का, ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स है। आप इसको क्लिक करेंगे तो डाटा आ जाएगा, इधर से मैं अप्लाई करता हूँ तो ये सारे पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह मैं इसको पॉइंट स्टाइल आप प्लस वाला करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं रखना चाहते और जो भी स्टाइल आप इसका पॉइंट का देना चाहते हैं वो पॉइंट आप इधर से उसका चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करके आप इसको ओके कर दें, इधर से आप इसको अप्लाई करें तो आपके ये पॉइंट आप देखेंगे इधर ये चेंज हो गए सारे। इसी तरीके से आप दोबारा आते हैं इधर और कोई भी पॉइंट आप इधर प्लस वाला निशान, ये हम डॉट वाला निशान देना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं और इधर से अप्लाई करेंगे तो ये सारे हमारे पॉइंट्स इधर से चेंज हो जाएंगे उस पॉइंट के ऊपर, उसी तरह जिस तरह के हम इसको जो भी स्टाइल वगैरह आप इसका रखना चाहते हैं। तो आप इसकी वर्किंग सारी की सारी इन्हीं तरीके से कर सकते हैं, जो जो से भी इसके अंदर चेंज है। इसके बाद 3D ज्योमेट्री है इसकी, इसके स्टाइल आ जाएंगे, डिस्प्ले है इसकी, लेयर्स वगैरह है, मार्कर लेबल्स वगैरह की लेयर है, उसके बाद इसकी समरी वगैरह आगे इसकी डिटेल वगैरह सारी आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इधर से इनकी इजी तरीके से इसको आप आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मजीद सेटिंग, बेसिक सेटिंग के मतलब मैं आपको बता दूँगा। आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट सेम टू सेम एक ही जैसे हैं, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप अपने पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज ये देख रहे हैं कि ई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, ये गैस लाइन है और ये NSL या जो भी कोई डिस्क्रिप्शन आपकी है, तो आप इसको अगर अपने पॉइंट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो आपने उसके लिए इधर पहला कॉलम है हमारा प्रोस्पेक्टर का और दूसरा कॉलम है हमारा इधर सेटिंग का, प्रोस्पेक्टर और सेटिंग। आपने सेटिंग में आना है, पॉइंट्स को आपने जैसे प्लस वाले निशान को आपने जैसे क्लिक कर देना, इसके इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन की सेट है, इसको आपने जो सिलेक्ट करके इसके प्लस वाला निशान क्लिक करना है, नीचे आ जाए आपके पास आ जाएगा सिंबल 3D, राइट क्लिक करना है आपने और उससे आपने एडिट की इसके ऊपर आ जाना है। एडिट की इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस टाइप का ये आपके सामने ये सारे इसके डिस्क्रिप्शन की का फॉर्मेट खुल जाएगा, ये आपके सामने डिफॉल्ट होंगे। इस किस्म के आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसको इससे ख़त्म कर दें सबको, ताकि आप अपना नया बनाना चाहते हैं तो उसको आप नया बना लें। तो ये आप देखें जैसे आप राइट क्लिक करेंगे और इधर से इसको न्यू के ऊपर आएंगे और इधर से आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो न्यू लेयर्स आपकी इधर सारी बन जाएंगी। जितने आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं सब का आप इधर से न्यू बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको जैसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं सबको, अगर कोई आपके पास गलत हो गया है, कोई आप इसको आप सेटिंग नहीं करना चाह रहे तो कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये न्यू पहली लेयर है, आप इसको इधर से डबल क्लिक करें और आपने इसके ऊपर जो कोड लिखना है, कोड आपने लिखना है ई पोल का, जिस तरीके से सेम टू सेम ये लिखा हुआ है आपने सेम टू सेम यही लिखना है। तो आपने जैसे ई पोल का ये हमने ये जो इधर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ये हमने इधर लिख दिया है। इसके बाद ये स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर आ जाए, इसको क्लिक कर रहे हैं और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट स्टाइल आपको सामने ओपन हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं कि हर किस्म का आपके पास इधर पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। आप इधर से कोई भी पॉइंट्स का चेंज करेंगे तो वो पॉइंट इधर से चेंज हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये गैस वाल्व है, ये गे पोल है, पोल है। तो अब मैं सपोज इधर से मैं इस पोल को, ये वाला पोल को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ये टैप इस टैप का ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप इस पॉइंट के डिस्क्रिप्शन वगैरह भी इधर से देख सकते हैं, सबके ड्रिल होल है इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका ड्रिल होल आ जाएगा। जो जो से भी आप इसके ऊपर करना चाहते हैं, अपना सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, कोई नया बनाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यूटिलिटी पोल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका इसका व्यू देख लेता हूँ तो ये इस टाइप का ये पोल का साइड होगा। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और जैसे भी मैंने इसको ओके कर देना है, ओके करूँगा तो इसकी आप देखेंगे ये पॉइंट मेरे पास डिस्क्रिप्शन इधर बन गया है, लेकिन इधर से मेरे पास अभी ये चेंज नहीं हुआ है। उसको मैं इधर से ऑफ करता हूँ और इधर से मैंने आ जाना है प्रोस्पेक्टर के ऊपर। इधर NEZ जो अपने फॉर्मेट हमारा पॉइंट स्टाइल है इसके ऊपर मैंने आना है और NEZ जो हमने ग्रुप बनाया था इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इधर से अप्लाई डिस्क्रिप्शन की कर देना है। इसको मैं करूंगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे तो ये आपके सामने इधर इसी तरीके से वो हो जाएगा। तो मैं जैसे अप्लाई करता हूँ उसको तो आप देख रहे हैं कि जैसे पॉइंट का स्टाइल मेरे पास इधर चेंज हो गया। तो आप इसी तरीके से जो सा भी अपना पॉइंट चेंज करना चाहते हैं वो पॉइंट को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये गैस लाइन है, ये NSL जनरल पॉइंट्स हैं। तो आप इसको दोबारा इधर से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, इधर से आप ये देखते हैं कि इधर से मैं राइट क्लिक करता हूँ उसके ऊपर और इधर से मैंने न्यू के ऊपर आ जाना है, न्यू के ऊपर आता हूँ और इधर मैंने इसी तरीके से सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन लिखना है जो इसके साथ लिखा हुआ है, गैस और इधर से लाइन लाइन लिख दूंगा और इधर आपने इसके बाद सेकंड नंबर पे डिफॉल्ट के अंदर स्टाइल के अंदर आ जाना है, इसको क्लिक करना है और इधर से जो गैस लाइन का कोई भी पॉइंट है वो आप लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप गैस वाल्व है और इसी तरीके से आयरन पॉइंट, आयरन पिन है और मुख्तलिफ इसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे लगे हुए हैं। कुछ इसके डिफॉल्ट आप बना सकते हैं और सारा कुछ चेंज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो हम इसको इधर जस्ट इधर से गैस वाल्व के ऊपर हम क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं,
तो ये हमारा जैसे पॉइंट चेंज होएगा, पॉइंट आपने कैसे चेंज करना है, इसी तरीके से आप उसको राइट क्लिक कर लें इधर और अप्लाई डिस्क्रिप्शन की करेंगे तो ये आपका पॉइंट आप देख रहे हैं कि जैसे गैस वाल्व इधर हमारा पॉइंट चेंज हो गया। ये NSL है, जनरल पॉइंट्स है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप क्लिक करें और इधर से आप राइट क्लिक करके और न्यू के ऊपर आ जाएँ और इधर आप अपना ये जो डिस्क्रिप्शन इसके साथ लिखी हुई इसके साथ आप लिखते हैं NSL जनरल पॉइंट से हमारे इसका पॉइंट का स्टार आप इधर से इसको क्लिक कर दें और इधर से आप देख लें इधर से इसके पॉइंट स्टाइल के ऊपर आ जाए। इसका पॉइंट स्टाइल की डिफ़ॉल्ट मैं चेंज कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया और चेक किया तो ये आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड में हमारे वही जो जनरल पॉइंट्स हमारे बेसिक आए हुए हैं वही आ रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई और पॉइंट भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर डिफ़ॉल्ट पॉइंट आप देना चाहते हैं। सपोज़ मैं जैसे आपका पास आयरन पिन के ऊपर आ जाता हूँ तो जैसे हम आपको इसको भी चेक कर लेते हैं आयरन पिन के ऊपर, तो ये आप देख रहे हैं कि डबल पॉइंट है। इस पॉइंट का स्टाइल हम जैसे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं तो ये हमारे पास तीन डिस्क्रिप्शन इधर लग गई हैं। इसी तरीके से राइट क्लिक करना है अपने पॉइंट्स के ऊपर और अप्लाई डिस्क्रिप्शन की को कर देना है। अप्लाई डिस्क्रिप्शन की को करेंगे तो थोड़ी देर आपने वेट करना है, करने के बाद देखेंगे तो ये आपके हमारे सारे पॉइंट्स इधर से उसके वो चेंज हो गए हैं। जो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट इसके उस हिसाब में ये सारे चेंज हो गए हैं और सारी वर्किंग इसकी कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्शन की जो आपके पास CSV फाइल है उसके अंदर से आप उसको देख सकते हैं और जो भी आप इसके डिस्क्रिप्शन स्कीज को आप चेंज करेंगे जिस तरीके से भी तो सारे के सारे आपके इधर वो चेंज हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ई पोल हमारे जिधर इधर है और NSL जो जो है वो हमारे इधर ख़त्म हो गए। इधर आप ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी पोल हमारे पास है तो आपने इधर इसी तरीके से उसके ऊपर आ जाना है और राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और इधर से न्यू के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इसका जो भी डिस्क्रिप्शन इसका आ रहा है सेम टू सेम आपने वही डिस्क्रिप्शन देना है। तो इधर से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको इधर से मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूटिलिटी पोल यस कर दें और इधर से आप आ जाए नीचे यूटिलिटी पोल्स का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, उसको भी हम उसी तरीके से चेंज कर देते हैं जो जो से भी ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरीके से कोई और जो भी डिस्क्रिप्शन आपके पास इधर आ रहा है उस पोर्ट को आप इधर आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं, देख सकते हैं सारा कुछ। तो आप ये अपने प्लान के ऊपर जिधर जिधर आपके पास जो जो सी डिस्क्रिप्शन है आप उसके प्लान को इन्हीं तरीके से वर्किंग करते हुए सबको आप चेंज कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इधर डिस्क्रिप्शन की के ऊपर आके। ये पूरा तरीकाकार बार मैंने आपको इधर बताया। तो अभी इसके अंदर जो जो सी पॉइंट्स जिस टाइप के होंगे आप एक दफ़ा उसको चेंज कर देंगे तो सारे पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट को आपने इंपोर्ट कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स वगैरह के मुतालिक बताया और इसके पॉइंट की डिस्क्रिप्शन के मुतालिक मैंने आपको बताया। तो आप ये इसी तरीके से काम करते हुए अपने सारे पॉइंट्स को इधर इंपोर्ट कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पॉइंट की अलग अलग बना सकते हैं। तो ये मेरे दूसरी वीडियो थी Civil 3D के ऊपर, नए सर से मैंने शुरू किया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ। सर्विंग इंजीनियर प्लान है लाइन वर्क कोड एंड डेटा प्रेफरेंस सेटिंग के मुतालिक। तो आपके सामने ये प्लान है, जैसे जस्ट आपने ये लाइन वर्क को इधर क्लिक करना है तो आपका जितना भी ऑटोमेटिकली टॉपोग्राफिकल मैप के ऊपर जो भी लाइन वर्क होता है वो सारा का सारा ड्रा हो जाता है। तो इसके मुतालिक हम वीडियो के अंदर बात करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पिछली जो हमारा सेकंड लेसन था उसके अंदर हमने पॉइंट्स को इंपोर्ट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन इसके मुतालिक सीखा था कि अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन की इसको कैसे लगा सकते हैं, पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इससे आगे आते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कि आप इसकी टॉपोग्राफिकल मैप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली टॉपो प्लान बनाने के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने पॉइंट्स के इंपोर्ट्स किया था तो वो एक जनरल प्रोसेस था। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो हमारा लाइन वर्क और कोड ग्राफिक्स का होता है। उसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप जस्ट अगर आपने वो डेटा बनाया हुआ है तो आपकी ऑटोमेटिकली पूरी ड्राइंग इधर बन के आ जाएगी। उसके लिए क्या है, आपने तो सर्वे टैब के ऊपर आ जाना है। सर्वे टैब पे आना है तो ये आपके पास सर्वे डेटा बेस देख रहे हैं। जैसे मैं न्यू सर्वे डेटा बेस बनाता हूँ, कोई भी नाम देता हूँ उसका, मैं टॉप ऑफ प्लान का, इसको मैं ओके करता हूँ
और ओके करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि टॉपअप प्लान है। इधर आ गए इंपोर्ट्स इवेंट्स, इस पर आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट सर्वे डेटा। इंपोर्ट सर्वे डेटा आप कैसे करेंगे, आपने इसको करना है, इसके बाद आपने इसको टॉपअप प्लान जो हमने बनाया था उसको आपने नेक्स्ट कर देना है। इधर से आपने पॉइंट को इम्पोर्ट करना है, ये मेरा पॉइंट फाइल है। इधर से मैं इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट करूँगा, उधर से क्रिएट नेटवर्क कर दूँगा, कोई भी मैं नाम देता हूँ एक्स वाई जेड का, उसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एक्स वाई जेड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा, और इधर ये कोड सेटिंग हुई है, इसके मुताबिक मैं आपको सारी बात इधर बताता हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, समझाऊँगा। तो इधर से आपने जस्ट उसको फिनिश करना है, ये सेटिंग करके फिनिश करना, तो आप देखेंगे ये नीचे लैन प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसका। इसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, तो ये आपके पास इधर पूरी डिटेल इसकी शो हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये वही डेटा है जो कि हमने अपने पॉइंट्स इंपोर्ट किया था, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पॉइंट्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, हमारे ट्रीज लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे लगे हैं। अभी इसके अंदर ये जो रोड्स वर्क वगैरह आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग लाइन है और ये इसमें रोड्स वगैरह जा रहे हैं, साथ उसके लाइट पोल वगैरह लगे हुए थे, तो वो टॉपो डेटा आप इसके अंदर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे देखेंगे। जस्ट आपने इधर से मैंने राइट क्लिक करना है और प्रोसेस लैंड वर्क स्टार्ट कर देना है। करने के बाद ये सेटिंग आपने छोटी सी करनी है, इसके मुताबिक मैं बताऊंगा, और इधर से आपने ओके कर देना। आप जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे सारा का सारा प्लान हमारे पास इधर क्रिएट हो गया है। ये सारा लैंड वर्क कोडिंग सिस्टम मेथड के थ्रू होता है। इसका स्केल मैं इधर से थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये हमें थोड़ा सा बिल्कुल वाजह हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है सारे ऑटोमेटिकली हमने ये डेटा के ऊपर सर्वे के ऊपर आके उस पॉइंट को जस्ट हमने क्लिक किया तो ये सारा प्लान हमारा इधर बन गया। आप भी अपना प्लान इसको बना सकते हैं, इसके लिए डेटा के ऊपर सारी इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है हमारी पॉइंट्स के अंदर आके सेटिंग वाले टैब के अंदर, और ये जैसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन की के अंदर जो मैंने पहले भी आपको बताया था उसके, और डेटा प्रेफिक के जरिए ये चीज़ें हमारी इधर ऐड होती हैं इन दोनों डेटा के जरिए, ए बी सी और कोड वन सेट। इधर आप इसकी वर्किंग कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा प्लान बन जाएगा। तो हम प्लान को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं न्यू ड्राइंग के ऊपर ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आप ये जैसे नई ड्राइंग ओपन कर लें, इसको आप सेव कर लें। कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को सेव करना होता है, तो आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन के हिसाब से आप इसको तो सेव कर लें, जिधर भी आप रखना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, या जिधर भी एक फोल्डर क्रिएट कर लें अपना। मैं इधर आपको बना देता हूँ, वाई ट्यूब का फोल्डर बना दूंगा इधर, और इधर इसको ओपन करके, और इधर मैं आपको डेटा डेटा कोड सेट के नाम से एक इधर ड्राइंग में क्रिएट कर देता हूँ इसकी, ताकि यह आपका पूरा इधर इसी फोल्डर के अंदर सारा काम हुए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमने अभी इसके जो पहले पॉइंट इंपोर्ट्स किए थे वो हमने इधर इंसर्ट के अंदर जाके इस पॉइंट फ्रॉम इंपोर्ट किया था। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा सारा टॉपोग्राफिकल प्लान कंप्लीट बन जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जैसे सर्वे टैप के ऊपर आना है। ये प्रोस्पेक्टर है, सेटिंग है, टूल बॉक्स है। अगर सर्वे टैप आपके पास नहीं आ रही तो ये ऊपर टूल बॉक्स ओपन हुआ होगा, सर्वे वाला आपको नजर आ रहा है, आपने उसको जैसे क्लिक कर देना है तो ये नीचे आपकी सर्वे की टैब आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे वापस सर्वे की टैब इधर मौजूद आ गई इधर। तो अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर डेटाबेस है, उसको इक्विपमेंट डेटाबेस है, फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस है, और उसके बाद लैंड कोड सेट्स हैं। इन तीनों में हमने काम करना है, सर्वे डेटाबेस, फिगर और लैंड वर्क में। तो सबसे पहले ऊपर आपने सर्वे डेटाबेस के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने न्यू लोकेशन सर्वे डेटाबेस की सेट करनी है। सबसे पहले आपने सेट वर्किंग फोल्डर पर आपने आ जाना है। इधर से आपने सेट वर्किंग फोल्डर के ऊपर आना है। इधर आपके पास जो भी आपने इधर बनाया था वाई ट्यूब के नाम से, इधर ये वाई ट्यूब के नाम से हमने फोल्डर बनाया था, तो इधर आपने एक फोल्डर और क्रिएट कर देना है इधर, और जो हमारा हो जाएगा सर्वे डेटा के हिसाब से सर्वे डेटा, और इधर से आपने ये सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। फोल्डर हमारा सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करना है, न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस, तो आपने इधर से इसको क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपने अपना इधर कोई नाम दे देना है। मैं इधर नाम दे देता हूँ टॉपो डेटा का, टॉपो ओके कर दूंगा मैं इधर। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर पूरा फोल्डर इधर क्रिएट हो गया। इंपोर्ट्स इवेंट्स जो है इसके अंदर हम इंपोर्ट सर्वे डेटा हम करेंगे, लेकिन हमने ये इसमें सबसे पहले फिगर और लैन वर्क कोड को हमने सेट करना है। तो अभी आप इसके लिए आप ये देख रहे थे कि हमारे पास जो सर्वे डेटा था, जो पुराना सर्वे डेटा जिसपे हमने पीछे पॉइंट इंपोर्ट्स किया था, उसी के ऊपर हम काम करेंगे और डेटा को इधर उसको सेट करेंगे। तो इधर से हम आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। इधर आप देख रहे हो दो फोल्डर हैं,
एक फोल्डर जो ओरिजिनल सर्वे का एक्चुअल फोल्डर था वो है, इसके अंदर आप ओपन करते हो तो ये ट्रीज वगैरह सारा कुछ, बिल्डिंग लाइन, ये आपको अलग अलग मिक्सअप सारे पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह सर्वे डेटे के ऊपर आए हुए होते हैं, जो जो सा सर्वे जिस तरीके से किया गया होता है उसके हिसाब से ये पॉइंट्स नंबर भी होते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से आई होती है। लेकिन अगर आप ये हमारा डेटा देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे ये बेंच मार्क सारे इकट्ठे हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग आ रही है। सपोज मैं ओरिजिनल सर्वे डेटा के ऊपर आता हूँ, ये मेरे पास ओरिजिनल है, मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने इसको एक्सेल के ऊपर आ जाना है, एक्सेल के ऊपर आना है, न्यू शीट के ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ उसको, और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ओरिजिनल डेटा। तो इधर से इसी तरीके से मैं सेकंड डेटा के ऊपर आता हूँ, ये जो हमारे मैंने डेटा सेट किया हुआ है, ताकि दोनों का कंपेयर आपको ईजिली हो जाए। तो इसको भी मैं जैसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद एक्सेल के ऊपर आता हूँ, और इधर से न्यू शीट के ऊपर आ जाता हूँ, और इधर उसको मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करूँगा आप देखेंगे इनमें पॉइंट नंबर में भी डिफरेंस होएगा, और पॉइंट के जितने भी क्वांटिटी होगी वो भी डिफरेंस होंगे। तो ये इसके लिए मैं बता दूँ, ये भी हम आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा सारा कॉलम की शक्ल, ये CSV फाइल की शक्ल में, इसको आपने कॉलम के अंदर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है, आपने डेटा टैब को क्लिक करना है, इधर से टेक्स्ट टू कॉलम कर देना है, इधर से ये डेलिमिटेड सेलेक्ट हुआ हुआ है, इधर से आप नेक्स्ट करके आप देखेंगे कॉमा, अगर आपके पास ये कॉमा फाइल है तो आपने कॉमा को सेलेक्ट करना है, स्पेस फाइल है तो आपने स्पेस को सिलेक्ट करना है, कॉमा को करेंगे तो सारे पॉइंट हमारे कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देंगे, अभी आप देखेंगे सारे पॉइंट्स हमारे इधर ये एक सेल के अंदर आ गए। इसी तरीके से ये जो फाइल मैंने अभी बनाई हुई है, इसको भी आपने इसी तरीके से पेस्ट करने के बाद दोबारा इसको आपने इसको कॉलम्स की शक्ल में ले आना है, और नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो ये डेटा दोनों का सेम टू सेम है, लेकिन क्या है इसके अंदर आप देख लेंगे, इधर ट्री आज आ रहा है, इधर बिल्डिंग लाइन है, फिर ट्री है, फिर बिल्डिंग लाइन्स हैं, तो ये मुख्तलिफ यूटिलिटी पोज, मुख्तलिफ जो है ना इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, मुख्तलिफ साइज के ऊपर है, पॉइंट नंबर के ऊपर है। लेकिन जो सेकेंड नंबर की शीट है, इसके अंदर हमारे पास जो हमने फाइल बनानी है वो सारी हमने एक सीक्वेंस के अंदर बनानी है, सीक्वेंस के अंदर बनानी है, जो जो से आपके डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा सबको आपने सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से ये आपको ये मेरी फाइल नज़र आ रही है। तो ये आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम डेटे को सेट करेंगे, कंप्लीट सेट करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो आपने इधर आ जाना है शीट नंबर वन के ऊपर, जो हमारे पास ये डेटा आ रहा है सारा, ये आप देख लेंगे ये डेटा सारा, इसके ऊपर आपने आ जाना। तो आपने इधर आना है, सबसे पहले आपने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, ये कॉलम को पूरा रो को पूरी आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ इसको पूरा कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका कंप्लीट इधर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर से इंसर्ट वाले कॉलम के ऊपर आना है, और इधर से टेबल इंसर्ट कर देना है, ये टेबल इंसर्ट करके आप ओके कर देंगे तो ये आप और देखेंगे कॉलम 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम आ गए। अभी इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, एक तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन इधर सारा क्लियर नज़र आएगा, जितने भी आपके पास आ रहे हैं ये सारे इधर से क्लियर नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी ये सीरियल वाइज। तो अभी इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना, सपोज है हम बात करते हैं अपने बेंच मार्क के ऊपर, तो आपने सेलेक्ट ऑफ कर देना सबको, और जैसे आपने बेंच मार्क को ओपन कर देना, ओके करेंगे तो जितने बेंच मार्क आपके होंगे सारे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं 138 से लेके 6042 तक के आपके बेंच मार्क के पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है, जैसे आपने इसको कॉपी करना है, आप कॉपी करने के बाद आप एक न्यू शीट के ऊपर आ जाएंगे, न्यू शीट के ऊपर आने के बाद आपने इधर पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना, तो ये सारे नंबर आपके इकट्ठे एक ही सेम टू सेम आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ऑफ करना है, और दोबारा आपने इधर से बी जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर आपने आ जाना है। आप देखेंगे बी नंबर के जितने भी सीरियल हैं सारी आ जाएगी, आपने उसको इधर सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबको आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने इधर इनको पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट आपने वैल्यू करना है, पेस्ट एज ए वैल्यू आप कर दें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, लेकिन सीरियल नंबर सबकी या डिस्क्रिप्शन सबका एक ही आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने इसके बाद नीचे आ जाना है, बी के बाद आप इधर आ जाते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि BL हमारे पास है, तो आपने ये BL के पॉइंट्स को भी सारे को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने न्यू शीट के ऊपर इधर आके और आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है। ये आप समझाने का मकसद ये है कि आपने डेटे को सबको सीक्वेंस के ऊपर लेकर आना है, जो जो से आपको पॉइंट अलग अलग लगे हुए हैं नंबर्स के ऊपर आपने सबको ख़त्म करना है, और एक सीक्वेंस के ऊपर सबको अलग शीट के ऊपर आपने उसको बनाना है, इसकी आपने न्यू सेटिंग दोबारा करनी है। अभी आप आ जाते हैं, सपोज मैं इधर से आ जाता हूँ इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल जितने ये सारे आ जाएंगे, आपने इसको इधर से कॉपी करना है और इधर आपने इसके अंदर आके पेस्ट करते जाना है। ये आपने तरतीब वाइज ऊपर से शुरू करना है, नीचे तक आपने सारे पॉइंट्स को इधर पेस्ट कर देना है।
तो ये आपके एक सीक्वेंस के अंदर सारे आ जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर दोबारा अपने इसके अंदर, इधर से मैं अभी जो रोड के जो हमारे प्रोग्राम है कोई एक रोड को मैं इधर सीधा करके आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे करने लगेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पर रोड वन की सेंटर लाइन जा रही है, इसी तरह ये रोड वन का लेफ्ट साइड है और ऊपर ये हमारे पास रोड वन का ये राइट साइड है। ओके करता हूँ तो ये हमारे पास सारे रोड वन के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं राइट लेफ्ट के सारे इधर आ जाएंगे, ये मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर सारे पॉइंट्स। तो आपने इनको भी इसी तरीके से इधर कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उधर अलग पेस्ट कर देना। तो ये आपने जितने आपके पास रोड्स आते हैं, कोई बिल्डिंग्स है, कोई चीज़ें हैं, उनको आपने सबको एक सीक्वेंस के अंदर लेकर आना है। अभी ये मैं इधर मैंने पेस्ट कर दी, जिस तरह ऊपर जा रहे हैं तो अभी आप देखेंगे इधर हमने इधर बी डिस्क्रिप्शन हमारा बिल्डिंग लाइन है, हमारी इलेक्ट्रिक पोल है और ये रोड वन हमारे जो जो से उसके कोऑर्डिनेट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है सारा का सारा मैंने इधर इसको लगा दिए। इसके बाद इसकी हम इधर से सेटिंग करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे सिविल 3D के ऊपर, उधर मैं आपको इसका जो बेसिकली सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं इधर हम वर्किंग करेंगे लाइन वर्क कोड के ऊपर, और उसके बाद दोबारा हम इधर आएंगे एक्सेल के ऊपर और इधर इसके ऊपर जो हमने ये जो सेकेंड शीट बनाई है उसको मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करके बताऊँगा। और इसी तरह जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर ये मैंने पूरी वर्किंग शीट बनाई हुई है, इस शीट के हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को उधर लगाएंगे भी, उसके डिस्क्रिप्शन भी लगाएंगे और उसकी सारी वर्किंग करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप इधर साइड पे सर्वे वाले टैब के ऊपर आ जाएं, साइड के ऊपर पहले हमने अपना इधर सर्वे डेटा बेस के अंदर टॉपो के नाम से अपनी फाइल क्रिएट की थी सारी। तो अभी आप इधर आ जाएं, ये आप देख रहे हैं कि ये फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस है और दूसरे नंबर पर लैंड कोड वर्क सेट है। तो आपने लैंड वर्क कोड सेट के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर आ जाना है, इधर आपने उसका नाम देना है। तो मैं इधर नाम दे देता हूँ कोड वन का, कोड वन का नाम आप भी कोई नाम दे दें जो आपको पसंद हो। तो इसके बाद आप ये देख रहे हैं कोड वन सेटिंग के ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन है, कोड वन कोड मेथड है, स्पेस तरीकाकार है, स्पेशल कोड है, ये स्पेशल कोड है बिगनिंग, बिगनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है बी से, तो हम इसको कर देते हैं चेंज करना चाहते हैं BOP, आप इसको कर दें लार्ज कैपिटल ऑन करके इसको BOP कर दें, दूसरे नंबर पर कंटिन्यू सी है, एंड के ऊपर ई है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्लोज के ऊपर CLS लिखा है, इसको मैं CLS लिखा रहने दूंगा क्योंकि जो जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ये तकरीबन हमारे उससे थोड़े से अलहदा हो, जो हमारे ये डिस्क्रिप्शन की होती हैं उस साथ, तो ये ऊपर जो हमारा हमने उसको चेंज किया है, ये जो बी था बी के साथ हमारा अमूमन डिस्क्रिप्शन वगैरह चल रहा होता है, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया है BOP बिगनिंग ऑफ पॉइंट लिख दिया। आप इधर STA स्टार्ट लिख सकते हैं, कुछ इस किस्म का नाम आप दे सकते हैं, मैं बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट का नाम दूंगा इसके अंदर। तो बाकी जो है ये आपके वर्टिकल ऑफसेट V से है और स्टॉप ऑफसेट SO से, बाकी लैंड सेगमेंट कोड वगैरह जो इधर लिखे हुए डिफ़ॉल्ट उसको आप इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट रहने दो। तो ये सब मैनर जो हमारी सेटिंग है इस कोड वर्क के अंदर, तो ये हमारे बिगनिंग ऑफ पॉइंट और क्लोज के ऊपर जो है ये दोनों पॉइंट्स की होती है, ये आप अपने नाम इधर रख लेते हैं। इसके बाद आप इसको इधर से ओके कर देना, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कोड वन हमारे पास इधर ये सेट हो गया। तो अब ये कोड वन जो हमारे पास इधर सेट हुआ है इसको अगर आप एडिट करें तो दोबारा आप इसमें आ जाएंगे। तो ये जो बिगनिंग ऑफ पॉइंट है इसको आपने इस डेटे के ऊपर सेट करना है, इन डेटे के ऊपर। अभी इसमें आप ये देख लेंगे जो हमारा कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह बेंच मार्क है, बेंच मार्क हमारा एक पॉइंट सिंगल पॉइंट होता है, इसी तरह आप देखने के नीचे आते हैं हमारे कोई कर्व स्टोन है, ड्रेन है, ड्रेन हमारी कंटिन्यू चलती है, इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल हमारा सेपरेट सिंगल पॉइंट होता है, इसी तरह कोई यूटिलिटी पोल है, कोई हमारे पास गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर हमारे पास सिंगल होते हैं। अगर ये फार्म हाउस आप देख रहे हैं, अगर ये एफ हाउस लिखा हुआ है ये कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ये जो गैस चैम्बर और इस टाइप का पॉइंट होते हैं ये हमारे कंटिन्यू चलते हैं। तो ये इस किस्म के ये लाइट पोल है, हाइड्रेंट है, ये सिंगल सिंगल पॉइंट होते हैं। जो सिंगल पॉइंट होते हैं उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इधर इसके ऊपर जो कंटिन्यू पॉइंट होते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये रोड हमारा जा रहा है, रोड वन सेंटर लाइन है, ये अभी हमने कॉपी करके इसको पेस्ट किया, इस डेटे को हमने कंटिन्यू किया है। इस कंटिन्यू करने के बाद भी इस डेटे को आपने एक सीक्वेंस के अंदर लेकर आना है। सीक्वेंस के अंदर आपने कैसे लेकर आना, अभी आप देख रहे हैं इसके पॉइंट्स सारे अलग अलग इधर लगे हुए, ये R1 राइट साइड है, सेंटर लाइन है, ये इन पॉइंट्स को आपने सबसे पहले आपने प्लॉट करना है सिंपल कैड के ऊपर, यानी सपोज मैं जैसे इज इक्वल टू करता हूँ और जैसे स्ट्रिंग की
वैल्यू हमारी एंड लगाता हूँ डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड आर टू कैड फॉर्मेट के ऊपर। तो ये आपने फॉर्मेट इधर बना देना है, फॉर्मेट बना के आप इसको नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर देना पूरे एंड पॉइंट तक जिधर आपके रोड के पॉइंट्स जा रहे हैं। इधर से आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैं इधर या तो आप ऑटो कैड के ऊपर आ जाएँ या सिविल 3D के ऊपर ही। इधर मैं आपको जस्ट पहले एक इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, पॉली लाइन लेके और आपने इसको इधर पेस्ट करना है। जूम एक्सटेंड करेंगे तो ये आप देखेंगे ये पॉइंट हमारे सारे मिक्सचअप है, कोई पॉइंट आगे लगा हुआ है, कोई पॉइंट हमारा पीछे लगा हुआ है, ये तीन पॉइंट सीक्वेंस में जा रहे हैं। लेकिन ये इधर से ये जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ये हमारी लाइनें अलग अलग है, और इसको अगर आप पॉइंट की शक्ल में लगा तो इधर से मैं पॉइंट को, ये मल्टीपल पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इधर मैं पॉइंट को लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये पॉइंट मेरे बिल्कुल सीक्वेंस में है। लेकिन जब हम लाइन लगाते हैं तो लाइन गलत आती है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए हम इधर से अपना ओरिजिनल टॉपो डेटा है उसको मैं इधर इंपोर्ट करूंगा और उसके ऊपर आपने पॉइंट नंबर देख के इसको सेट करना है। उसके लिए आपने इधर इंसर्ट के ऊपर आ जाना है, पॉइंट फाइल के ऊपर प्लस वाले निशान के ऊपर आ जाना है इधर से, और इधर से मैं आ जाता हूँ अपने चैनल फाइल के ऊपर। तो अभी देख रहे कि ये एक्चुअल डेटा था, इसको मैं इधर से ओपन करूंगा और इधर से मैंने पॉइंट एन ई जेड जो है इसको सिलेक्ट करके मैं इधर से ओके कर देता हूँ। ओके करूंगा तो ये पॉइंट मेरे पास इधर आ जाएंगे। इधर से मैंने इन पॉइंट को ऑल पॉइंट्स को इधर से इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ, तो नीचे मैंने आना है इधर इसके पॉइंट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, इसको मैं इधर से ऑन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ इधर से और ओके करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास इसके इधर पॉइंट नंबर और एलिवेशन आ गई, तो स्केल थोड़ा सा बड़ा है, स्केल में इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये हमारे सारे पॉइंट इधर से वाजा हो जाए। तो अभी आप इधर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास रोड रोड के पॉइंट हैं सारे, सी एस है, रोड है, आर आर के जो जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे इधर आ गए हैं उसके। तो इन पॉइंट्स को भी आपने इसको इसके ऊपर अभी आपने इसका पॉइंट नंबर नोट करना है और इधर से उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो उसके लिए कैसे है, आपने इधर से आ जाना है इधर पॉइंट के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर 16 नंबर पॉइंट है रोड सेंटर लाइन का, ये डेटा मैंने इधर से कॉपी किया हुआ है, इसको मैं डेटा को मैं इधर से कॉपी, सारा डेटा मैंने कॉपी किया हुआ है। तो इधर से मैं सिर्फ जो सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इस जगह के ऊपर मैं लगा के चेक करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट किस तरीके से जा रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा पास ये वाला आया है, उसके बाद ये हमारी सिक्वेंस जा रही है, उसके पास ये पॉइंट इधर से आउट है सारे। तो ये भी इधर इन पॉइंट को आपने सीक्वेंस के अंदर लेकर आना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर से जो हमारे पास पहला पॉइंट है आर वन का सेंटर लाइन का वो 6190 के ऊपर है। तो अभी आप इधर से देखेंगे 6190 है, इसको आपने इधर से वन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आगे नेक्स्ट आ जाना है आगे सिविल 3D के ऊपर, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है इधर सेंटर लाइन का उसको आपने देखना है, उसको आपने क्लिक कर देना। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा रोड वन सेंटर लाइन का जो पॉइंट है वो हमारे पास है 6191 का, ये 6191 का इसको आपने इधर से टू कर देना है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट आ जाएँ इधर, ये हमारे पास पॉइंट है इसी तरह 6192, ये 92 इसको आपने थ्री कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है 3898 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है, नेक्स्ट आप देखने के ऊपर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास तकरीबन ये 16 नंबर, तो आपने ऊपर आ जाना है इधर 16 नंबर के ऊपर। तो ये हमारे पास ऊपर नीचे आ गए थे 3 नंबर, इसको आपने कर देना है 4। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने आ जाना है, ये हमारे पास नंबर आ रहा है इसका 18 नंबर, 18 को आपने 5 कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ आप, ये हमारे पास आ गया सीएल का पॉइंट आ गया 32 नंबर, तो 32 नंबर को आपने इधर से 6 कर देना है। इसी तरीके से आपने आगे आना है, ये हमारे पास 34 नंबर, 34 नंबर को आपने 7 कर देना है। उसके बाद है 45,
45 नंबर को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 180, 8 आ गया, 180 को आपने 9 कर देना है ढूंढ के, इधर से आपने इसको 9 कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए इधर, ये हमारे पास ऊपर पॉइंट आ गया 42 नंबर, 42 नंबर को आपने 10 कर देना है, ये 42 है इसको आपने इधर से 10 नंबर कर देना है। उसके बाद आ जाए 29, 29 को आपने 11 नंबर करना है, ये 29 है इसको आपने इधर 11 नंबर कर देना है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये 43 है, 43 को आपने 12 कर देना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास 6193, इसको आपने कर देना है। आगे हमारे पास 12 नंबर तक आया था, इसको आपने इसे 30 नंबर कर देना है। तो आपने इसको इस तरह चेंज करते जाना है। उसके बाद जब आपने चेंज कर देना है तो आपने ये सारे पॉइंट को इधर से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और शॉर्ट में आ जाना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने इसके एक सीरियल नंबर से सीधी कर देनी है। अभी आप देखने के इधर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 तक हमने पॉइंट लगाए हैं तो वो आ गए। तो ये अभी हमने ये पॉइंट लाइन लगाई हुई है, तो हम 30 नंबर तक इस लाइन को इधर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इधर आ जाते हैं। इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ इधर से, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पॉइंट जो लगे हैं गलत लगे हैं ठीक। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल पॉइंट जो हैं ये सारे एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से ये वर्किंग करनी है और ये पूरे इनको आपने एक सीक्वेंस के अंदर इस पॉइंट्स को लेकर आना है। तो अभी मैंने ये बाकी पॉइंट्स को भी आप देख रहे हैं कि 15, 16 है, उसके बाद 18 है, 23, 20, 19, ये सब को मैंने इधर से चेंज कर दिया। तो अभी आपने इधर से जब आप नंबर चेंज कर लेंगे तो आपने इधर आना है सबके ऊपर एंड तक, और इधर से आपने राइट क्लिक करके शॉर्ट में आके और इधर से स्मॉलेस्ट कर देना है। तो ये आपके सारे सीरियल नंबर तरतीब वाइज सारे आ जाएंगे। तभी आप इधर से मैं इसको कॉपी करके हम आपको इधर से चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास पूरे एक तरतीब में आ गए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये लाइनें हमारी लगी हुई थी, इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ सारी। तो ये पीछे हमने लाइन लगाई थी, इसको भी मैं इधर से ख़त्म करता हूँ और इधर पूरी लाइन लेके और लाइन लगाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी एंड तक मेरे पास ये लाइन इधर ड्रा हो गई है। ये जिधर जिधर पॉइंट है ये सारे पॉइंट हमारे एक सीक्वेंस के अंदर आ गए, एक सीरियल नंबर के ऊपर आ गए। अभी आप जिस तरह ये देख रहे हैं, आपने बाकी इसको भी इसी तरीके से कर देना है, बार बार राइट साइड को लेफ्ट साइड को आप सबको इसी तरीके से इसमें सीक्वेंस वाइज करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको इसका ये पूरा मेथड बताया। ये सिंपल सा मेथड मैंने बताया आपको, आपने इसके ज़रिए पूरी वर्किंग करके और आपने अपने सारे डेटे को इधर से सीधा करना। थोड़ा बहुत टाइम आपका लग जाएगा लेकिन आपने इसको इसी हिसाब में इसको करना है। तो आपने ये सारे को इसी तरह सीरियल नंबर इसका चेंज कर देना। अब सीरियल नंबर चेंज करने के बाद इधर से मैं इस पोर्शन को डिलीट करता हूँ। तो ये आपने क्या करना है, इधर से जब ये सारा कर देना तो आपने कॉलम ऊपर इसके इंसर्ट करने, इधर ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने इधर से कॉपी करना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ इधर BOP लिख देना है। BOP जिस तरह आपने हमने उस डेटे के अंदर लिखा था BOP, ये आपने लिख लेना। अभी आप इधर से आता हूँ मैं इधर और ये सर्वे में आता हूँ, ये कोड 1 हमने बनाया है, इसको एडिट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इधर हमने जिधर से बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ पॉइंट, वो उसको हमने इधर BOP का नाम दिया था। तो आपने इधर इसको इधर BOP कर देना है, इसको कॉपी करना है, BOP कर देना है। इसके बाद इसी तरीके से आपने एंड पे आना है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका एंड पॉइंट है। इधर से भी आपने कॉलम को इधर इंसर्ट कर देना है। कॉलम को इंसर्ट करना है, ये लास्ट पॉइंट आपका, आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इधर इसके एंड के ऊपर CLS लिख देना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंट था इधर जिधर स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये पूरा इधर हमने इसको कर दी। जिधर से पॉइंट हमारा रोड स्टार्ट होएगा, लाइन वर्क स्टार्ट होएगा, उधर हमने BOP कर देना है। जिधर हमारे पास एंड हो रहा होगा उधर हमने CLS कर देना है। इस तरीके से आपने इसकी सारी चेंजिंग करनी है। जब ये आप सारी चेंजिंग इसकी कर लेंगे,
सारे सारे सिस्टम के, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे, कुछ पॉइंट आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो जो पॉइंट ऐड होंगे उसके बाद आपने ये देखने कि ये दोनों सीरियल नंबर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, तो आपने इस सारे डेटे को आपने नंबर उसका चेंज कर देना, नंबर 1 2 पॉइंट नंबर जो होंगे ऊपर आपने इसको इसी तरीके से 3 कर देना है, और इधर इसको सिलेक्ट करके इसका सारे नंबर इसके अपडेट कर देने हैं, नए नंबर लगा देने हैं। नए नंबर लगाए बगैर आपका ये काम नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास पहले 137 138 और ये सीक्वेंस में आ गया। इधर ये हमने बिगनिंग पॉइंट वो जो कॉपी करके ऊपर लिखा था उसका नंबर इधर अलहदा आ गया, जिधर हमारे पास ख़त्म हुआ था उधर हमारे पास इसका नंबर अलहदा आ गया, और ये बाकी नंबर भी सारे चेंज हो गए। तो हम आते हैं अपने शीट के ऊपर। ये शीट जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, तो आप इसमें देखते हैं तो इधर आप देख रहे हैं कि वही पॉइंट है, उसके साथ नंबर वही है। हमने इसके साथ बिगनिंग ऑफ पॉइंट इधर लिख दिया है, और जिधर ये पॉइंट एंड हो रहा है रोड उसके साथ मैंने CLS लिख दिया है। ये आप मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये बाकी भी पॉइंट सारे हमने इसी तरीके से उसको सीधा किया है। ये लेफ्ट साइड के पॉइंट हैं, इनको भी आपने सीधा करना है, जिधर स्टार्ट हो रहा है बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जिधर एंड हो रहा है उधर आपने CLS, और जो अगला एंड स्टार्ट हो रहा है उधर बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, और इधर आगे इसी तरह CLS और BOP आपने ये लिखते जाना है, और पॉइंट को आपने सिक्वेंस वाइज। तो आप देख रहे हैं कि ये इधर ये पॉइंट हमारे पास जो इधर एंड हो रहा है, और उसके बाद जो लगा है ये सेम टू सेम पॉइंट है, एलिवेशन भी उनके वही है, और लेकिन इधर सिर्फ हमने CLS लगाया हुआ, और नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ पॉइंट 06 और उससे आगे वाला पॉइंट उसके साथ सेम टू सेम है, सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने फ़र्क लगाया है। तो ये आपने पूरी शीट जिस तरह ये मैंने तैयार की है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना पूरा डेटा को आपने तैयार करना है। ये आपके पास ओरिजिनल शीट थी जिसको हमने कॉलम की शक्ल में लेकर आए थे, और उसको टेबल की शक्ल में लेकर आए थे, और उसको हमने इधर मैंने आपको बताया कि आप उसको किस तरीके से उसको आप सीक्वेंस वाइज करेंगे। उसके लिए मैंने आपको सिंपल 3D के अंदर पूरी इसकी डिटेल भी बताई है कि आप उसको कैसे लगा सकते हैं, आपने आपकी लाइन किस तरह आनी चाहिए। जब आपकी डेटे के अंदर ये लाइन पूरी सीक्वेंस के अंदर होगी, तो हमारे पास ये सिंपल 3D जो है, ये कोड वर्क जो है इसका, उसी तरीके से इसके अंदर ये काम करेगा। अगर आप उसको सीक्वेंस के अंदर नहीं लेकर आएंगे पूरे सिस्टम को, तो ये आपका लाइन वर्क कोड और परफेक्ट फिगर्स जो हैं ये आपकी इधर नहीं बनेगी। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत कर लेंगे, इसकी डेटा को आपने बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है, तो बस जस्ट इधर से आपने इसके अंदर जब प्लॉट करना है, तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपका इधर प्लॉट हो जाएगा। इधर से मैं इस सिस्टम को पूरे को रेस कर देता हूँ ताकि हम इसको नए सिरे से करें। आपको ये कोड लाइन वर्क कोड सेट का डेटा और उसकी जो तरीकाकार है उसकी समझ आ गई होगी कि आपने इसको कैसे करना है। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं इधर ऊपर हमारे पास है फिगर प्रेफिक्स डेटाबेस। तो आपने इसके अंदर न्यू के राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर आ जाना है। इधर अभी आपने डेटा का नाम देना है। इधर हम अपना जो फिगर प्रेफिक्स डेटाबेस है, नीचे हमने कोड बन दिया था, इधर हम उसको ABC का नाम दे देते हैं। ABC का नाम दे देंगे तो ये हमारे पास इधर ABC के नाम से इधर इसकी फिगर के ऊपर एक नया सब फोल्डर इधर ऐड हो जाएगा। आप जितने ऐड करना चाहते हैं कर दें, एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही काफ़ी होता है। उसको आपने इधर राइट क्लिक करना है, मैनेज फिगर प्रेफिक्स डेटाबेस को आपने क्लिक कर देना। तो अभी आप देखते हैं ये फिगर प्रेफिक्स डेटाबेस मैनेजर आपके सामने इधर ओपन हो गया, साथ उसका नाम लिखा है। आप देख रहे हैं ये टेबल हमने इसके अंदर इनपुट करना है, नेम है, ब्रेक लाइन है, लॉट लाइन है, लेयर है, स्टाइल है और साइट है। इसको हम कैसे बनाएंगे प्रेफिक्स डेटाबेस के हिसाब से, कौन सी जिस पे आपने लाइन वर्क करना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास BA ये जनरल पॉइंट्स हैं। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इधर मैंने BOP लिखा हुआ है, BW2 के साथ BOPA, ये हमारी एक बिल्डिंग प्लाजा है। उसके साथ जिधर से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं उधर से लेकर एंड तक ये मैंने क्लोज किया हुआ है। जिसके साथ BOP और CLS जिसके ऊपर आप लाइन वर्क करना चाहते हैं, वो डेटा आपने इसके अंदर इस डेटा के अंदर इनपुट करना है। अभी जैसे सपोज ये मेरे पास BW2 है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। आपने सेम टू सेम यही चीज़ इसके अंदर करनी है, आपने ऐड कर देना है प्लस वाले निशान के ऊपर, सैंपल के ऊपर आना है, उसे कंट्रोल वी कर देना है, वही आपने लेयर इसकी बना देनी है। ये हमारी पहली लाइन वर्क की लेयर बन जाएगी जो प्रीफिक्स डेटा बेस की होगी। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, ये CS चल रहा है, या ड्रेन है, ड्रेन के भी हमने मैं सेटिंग नहीं की। इलेक्ट्रिक पोल जो है ये जनरल पॉइंट्स होते हैं, सिंगल पॉइंट या लाइन जो जा रही होती है उसके हिसाब से होता है। ये FC है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास फार्म हाउस है, फार्म हाउस भी आप इसी तरह एफ हाउस जो है इसका भी हमने इसको बनाना चाहते हैं। आप इसके साथ आप लिख दें BOP, तो ये डेटा जो है इसके जो डिस्क्रिप्शन होगी इसको मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने लगाना है।
पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरह लेयर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। आपने वही इतना फिगर लिखना है जो कि इसके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, ये गैस चैम्बर है, ग्रेवयार्ड है, लाइट पोल है, ये आपने नीचे आते जाना। उसके बाद ये एनसल हमारे जनरल पॉइंट है, काफ़ी सारे थे, इसको मैंने एक सीक्वेंस के अंदर किया। तो नीचे जो हमारा लैंड वर्क है वो मैक्सिमम हमारा इधर नीचे है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे रोड से ऊपर है, ये जैसे रोड से ऊपर थोड़ा सा हमारी दो तीन बिल्डिंग्स वगैरह इधर है, उनको हम लगाएंगे। उसके बाद रोड्स वगैरह को हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ये ट्रीज़ वगैरह है, ट्रीज़ भी हमारे नॉर्मल सिंगल सिंगल पॉइंट होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर आ गया, रोड 1C है। आप इसको जैसे कॉपी करें और इधर आ जाएं, इधर न्यू के ऊपर आ जाएं, और इधर आपने कर देना है रोड 1C है, उसी को पेस्ट कर दें। या लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। इसी तरह आप न्यू लेयर को ऐड कर दें, इसको इधर रोड 1CL है, उसके बाद रोड 1 लेफ्ट साइड, इसको आपने जैसे कॉपी करना है और इसके अंदर आना है आपने जस्ट जैसे रोड 1 लेफ्ट साइड। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये रोड 1 राइट साइड। तो आपने जो जो से लाइन वर्क का डेटा करना है वो आपने इधर इसको इधर लगाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह ये R2 सेंटर लाइन है, इसके हम लाइन वर्क करना चाहते हैं, ये R2 इधर आ जाएगा और इधर इसी तरीके से इसकी लेयर बन जाएगी। इधर नीचे आ जाएं आप, ये R2 राइट साइड, सिंगल 3D के अंदर राइट साइड, और ऐड कर दें इसके अंदर। ऐड करते जाएं, जितने जितने पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट्स का कोड आपने इसके अंदर इंटर करना है। ये हम छोड़ गए थे, हमने राइट साइड लेफ्ट साइड सारी बनानी है इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोड 3, ये आपने सारे इसी तरह ये ऐड करते जाने। आप देख रहे हैं सबके साथ CLS और बिगनिंग का पॉइंट लिखा हुआ है। आपने इस पॉइंट को इसी तरीके से जो लाइन वर्क होएगा आपने उसकी पहले उसको सीक्वेंस उसका सीधा करना है, और उसके बाद आपने उसको बना देना है। जब आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारा डेटा इधर इनपुट कर दिया है, ये कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक ये सारा डेटा, और साथ उनकी उसी नेम पे लेयर्स। तो अभी आपने इसमें से ब्रेक लाइन, स्लॉट लाइन और ये स्टाइल वगैरह, इसको आपने किसी को नहीं करना। इसके बाद आगे हम जब जाएंगे उसके अंदर इन चीज़ों को हम उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर से आपने ये डेटा सारा जो जो सभी लाइन वर्क आपके पास आ रहा है उसके साथ आपने CLS, BOP और साथ उसके दरमियान में उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह होंगे, और ये लाइन्स को आपने इसी तरह लिखना है, और लिखने के बाद आपने इधर डेटा प्रीफिक्स के अंदर इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने इसको जैसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये वाला ऐसा आप देख रहे हैं कि ABC जो हमने कोड प्रीफिक्स बॉक्स और लाइन वर्क कोड सेट किया है उसको हमने बना दिया है। अभी आपने आ जाना सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आएंगे, इधर आपने आना पॉइंट्स के अंदर। ये सेटिंग दूसरे नंबर की टैब होगी, इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर, और इधर से डिस्क्रिप्शन की सेट्स, और नीचे सिवल 3D, इधर आपने एडिट की के ऊपर आ जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये पुरानी हमारे पास इधर तीन बनी हुई है, TRS और ST है। तो आपने इनको सबको इधर से ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे तो ये हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आप आते हैं तो ये न्यू डिस्क्रिप्शन की है। इस पोर्शन के अंदर आपने ये सारे डिस्क्रिप्शन जितने भी आपके पास आ रहे हैं, या ये जितने भी आ रहे थे आपके पास इस पोर्शन के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। इसके अंदर BOP CLS आपने नहीं लिखना, BOP CLS नहीं लिखना। बाकी जो जनरल जितने भी कोडिंग है, आपके पार्क है, आपकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जो भी ये सारे आपने इधर इसके अंदर हर चीज़ आपने इंटर करनी है। इस सेगमेंट के अंदर इंटर करनी है, इधर आपका लेबल स्टाइल भी आएगा और सारा कुछ होएगा। तो हम इसको इससे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए बेहतर है आप ये सारे डिस्क्रिप्शन इधर एक साइड के ऊपर इधर लिख लें। इधर से जो जो से लिखे हुए हैं सारे इधर आप एक साइड के ऊपर लिख लें, और इधर से आपने सिवल 3D के ऊपर आ जाना है। आना है इधर आपने सेकंड नंबर के ऊपर, पहला नंबर प्रोस्पेक्टर है, सेकंड नंबर के ऊपर सेटिंग है, आपने सेटिंग के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने पॉइंट्स के ऊपर आना है, उधर से आपने डिस्क्रिप्शन की आप देख रहे हैं कि आपके सामने, इसको आपने प्लस निशान पर क्लिक करना और सिवल 3D को सिलेक्ट करके एडिट की इसके ऊपर आ जाना है। ये हमारे पास पुरानी बनी हुई है, आपने इसको जैसे डिलीट कर देना।
उसके बाद आपने इधर से इसको नया बनाना है, इसको भी मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा इधर से ओपन करेंगे इसको, ये न्यू डिस्क्रिप्शन की आ रही है। तो पहले आपने एक्सेल को अगर लिख लेना है या आपने सामने कोई लिस्ट बना लेनी है, उसके सामने आपने देख के इसके ऊपर ये चीज़ें इंटर करनी है। इसको मैं इधर से इधर करता हूँ और ये सामने रख देता हूँ। जो आप देख रहे हैं कि पहली जो डिस्क्रिप्शन की है हमारे पास वो है हमारे पास बी की। तो आपने इधर न्यू डिस्क्रिप्शन के ऊपर आना है, पहले नंबर पर आपने इधर से बी लिखना है। स्टाइल आप पॉइंट स्टाइल बी को फिर कौन से लिखना चाहेंगे इसको क्लिक कर दें और इधर से आपने इसको बेसिक कर दें। बेसिक पॉइंट हमारा आएगा बी के ऊपर और इधर से पॉइंट लेबल स्टाइल। अभी इसमें लेबल स्टाइल है, डिस्क्रिप्शन ओनली है, डिस्क्रिप्शन एनिमेशन है, एनिमेशन है नथिंग स्ट्रिंग पॉइंट नंबर, तो आप उसमें क्या लगना चाहते हैं। हम इसके अंदर जस्ट इधर से डिस्क्रिप्शन ओनली करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद ये लेयर है, लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और इधर आपने न्यू लेयर को बना देना है। न्यू लेयर को बनाना है और इधर आपने इसकी लेयर दोबारा बनानी है बी। कलर जो भी आप पॉइंट्स का रखना चाहते हैं आप वो कलर रख लें, वाइट है जिसमें उसको वाइट ही कर दें। तो ये पहली लेयर हमारी इधर से क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह आपने इसको जैसे कॉपी कर लेना है, ये नीचे आ जाएगी कॉपी, ओके। नीचे हमारे पास है बेंच मार्क, ये इधर से आपने सेम टू सेम इसी तरह आपने इसको कॉपी कर लेना है और इधर आपने आना है और इधर पेस्ट कर देना है आपने इसको। ये बेंच मार्क हो जाएगा, पॉइंट स्टाइल इधर से आ जाए और बेंच मार्क, ये बेंच मार्क पॉइंट स्टाइल है, ये आप देख रहे हैं मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा इस टाइप का पॉइंट होगा, आपने जैसे इसका पॉइंट चेंज कर देना है। इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन या एलिवेशन लिखना चाहते हैं तो चेंज करना चाहते हैं तो कर दें। मैं जैसे एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन इसका दोनों पॉइंट्स का कर देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे लेयर के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि लेयर हमारी वही चल रही है, आपने जैसे न्यू आना है और इधर आपने बी एम की लेयर डाल देनी है, कलर आपने डिफ़ॉल्ट वही रखना। अभी आप देख रहे हैं कि दो बन गई हमारे पास। इधर से इसी तरह आपने इधर नीचे आ जाना है और उसको आपने न्यू कर देना है या कॉपी कर ले कोई भी, मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से। तो कॉपी ऑफ बेंच मार्क आ गई है, नेक्स्ट है हमारे पास बी एल। तो इधर से आपने इसको रिप्लेस कर देना है, नाम लिख देना है बी एल का। इसके पॉइंट आपने जो भी है हमारे पास डिफॉल्ट बेसिक आपने बेसिक कर देने। इसके ऊपर अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन करके ओके कर दें और इधर से आपने इसकी लेयर के ऊपर न्यू आ जाएँ और जैसे आपने इसकी लेयर को ही बना दें जो आपके पास है। बी एल कलर आप बिल्डिंग लाइन है हमारी, इसके कलर आप वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। थर्ड आ गई है, इसके बाद आपने इसको दोबारा कॉपी कर लेना है और नीचे आ लेना है। तो ये इधर हमारे पास बी एल टू है, ये हमारे पास आ जाएगी बी एल टू, ये सेम टू सेम है बी एल बिल्डिंग लाइन टू है। बाकी चीज़ें हमने इसकी डिफॉल्ट रखनी है, इस तरह आपने कॉपी करके नीचे आ जाना है। और नेक्स्ट है हमारे पास बी एल थ्री, बी एल थ्री आपने कर देनी, इसी तरह आपने कॉपी करके नीचे आ जाना है। और जो हमारे पास है बी एल फोर, आप देख रहे हैं कि बी एल फोर है। उसके बाद आपने बी एल फोर को भी हमने वही रखना है। उसके बाद आपने दोबारा से कॉपी करना है, ये नीचे नेक्स्ट हमारे पास है इधर बी डब्ल्यू, ये आपने इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, बी डब्ल्यू कर देना है इसका। पॉइंट हमारा बेसिक ही आ जाएंगे और इसी तरीके से आप इसकी लेयर चेंज कर दें, इधर बी डब्ल्यू आप इसकी लेयर कर दें ताकि आपको आगे काम में आसानी हो जाए। इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर इसका चेंज कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है इधर बी डब्ल्यू टू है, बी डब्ल्यू टू भी इसी तरह आपने इसको आपने जैसे कॉपी करते जाना है। इधर आप वापस है बी डब्ल्यू टू, बी डब्ल्यू टू कर देना, बाकी चीज़ें हम वही रखेंगे इसकी। बस था नेक्स्ट बी डब्ल्यू टू थी, ये हमने इसकी लेयर बना दी है सेम टू सेम। आगे बी डब्ल्यू थ्री फोर और सिक्स, उसको हम थ्री करेंगे। ये हमारे पास फोर आ जाएगी, उसके बाद है हमारे पास सिक्स। तो आपने आगे इसको इसी तरीके से उसको कॉपी कर देना है और इधर सिक्स कर देना है।
अभी आप देख रहे हैं कि जो जो उनकी कैटेगरी है सारी सेम टू सेम आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सी एस, आपने तो नीचे आ जाना है, सी एस की जो कैटेगरी है आप उसको इधर क्रिएट करना है। सी एस आपने इधर लिख देना इसके ऊपर, और पॉइंट स्टाइल आपके पास इसका आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें। इधर बेसिक है, बेसिक सिलेक्ट रहने, जस्ट बताने का मकसद है कि आप इसको इधर से इसी तरह गेम कर सकते हैं। इसी तरह इसकी आप न्यू लेयर बना दें सी एस के नाम से, कलर आप इसका रखना चाहते हैं कोई भी कलर आप इधर से इसका चेंज करके ओके कर दें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर ई पोल है, आपने ये इसी तरह ई पोल जिस तरह लिखा हुआ है उसको इधर से कॉपी करना है, और इधर आपने इसको कंट्रोल भी करके रिप्लेस कर देना है, और इधर से आप इसकी लेयर भी सेम टू सेम वही बना देंगे। ओके कर दें, इधर पॉइंट के ऊपर आपने आ जाने ई पोल के, और इधर से आपने इसके पॉइंट को चेंज कर देना है। इधर यूटिलिटी पोल का एक सेट है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं यूटिलिटी पोल डिफॉल्ट के अंदर है, आप ये हमारा इस टाइप का ये पोल आ जाएगा, तो आपने इसके पोल को इधर से आपने चेंज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एफ सी, इसको आपने इधर से चेंज करना है, नाम लिख देना है एफ सी, इसका पॉइंट स्टाइल आप इसी तरीके से बेसिक कर दें, और इधर आपने उसकी लेयर को चेंज कर देना। इसी तरह आपने ये सारे एंड तक बनाने हैं, जिस तरह ये आपके सामने है, जो जो सी भी आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है आपने उसको उसी तरीके से उस डिस्क्रिप्शन को आपने बनाना है। और सब कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं थोड़ा अलग अलग कलर रखेंगे तो ये आपका प्लान खूबसूरत बनेगा। उस पास एक गैस चैम्बर भी आपने डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लेना है, नीचे आ जाना है इसके ऊपर, तो इधर से आपने जो गैस चैम्बर का जो भी जा रहा है वो सैन आपने वो लगा देना है। ये गैस वाल्व है, आप इसका सैन इधर से लगा दें, ये आपके पॉइंट्स इधर से उसके चेंज हो जाएंगे। इधर से आपने इसकी लेयर को भी इधर से आपने चेंज कर देना है, कलर जो रखना चाहते हैं इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे इधर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि सारे इसी तरीके से मैं बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से इसका समझ आ जाए। आगे हमारे पास ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड है, इधर से इसको इसी तरह आपने कॉपी करना है, और इसको अपने इधर रिप्लेस कर देना है, और इसका पॉइंट स्टाइल आपने इधर से बेसिक कर देना है, और इधर से आपने इसकी लेयर बना लेनी है। लेयर आप इसकी बनाते जाएंगे तो ये आपका काम सारा आसान होएगा। इसका कलर भी इसी तरीके से आप चेंज कर दें, जो सा भी आप रखना चाहते हैं, येलो कलर मैं रखना चाहता हूँ। ओके ओके कर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आगे देख रहे हैं हाईलाइट है, उसको आपने कॉपी करना है, और जैसे आपने इसी तरीके से इसको आपने जैसे रिप्लेस कर देना, पॉइंट के ऊपर आ जाना है। हाइड्रेंट का अगर हमारे पास बना हुआ है हाइड्रेंट एग्जिस्टिंग और हाइड्रेंट प्रपोज, तो एग्जिस्टिंग है तो आपने इधर एग्जिस्टिंग बना देना, तो ये हमारे पास हाइड्रेंट का निशान इधर सैंपल उसी तरीके से आ जाएगा। आगे इसकी लेयर आपने चेंज कर देनी है, कलर इसका ब्लू कर देना है, पानी का जो कलर होता है वो मैक्सिमम इधर ब्लू यूज होता है। उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास आगे लाइट पोल आ गया है, लाइट पोल का आपने ये सारे बनाते जाने हैं आपने, इसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक आपने इसकी वर्किंग करनी है। तो पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसकी सारी सेटिंग्स के मुतालिक बताया था, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन स्किल्स के मुतालिक बताया डिटेल के साथ कि आप उसको कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों को समझाने का मकसद ये है कि आपको उसका अच्छे तरीके से समझ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारे इधर इनपुट कर दिए, सारे आपने भी सारे जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं सारे के सारे आपने इस तरह लिख लेने हैं, उनके पॉइंट्स वगैरह चेंज कर देने जो जो से नाम के साथ आ रहे हैं, लेबल स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं
वो करते हैं, लेयर्स आप सबकी अलग अलग बनाते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शंस की सबकी इस तरीके से इनपुट कर देनी है। इनपुट करने के बाद आप इसको जैसे ऑफ कर दें, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन की इधर ओके हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि सर्वे के अंदर हमने सबसे पहले हमने इधर अपना लाइन वर्क कोड किया था, कोड वन बनाया था। उसके बाद ए बी सी के ऊपर हमने फिगर प्रेफिक्स के ऊपर जो लाइन वर्क था उसकी इधर वर्किंग की थी, और उसके बाद आगे आके हमने इधर सेटिंग के अंदर आके इधर पॉइंट्स में और इधर इसे डिस्क्रिप्शन की इसको हमने इधर इनपुट कर दिया। अभी हमारा सारा काम इधर कंप्लीट हो गया। अभी हम दोबारा सर्वे के ऊपर आ जाएंगे और इधर से हमने पॉइंट्स को अपने इंपोर्ट्स करना है। जस्ट अभी हम पॉइंट को इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा डेटा सारा इधर क्लियर हो जाएगा। अभी आप ओपन या एडिट कर दें, इंपोर्ट्स इवेंट्स में आ गए। इधर से आपने इंपोर्ट सर्वे डेटा ऊपर आना है। ये टापो, ये हमारे पास टापो जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था वो आया हुआ है। इधर से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करना है। इधर ये पॉइंट फाइल आ जाएगी, फाइल फॉर्मेट आप इधर से इंपोर्ट करें। आपने इधर प्लस वाले निशान को पराना है, वो इधर से जो हमने सर्वे डेटा अपना बनाया था उसको हमने इधर से ओपन कर लेना है। ये हमारे पास एक्चुअल डेटा था और ये हमारे पास जो डेटा हमने इधर से इसको की सेटिंग की हुई है तो उसको ओपन कर देना। तो भी आप देख रहे हैं कि सारे बेंच मार्क की हर चीज़ हमारी सी एस वी फाइल बनी हुई है। आपने इसको इधर से ओपन कर लेना है और नीचे आपने आ जाना है और इधर से जो उसका फाइल का फॉर्मेट है, मेरा फाइल का फॉर्मेट है पी एन ई जेड डिस्क्रिप्शन, ये आ जाएगा। इधर से आप इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करना है, अगर आप नेटवर्क अगर आपके पास नहीं है आपने क्रिएट नेटवर्क कर देना है। अगर आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ डी एक्स एफ का, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ओके कर दें, ये डी एक्स एफ आ जाएगा। आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है तो इसके अंदर आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर कंट्रोल पॉइंट आ रहे हैं, आपने कंट्रोल पॉइंट कर देना है। इधर से जो आपने जो ये सरफेस फिगर की बनाई थी ए बी सी, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर आप लेफ्ट साइड में आपको माउस नज़र आ रहा है ए बी सी है, तो इधर से आपने ए बी सी को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद इसे आप देख रहे हैं कि कोड सेट वन है, ये इधर हमारे पास कोड वन है, तो इधर से आपने इसको नो करना है पहले और इधर से आपने देख लेना। जो अगर आपके पास ज़्यादा बने हुए तो आप इधर इसको चेंज कर सकते हो। तो कोड वन है, कोड वन को आपने इधर सेलेक्ट करके इसको आप इधर से ऑफ कर देना है। नीचे आना है, ये हमारे पास पी एन जेड सर्वे डेटा फाइल हुआ हुआ है, और नीचे आपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट फिगर यस और इंसर्ट सर्वे पॉइंट्स यस कर देना है। तो इसको आपने इधर यस करके और इधर से आप इसको फिनिश कर देना। फिनिश करेंगे तो थोड़ा सा आपने वेट करना, तो ये डेटा हमारा इधर इंपोर्ट होना इधर शुरू हो गया है। तो ये दो मिनट थोड़ी से आपने वेट करना तो इधर आपका डेटा सारा आपका आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट सर्वे डेटा हमारा इधर आ गया। इसके अंदर हमारे ये एन एस एल बेंच मार्क, इसके एलिवेशन वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह हैं, और इधर हमारे पास जो जो सी भी हमने पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज किए थे सारे के सारे चेंज हो गए, और सारा का सारा ये प्लान हमारे पास इधर आ गया। अभी आप देख जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास वेल है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर आया हुआ है। ये हमारे पास गैस चैम्बर आ रहा है, ये डीवी गैस चैम्बर वगैरह, तो जो जो से भी आपने इसके अंदर चीज़ों को चेंज किया था कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होंगी। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास अभी जो लाइन वर्क है वो नहीं आया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, तो उसके बाद आपने इधर सर्वे डेटा के ऊपर आ जाना है, राइट क्लिक करना है, और इधर आपने प्रोसेस लाइन वर्क इधर से आपने क्लिक कर देना है। आप इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा इसका डेटा। ऊपर हमारे पास सर्फिस आ जाएगी, नीचे हमारा कोड वन, ये सर्फिस ए बी सी और कोड वन नीचे आया हुआ, और नीचे इंसर्ट फिगर ऑब्जेक्ट यस और इंसर्ट सर्वे पॉइंट यस। तो अगर आपके पास ये ऑफ है तो चेक इन, तो आपने दोनों को चेक लगा देंगे। लगाने के बाद आपने इधर से ओके कर देना। ओके करेंगे तो जस्ट आप देखेंगे हमारे पास कंप्लीट उसका जो भी प्लान था वो सारा का सारा इधर ये सारा ड्रा हो गया, जिस तरीके से भी हमने उन प्लांट्स को इधर बनाया था। तो पूरी को पूरी जो चीज़ें हैं सारी की सारी इधर ऑटोमेटिकली इधर ड्रा हो गई हैं। इधर से इसका स्केल आप छोटा करके इसको मजीद तफसीलन देख सकते हैं। सारे पॉइंट्स को आप देख रहे हैं कि पूरा जो भी डेटा हमने बनाया था, जो जो उसे कलर दिए थे, सबके ऊपर हमारे ये रोड्स वगैरह मार्क हो गए, बिल्डिंग लाइन है, ये पार्क गए, जो भी जो चीज़ें जो हमने लैंड वर्क के ऊपर इधर ए बी सी के अंदर इधर की थी, ये उसके हिसाब से ये डेटा सारा इधर उसने उसका लैंड वर्क इधर लगा दिया है। आप भी इस काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैंने इसको दोस्तों में आपको बताया, ये लेसन फोर के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपने इसी तरीके से बनानी है। तो ये लैंड वर्क कोड आप इस तरीके से जो भी टॉपअप प्लान है अपना इसके अंदर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ अटैच रहें, और ये कंप्लीट सिविल 3D के मतलब जो जो से छोटी छोटी चीज़ भी है उसके मतलब मैं आपको इधर बताऊंगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सिविल 3D के मुतालिक बात कर रहे हैं, ये हमारे लेसन चल रहे हैं, तो आज उसी सिलसिले में लेसन नंबर 5 के अंदर हम आपसे बात करेंगे इसकी सरफेस के मुतालिक, के इसकी इन प्लांट के ऊपर आप सरफेस आप कैसे बना सकते हैं। उससे पीछे वाली वीडियो के अंदर अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएं सिविल 3D का, तो इसके अंदर मैंने आपको शुरू से बताया कि सिविल 3D को आपने कैसे चलाना है, उसके बाद पॉइंट इम्पोर्ट करने के मुतालिक बताया था, उसके बाद दो वीडियोज़ मैंने लगाई थी कोड सेट के मुतालिक, कोड सेट और डेटा प्रेफिक्स फिगर के मुतालिक। अगर आप ऑटोमेटिकली अपना टॉपअप प्लान इसके अंदर बनाना चाहते हैं अपनी कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप कैसे बनाएंगे, तो हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। इसके ऊपर अभी हम सरफेस डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद हम इसका पूरा एक इंटरचेंज का इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपने कोड लाइन वर्क और इसी तरह फिगर प्रीफिक्स डेटा बेस के मुतालिक अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को इसके अंदर देख सकते हैं, तो प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी होंगी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं आपको कार्ड भी लगा दूंगा और एंड स्क्रीन के ऊपर भी, आप उसकी मदद से उसको देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल वीडियो है। आगे हम बात करते हैं अपनी सर्फेस के मुतालिक। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर आपको इधर सर्फेस नज़र आ रही है, क्रिएट सर्फेस है, सर्फेस फ्राम डिम है, क्रिएट सर्फेस फ्राम पॉइंट क्लाउड है, क्रिएट सर्फेस फ्राम टिन है, क्रिएट सर्फेस फ्राम GIS डेटा, सर्फेस फ्राम ग्रेडिंग और क्रिएट सर्फेस फ्राम कॉरिडोर और क्रिएट क्रॉप सर्फेस। तो ये आप ये सारी सर्फेस ये अलग अलग इनके सिस्टम हैं सारे, इसके मुतालिक हम बात करेंगे आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, मुख्तलिफ लेसन के अंदर, कि आप इन चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके साथ आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी क्रिएट सर्फेस के मुतालिक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी आप देख ये क्रिएट सरफेस है, दूसरे नंबर पे आप आ जाते हैं प्रोस्पेक्टर के अंदर, इधर ये पहले नंबर पे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इंपोर्ट्स करने के मुतालिक अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये आपको चीज़ें बता दी हैं कि आप पॉइंट को कैसे इंपोर्ट करेंगे और ये टॉपोग्राफिकल प्लान अपना कैसे बनाएंगे। उससे आगे हमारे पास सर्फेस, हम इधर आएंगे प्रोस्पेक्टर के अंदर सर्फेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट सर्फेस कर देंगे। क्रिएट सरफेस करने के बाद ये टेबल आपके सामने इधर ओपन हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं कि ट्रेंड सरफेस है, ग्रेड सरफेस है, ग्रेड वॉल्यूम है और टिन वॉल्यूम सरफेस है। तो हम इधर से इसकी टिन सरफेस को जनरेट करेंगे, टिन सरफेस को आपने बनाना है। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है नेम, तो कोई भी काम अब आप शुरू करते हैं, कोई चीज़ भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, तो आप इसका नाम इधर रख देंगे, मैं इसका नाम सरफेस 1 लाख रख देता हूँ, सरफेस 1। नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आपको देना चाहते हैं तो दे दें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे आप आ जाएँ स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर आप आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है सारे, नो डिस्प्ले है, बॉर्डर ओनली है, कंटूअर 1 मीटर एंड 5 मीटर बैकग्राउंड है, कंटूअर 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन है, इसी तरह कंटूअर 2 मीटर 10 मीटर के डिस्टेंस है, 2, 10, 2, 10 ये और मुख्तलिफ ये डिस्टेंस वगैरह इधर लगे हुए, तो हम कंटूअर इधर सेलेक्ट करेंगे 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन के ऊपर, और इसको वजह से हम इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चले जाते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन है, बॉर्डर है, कंटूअर है, ग्रिड है, पॉइंट्स, ट्राइंगल, वाटर शेड, एनालिसिस, डिस्प्ले और समरी। तो हमने इसके अंदर आ जाना है कंटूअर के अंदर, कंटूअर के अंदर जब आते हैं तो आपने इधर से कंटूअर इंटरवल के ऊपर इधर आ जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास माइनर इंटरवल 1 मीटर का है और इधर हमारे पास जो मेजर इंटरवल है वो 5 मीटर का है, इधर से आप इसके अंदर इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मैदानी इलाका है, सरफेस बराबर जा रही है, उधर कंटूअर लाइन आपको नज़र नहीं आती, उसके लिए आपको डिस्टेंस का काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके पास हिली एरिया या जिधर लेवल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उधर 1 मीटर 5 मीटर के अंदर बनाया जाता है कंटूअर को, उसी डिज़ाइन के हिसाब से उसकी लाइन ज़रा वाजह नज़र आए। तो अभी हम इसको पहले जनरल के ऊपर हम ड्रा करेंगे 1 मीटर 5 मीटर के अंदर, नीचे ये कंटूअर के ये सारे इसके कलर्स वगैरह हैं, कलर वगैरह आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं जो से भी देना चाहते हैं। माइनर का ये हमारे पास मेजर डिस्टेंस है और ये माइनर डिस्टेंस है, इसके ऊपर आप डिफ़ॉल्ट कलर अपने रख सकते हैं, और या इधर लेयर में आके भी इसके कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं कि इधर से आप इसके कलर्स वगैरह को जो चेंज करना चाहते हैं, मेजर कंटूर और माइनर कंटूर को इधर से आप उनके कलर्स वगैरह भी जो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे लगते हैं या जो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पोर्शन में करेंगे। तो हम इसको इधर से ओके कर देते हैं, फिलहाल हम 1 मीटर और 5 मीटर को बस इसको रखेंगे और इधर से हमने इसको कर देना है ओके।
ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास इधर डिज़ाइन, ये हमारी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है इस सरफेस की वो कंप्लीट होगी, इधर से हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे इधर प्लस वाला निशान इधर क्रिएट हो जाएगा, आपने प्लस वाले निशान को करना है। तो सरफेस वन हमने इधर क्रिएट कर दी, उसका नाम दे दिया है। इसको आप प्लस वाले निशान के ऊपर जाएंगे, ऊपर मास्क है, वाटर शेड है और डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन के ऊपर आना है, इधर प्लस का निशान आपने कर देना है। इधर बॉर्डर लाइन है, ब्रेक लाइन है, कंटूअर है, डिम फाइल्स हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, एडिट्स है, पॉइंट फाइल है, पॉइंट ग्रुप, पॉइंट सर्वे और फिगर सर्वे। तो अब इसके अंदर से सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पॉइंट ग्रुप के बारे में। राइट क्लिक करते हैं, इधर से आपने ऐड के ऊपर आ जाना है। ऐड के ऊपर आना है, आप ये देख रहे हैं कि ये कंप्लीट पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारे पास आएंगे ऑल पॉइंट्स, इसको आपने इधर से ओके कर देना है या अप्लाई कर देना। अप्लाई करके आप इसको इधर से ओके कर दें। तो ओके जैसे ही करेंगे आप, तो देखेंगे इधर हमारे पास इसकी सरफेस, ये बाउंड्री लाइन इधर बन गई और इसकी पूरी डिटेल इधर आ गई सारी। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो देखते हैं तो इधर हमारे पास जो कंटूर वगैरह आया वो बहुत ही माइनर इसकी लाइंस आई हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत कम इसकी लाइंस हैं, क्योंकि ये पूरा एक बहुत तकरीबन बराबर किस्म का एरिया है, इसके अंदर इतना ज़्यादा लेवल्स का डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि आपने इसके लेवल्स वगैरह को चेंज करना है, इसकी डिस्टेंस आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक कर दें, वो इधर से आपने आ जाना है इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, सरफेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ऊपर से भी आप आ सकते हैं, लेकिन आप इधर से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं, आप देख रहे हैं कि 1 मीटर एंड 5 मीटर हमारे पास है। तो आपने इधर से इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और इसे कंट्रोलर के बीच में आ जाना है। कंट्रोलर इंटरवल के मुताबिक मैंने आपको बताया था पहले, आप इधर इसका डिस्टेंस मिनिमम काम कर दें, 0.10 सेंटीमीटर के ऊपर मैं कर देता हूँ, और इसका डिज़ाइन वही जो मेजर इंटरवल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अप्लाई करके इधर ओके करता हूँ, उसको ये मैं ओके करूँगा, तो आप देखेंगे ये हमारे पास डिस्टेंस इसका इधर से बढ़ गया है, ये कंटूर लाइंस वगैरह अभी हमारे पास इधर ज़्यादा आ गई है पूरा सरफेस के हिसाब से। तो ये आप इसके हिसाब से इनके डिस्टेंस वगैरह को सेट कर सकते हैं, इनके कलर्स को भी इधर से आप सेट कर सकते हैं। तो दोबारा आते हैं इसके ऊपर, इसके कलर्स वगैरह आप देख रहे हैं कि ये मेजर जो है हमारे पास है, इसका कलर आप अगर इधर से ग्रीन रखना चाहते हैं आप इसको ग्रीन कर दें, और इधर से आप इसका कलर रेड रखना चाहते हैं माइनर का, तो आप रेड कर दें, अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आप डिस्प्ले के ऊपर आ जाएं, इधर से भी आप इसके कलर, आप ये देख रहे हैं कि जो माइनर है उसका आप इधर से रेड कर दें, और मेजर का आपने ग्रीन किया था तो हम इसको इधर से ग्रीन कर देते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं, अप्लाई ओके। और तो आप देखेंगे सारे कलर इसके इधर से चेंज हो गए। तो ये आपने कलर्स वगैरह इधर से मैं इसके डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, इसमें आप जो से भी इस चीज़ के ऊपर इसको चेंज करना चाहते हैं इसी तरीके से इनके कलर्स वगैरह सारे आप चेंज कर सकते हैं, इनके कलर्स को आप बना सकते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर थोड़े से होते हैं इसमें, लिहाजा इसके ऊपर थोड़ा सा आपने अपने जो इसका डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट वगैरह बना हुआ था उसके ऊपर रहने दें। अगर आपके पास प्रिंटिंग के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप उसके हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से नीचे आप इधर आ जाते हैं कंटूअर के ऊपर, तो ये नीचे आप देख रहे हैं स्मूथ फैक्टर। तो इधर से नीचे इसका आपने स्मूथ कंटूअर स्मूथिंग के ऊपर आपने आ जाना है, जैसे उसको प्लस करना है, तो ये आप देख रहे हैं फॉल्स है, आपने उसको जैसे टू करना है तो ये आपका बटन जो है ये आपका इधर एनेबल हो जाएगा। इधर से अगर आप देखेंगे ये हमारे पास इधर फॉल्स हुआ हुआ है तो ये ऑफ आएगा। इधर से स्मूथ इसको ये जो उसकी लाइन्स वगैरह उसको आप सेट करना चाहते हैं तो आप उसको फॉल्स टू कर दें, और इधर से आप उसको जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं उसके हिसाब से अप्लाई करके आप इसको ओके कर दें। तो ये अभी आप देखेंगे इसकी लेंस में थोड़ा सा इसके कलर जो इसकी कलर्स वगैरह है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इस चीज़ के हवाले से जितना भी आप इसको बढ़ाए देंगे, बढ़ाते हैं जो काम करते हैं उसके हिसाब से ही आपका ये सारा सिस्टम चेंज करेगा, काम करेगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने इसका सरफेस वगैरह को इधर से मैंने उसकी चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास इसका पूरा इधर आ जाएगा। तो इसकी बेसिक सेटिंग्स वगैरह हैं, इसकी कंट्रोल्स वगैरह की आप इसको कैसे करना चाहते हैं, इसका इंटरवल आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके ऊपर आप इसका स्मूथ फैक्टर वगैरह आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसको सेट कर सकते हैं, इधर तक ये आपको चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आप सारी सेटिंग जब कर लेते हैं तो इसके बाद हमने इसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगाने हैं। इसके लेबल्स वगैरह की सेटिंग आप कैसे करेंगे, ये सारे एलिवेशन वगैरह आपको जारी करते हैं जब आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इस सरफेस का एलिवेशन वगैरह चाहिए होते हैं। वो किस लिए चाहिए होते हैं कि अगर जब आपने इसकी प्रोफाइल को ड्रा करना है, उसमें आपने वाटर फ्लो को अपने मद्देनजर रखना है, आपने उसकी चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ के आपने ड्रेन किस तरफ लेके जानी है, आपको रोड इतना ऊपर आपके एनएसएस से होना चाहिए, इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं किसी
चीज के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बेसिकली चीज़ होती है एक सरफेस को ड्रा करने के ऊपर। जब आप सरफेस को ड्रा करते हैं तो उसके ऊपर जो सरफेस के जो एलिवेशंस होते हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि आपने इन चीज़ों को कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले हम इसके लेवल्स की सेटिंग करेंगे। लेवल सेटिंग कैसे करनी है, आपने कंट्रोल को इधर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ऐड लेवल्स है, आप इसको क्लिक करते हैं। ऐड सरफेस लेवल है, स्लोप्स हैं, स्लोप एलिवेशन है, स्पॉट एलिवेशन ग्रिड है, कंटूर सिंगल है, कंटूर मल्टीपल और कंटूर मल्टीपल एंड इंटरवल। तो हमें तो ऐड सरफेस लेवल, आप ये देख रहे हो पहला कॉलम है, इसके ऊपर से हमने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने एक टेबल टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि नाउन है, लैंड करा हुआ है, अलाइनमेंट है और ये पूरी इसकी डिटेल्स वगैरह सारी जा रही। तो हमने इधर से आना सरफेस के ऊपर, आपने सरफेस को तो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप देख रहे हैं कि लेवल टाइप स्लोप है, आपके पास पार्ट एलिवेशन है, एलिवेशन और ग्रेड है, कंटूर सिंगल है, कंटूर मल्टीपल एंड इंटरवल। ये सारी चीज़ें तो आपने जैसे कंटूर मल्टीपल एंड इंटरवल दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इधर से आपकी एग्जिस्टिंग मेजर लेवल है, इनकी सबकी इधर से सेटिंग्स वगैरह है। तभी आप देख रहे हैं कि इसके बीच में जब आप सेटिंग करेंगे तो इस टाइप की चीज़ आ जाएगी। तो हम पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे सारे के हिसाब से। तो अभी इसमें हमारे पास था डिज़ाइन ऐड के ऊपर, ऐड करेंगे। ऐड इधर से पॉइंट से मैं पिक किया मैंने और तो हम इधर तक इसको ऐड कर देंगे। अभी आप ये पूछ रहे हैं अलॉन्ग द कंटूर इंटरवल, इंटरवल आप कितना रखना चाहते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं, आप 20 भी रख सकते हैं। हम इधर से इसको 20 डिस्टेंस रखेंगे तो ये थोड़ा सा अपना प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद इधर हमें उसके एलिवेशन वगैरह स्पॉट एलिवेशन जितने भी कंटूर और उसके माइनर और मेजर जा रहे हैं उन सब के ऊपर इसका एलिवेशन लगा देगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे हमारे पास इधर लग गए हैं, सारे हम इधर से इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरे एलिवेशन वगैरह सारे इसने इधर इसके मार्क कर दिए हैं, सारे मुख्तलिफ जिधर जो जो इंटरवल हमने दिया था सब के ऊपर इसके सारे एलिवेशन वगैरह सारे आ गए। तो अभी जो जो से जिधर भी आप लगाना चाहते हैं, जो मिसिंग समझते हैं इस एरिए में या इस एरिए में, तो उसको आप इसी तरीके से इधर लगा सकते हैं। इसके बाद इधर आ जाते हैं इसके एग्जिस्टिंग जो है इसकी सर्फेस वगैरह आप देख लेते हैं कि नेम है सर्फेस, ट्रू है, लोकेशन है, टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट अगर आप इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो 2.4 आ रही है, आप बढ़ाना चाहते हैं, आप 5 करना चाहते हैं, आप 5 कर दें तो ये टेक्स्ट हाइट आपकी इधर से बड़ी हो जाएगी। कलर वगैरह आप जो भी चेंज करना चाहते हैं इधर से कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अप्लाई करके ओके कर दें, इसी तरह आप आ जाएं माइनर कंटूर के ऊपर, इसके भी जो भी एलिवेशन आप उसके बराबर रखना चाहते हैं। 5 मीटर्स का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी आप इसका इधर से चेंज कर सकते हैं। करने के बाद अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास उसकी उधर पूरी सेटिंग सारी चेंज हो जाएगी। इसी तरह यूज़र डिफाइंड कंट्रोल लेवल, अगर आपने ख़ुद कोई अपनी कंट्रोल लगाई है तो उसके ऊपर भी आप इसके ऊपर इसी तरह लेवल लगा सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि हमने इसकी सारी सेटिंग वगैरह कर दी है। अभी ये रेड कलर किया था, इसका एलिवेशन आ गया। इसी तरीके से जो हमारे पास मेजर कंट्रोल जा रहे हैं उसका कलर अलहदा होगा और इनका कलर सबका अलहदा होगा। तो आप इसी तरीके से इसकी वर्किंग करते हुए सारे इसके लेबल्स वगैरह सारे लगा सकते हैं। इसी तरह आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएं, इधर हम न्यू अपनी दोबारा फाइल बनाते हैं। इसमें हम पॉइंट इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सरफेस के ऊपर से काम करेंगे। आपने क्रिएट सरफेस कर देनी है, सरफेस का नाम हम दे देते हैं इधर ABC का, और इधर हमारा कंटूर जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे 1.5 मीटर का, ओके कर देते हैं। इधर से ओके कर देते हैं, ये हमारी सरफेस क्रिएट हो जाएगी। इधर से आपने डेफिनेशन में आ जाना है, इधर से आपने पॉइंट फाइल आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट फाइल है। इधर राइट क्लिक करना है, ऐड के ऊपर आ जाना है। ऐड करेंगे तो वही आपके पास जो फाइल पॉइंट पोर्ट्स की होती है वो इसका ऑप्शन इधर आपके सामने आ जाएगा। आपने इधर से प्लस के निशान को क्लिक करना है और इधर अपना जो भी सर्वे डेटा आपका जो पड़ा हुआ था जिस पर हमने काम कर रहे थे उसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वही फार्मेट है, नीचे पॉइंट NEZ डिस्क्रिप्शन, और इसको आपने इधर से ओके कर देना है। ओके करेंगे और इसको आप बंद कर दें और जूम एक्सटेंड कर दें, जेड इंटर ई इंटर, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपके सामने पूरी उसकी सरफेस इधर ड्रा हो जाएगी। इसका भी और आगे सेम टू सेम मेथड, आप इसको सिलेक्ट कर लें, इधर से एडिट सरफेस स्टाइल के ऊपर चले जाएँ, बॉर्डर्स में आ जाएँ, कंटूर में आ जाएँ, कंटूर पर इंटरवल आप इधर से उसका सेट कर दें जिस तरीके से हमने उसको पहले किया था, और इधर से स्मूथ जो कंटूर है उसको भी आप इधर से उसको इधर से आपने 2 कर देना है, और थोड़ा बहुत इसकी जो स्मूथनेस आप आगे पीछे करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका डिस्प्ले में जाने के बाद इसके कलर्स वगैरह इधर से आप मेजर कंटूर और माइनर कंटूर्स के
चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर दें और इधर से ओके कर दें तो ये आपके सामने इधर सारे इसके कंटूर ड्रा हो जाएंगे। इसी तरीके से लेबल सेटिंग्स वगैरह आप इधर इस तरह आ जाएं कंटूर मल्टीपल के ऊपर और इधर से इसके पूरे को सिलेक्ट कर लें जिधर जिधर आप लगाना चाहते हैं और राइट क्लिक कर दें तो ये आपके सारे एलिवेशन वगैरह इधर लग जाएंगे। तो आप देखा कि हमने इधर जस्ट पॉइंट इंपोर्ट करके अपनी पूरी सरफेस को बनाया जिसके अंदर पूरी डिटेल्स वगैरह इन सारे पॉइंट्स की आ गई है और पहली ड्राइंग जो हमारी जा रही थी उसके अंदर भी हमने इसको इसी तरीके से लगाया था। तो ये आप इसके हिसाब से कंटूर वगैरह अपनी जिधर ड्रा करना चाहते हैं आप अपनी कंटूअर्स वगैरह को ईजीली सर्फेस उसकी बना सकते हैं, कंटूअर्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं दोनों मैथड्स के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ सिविल 3D के लेसन चल रहे हैं उसी सिलसिले में आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे अपना अलाइनमेंट के ऊपर। अलाइनमेंट को हम कैसे बना सकते हैं, इसका क्या मेथड होएगा, इसको हमने कैसे ड्रा करना होता है उसके मुताबिक हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हो सकता है इसकी 2-3 वीडियोज़ बन जाएँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो हम इसको आज शुरू करेंगे इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर ये मैं उसको सेव करता जा रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ आपको सिविल 3D की वीडियोस मिलेंगी। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमने पिछले वीडियोस में अपने पॉइंट इंपोर्ट से लेके और कंटूर सरफेस तक हमने अपनी सारा का वर्क मुकम्मल किया था। तो ये इस टाइप का हमारा प्लान बन गया था। तो इसमें हम आ जाते हैं बिल्कुल नए सिरे से, आपको दोबारा शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि आपको रिवीजन आपकी हो जाए। तो सबसे पहले आपने न्यू विंडो ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपने उसको सेव करना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है मैं इधर अपना बना देता हूँ, हाउ टू क्रिएट प्लान इन सिविल 3D। तो इसको बना के मैंने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को अपना सेव करना होता है, उसके बाद आपने जैसे इंसर्ट के ऊपर आ जाना है, पॉइंट फाइल, जो सभी आपके पास पॉइंट डेटा जा रहा है ये डेटा मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ उसी डेटा के ऊपर हम काम करेंगे, इसको आप ओपन कर लें। इधर से आपने उसके बाद आपने ऐड टू पॉइंट्स ग्रुप कर देना है, इधर से अपना ग्रुप क्रिएट कर देना है। मैं इधर से इसका नाम टोपो पॉइंट्स रख देता हूँ, आप भी कोई नाम जो देना चाहते हैं उसके अंदर नाम इसका दे दें, ओके कर दें और इधर से आपने उसको ओके कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पॉइंट सारे आपके सामने आ गए। उसके बाद आपने जूम एक्सटेंड कर देना तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इधर ड्रा हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आ जाना है सरफेस के ऊपर, इधर से सरफेस क्रिएट कर देनी है। कोई भी सरफेस आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं आप नाम दे देता हूँ उसका ABC का, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे दें, बैकग्राउंड के ऊपर आप उसको चेंज कर दें, डिज़ाइन के ऊपर ले आएँ और इधर से कंटूर का एलिवेशन वगैरह जितना भी आप देना चाहते हैं उसका चेंज कर दें। इसके मतलब पिछली वीडियो में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, ये जस्ट आपकी ओके कर देना है, उसको भी ओके कर देना है, सर्फिस जनरेट हो जाएगी। इधर से आपने नीचे ABC सर्फिस बनाई है, डेफिनेशन के ऊपर आ जाना है, पॉइंट ग्रुप पर आना है और ऐड कर देना है। ये टॉप ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास, उसको आपने ऐड करके इधर से ओके करना है तो ये हमारे पास इधर इसकी सारी सरफेस इधर ड्रा हो जाएगी जो इंटरवल वगैरह आपने लगाए हैं उसके हिसाब से। उसके बाद इसमें आप ये देख रहे हैं कि पिछली वीडियो में आते हैं तो ये हमारे पास इधर टॉपो लगा हुआ है। तो टॉपो की वीडियो मैंने आपको पहले बताई थी डेटा लाइन वर्क और इसका फिगर प्रेफिक्स के मतलब। तो इधर से आपने उसको ब्लॉक बना के कापी कर लेना है, कापी करके आप इसको उसके ऊपर बुला सकते हैं या उसी प्लान को भी आप इधर से कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लास्ट पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो ये टॉपो डेटा आपके पास इधर आ जाएगा। तो ये तक ये प्रोसेस हो गया, इससे आगे अभी हमने इधर इसके ऊपर आ जाना है अलाइनमेंट के ऊपर। ये जो अलाइनमेंट जा रही है इधर से अलाइनमेंट क्रिएशन टूल है, अलाइनमेंट बेस्ट फिट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर और ये पूरी इसकी सारी अलाइनमेंट्स की डिटेल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इधर हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अलाइनमेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, एक चेंज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए आपने ये सबसे पहले थोड़ा हम प्लान को अपना वाजा कर लेते हैं। कंटूर वगैरह जो लगे इनको हम इनके लेयर्स को इधर से ऑफ कर देते हैं, इसको प्रॉपर्टी में आ जाना है। इधर से आपने नो डिस्प्ले करके अपने प्लान को इधर वाजिया कर देना है। इसी तरीके से ये पॉइंट्स वगैरह लगे हुए आपके, आपने पॉइंट्स वगैरह को भी इधर से इसकी जो लेयर वगैरह बनी हुई है वी नोट्स की आपकी आ रही होगी इधर से आप इसको ऑफ कर देना है।
आप करेंगे तो ये टॉपोग्राफिकल प्लान हमारे पास इधर सामने आ जाएगा। इसके हिसाब से आप बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसके हिसाब से आप इजीली बना सकते हैं, अलाइनमेंट को भी ड्रा कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना सारा डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। तो उसके लिए ये सारा क्लियर करने के बाद आपने इधर से अलाइनमेंट को ऊपर आ जाओ, आपने ऊपर से अलाइनमेंट को ऊपर आना है और पहला है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, उसको आपने क्लिक करना है। इधर आप जो भी अलाइनमेंट का नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, इसमें नाम देता हूँ रोड वन का, R1 रोड वन ये टाइप है हमारे पास। सेंटर लाइन अलाइनमेंट हम बनाएंगे, सेंटर लाइन है हमारे पास। इसी तरह साइड को आप नाउन रहने देंगे, फिर इधर से हमारे पास बेसिक है, एक्सिस्टिंग है, इंटरसेक्शन बेसिस है, लेआउट है, ऑफसेट और प्रपोज। तो इसे आपने इसको प्रपोज को सिलेक्ट कर लेना है। प्रपोज को सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाते हैं, तो आप इसके सामने इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आपको आ जाएगी, डायरेक्शन एड हो वगैरह, डिज़ाइन वगैरह आप इसका चेक कर सकते हैं, जैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं, सारी इसकी डिटेल्स वगैरह है, डिज़ाइन है हमारे पास, मार्कर्स हैं, डिस्प्ले है, समझिए। तो इधर से आप इन चीज़ों के ऊपर इसकी चीज़ें हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, इसके मार्कर्स वगैरह आप कैसे चेंज करते हैं। इधर समरी के अंदर या डिस्प्ले के अंदर ही आपको इसकी लेयर्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, लाइन है, कर्व है, स्पायरल है, मुख्तलिफ कलर्स के इधर आपके सामने इधर आ रहे हैं। तो उसके बाद आप ये नीचे आ जाते हैं, इधर आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट लेबल सेट है। इसमें अगर आपके पास नो लेबल हुआ हुआ है तो आपने इसको जैसे आल लेबल्स कर लेने। इसमें मेजर एंड माइनर ओनली है, मेजर ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं हमारे पास, मेजर हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री एंड सुपर एलिवेशन पॉइंट्स हैं, मेजर एच वी ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं। तो आपने जैसे सबसे पहले इसको आल लेबल्स के ऊपर कर देना है, इधर से हमारी ये प्रपोज के ऊपर आएगी। ऊपर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन क्या है। अगर आपने कोई दरम्यान में से शुरू करना है तो इधर से आप स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलाइनमेंट को 00 से रखना है तो आप इसके अलाइनमेंट को डिफॉल्ट रहने देंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जनरल था, उसके बाद डिज़ाइन क्राइटेरिया, इसमें आप आते हैं, आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड है 100 किलोमीटर की। अगर आप इधर से डिज़ाइन स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, 80 के ऊपर आपके पास डिज़ाइन स्पीड रखना चाहते हैं, 70 की रखना चाहते हैं, 40 की रखना चाहते हैं, जितनी रखना चाहते हैं तो आप इसकी डिज़ाइन स्पीड उतनी रखेंगे, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड के ऊपर फिर आपके उसके रेडियस वगैरह, कर्व के जो रेडियस वगैरह है उसने उधर से उसको एडजस्टमेंट करेगा। उसके बाद ये यूज़ क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन, ये आस्ट्रो और इनकी चीज़ों के हिसाब से जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके ऊपर अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो आपने नीचे वाले डिज़ाइन क्राइटेरिया फाइल को इधर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप फाइल जाते हैं तो ये आपके पास उसकी जो स्पेसिफिकेशन है पूरी रोड की, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह इधर आपके पास आ जाएगी कि आपने मिनिमम रेडियस कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, सुपर एलिवेशन की स्लोप्स सारा कुछ। तो ये 2011-2018 रोडवे डिज़ाइन तक का ये आपके पास स्टैंडर्ड उसकी चीज़ें हैं। आप इधर से अगर रखना चाहते हैं तो आप इधर से ये वाला डिज़ाइन क्राइटेरिया फाइल के ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। हम इसको बनाएंगे अपना जनरल डिज़ाइन जो कि नॉर्मल तौर पर यूज़ होता है, उसके बाद अगर कोई आपने इजाफी रखना है तो आप इसको रख सकते हैं। तो स्पीड मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्पीड वगैरह आप इसको इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनरल की सारी सेटिंग कर ली, इधर से आप इसको ओके कर दे रहे हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया अलाइनमेंट लेआउट टूल रोड वन। ये जो रोड वन हम लगाएंगे उसकी अलाइनमेंट के इधर टूल आ गया। सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं कि पहला जो हमारे पास कॉलम आ रहा है, इधर हमारे पास पूरी कर्व्स की डिटेल है, टेंजेंट टेंजेंट नो कर्व है, टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स है, कर्व्स एंड स्पायरल सेटिंग है, तीन ऑप्शन इसके अंदर हैं। उसके बाद मजीद इसके अंदर ये छोटे ऑप्शन है, इसकी कर्व वगैरह को एडजस्ट करना है, इंसर्ट पी आई कर सकते हैं आप, कोई पी आई आपने डिलीट करनी है वो आप इसके अंदर से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ है, ब्रेक पार्ट पी आई का आप सीधी लाइन लगानी है, ये आपके पास लाइन वाले मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनको हम अलग-अलग सीखेंगे किसी और वीडियोस के अंदर अलग-अलग ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो अभी जो बेसिकली जो चीज़ है हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि हमने लाइन कैसे ट्रैक करना है। टेंजेंट टू टेंजेंट आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन लगेगी कर्व के बगैर, और इसी तरह आप नीचे आते हैं टेंजेंट विद कर्व्स करेंगे तो कर्व के साथ लगेगी, कर्व एंड स्पायरल सेटिंग। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने या आपके सामने टाइप आ जाएगी, इधर स्पायरल का जो वापस जो स्पायरल कर्व होती है उसकी लेंथ और उसकी वैल्यू, और इधर से कर्व है वापस 200 मीटर की, जो इसका डिफॉल्ट रेडियस लगा हुआ है वो 200 मीटर का रेडियस लगा हुआ है, इधर ये सेगमेंट ऑन हुआ हुआ है, आप इसको 200 मीटर के ऊपर फिलहाल लगाएं और उसके बाद इसकी हम चेंजिंग करके आपको बताते हैं कि आप इसकी चेंजिंग वगैरह को कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं अपनी टेंजेंट टू टेंजेंट नो कर्व के ऊपर। आप ये जो कर्व आप यूज़ करेंगे इसके अंदर सिर्फ आपकी टेंजेंट लग जाएंगे। हम सपोज इधर से आते हैं, ये पॉइंट गए, इधर से पॉइंट गए और इधर नीचे आए पॉइंट, तो अभी आप देख रहे हैं इनके बीच में हमारे पास इधर कर्व नहीं आ रही, सिर्फ पी आई पॉइंट जो है वो हमारा इधर ड्रा हो रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर। राइट क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे हमारा पी आई पॉइंट इधर दे देगा, स्टेशन उसने इधर लगा दी है सारे। ये स्टेशन के साथ ये हमारी जो लाइन ड्रा होगी ये हमारी सिर्फ
स्ट्रेट लाइन इधर ड्रा हो जाएगी। अगर आपने टेंजेंट वगैरह के ऊपर काम करना है कर्व के बगैर, तो आप इस तरीके से लाइन उसकी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको मैं जैसे ख़त्म करता हूँ, और ख़त्म करने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर आते हैं ज़रा। अगर आपको ख़त्म हो गया तो इसको ओके कर देना है, तो रोड वन हमारे पास दोबारा इधर से आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टेंजेंट टू टेंजेंट विद कर्व्स सेकंड नंबर के ऊपर। इसका कर्व का जो रेडियस आ रहा है वो 200 का रेडियस आ रहा है डिफ़ॉल्ट रेडियस। आपने इधर से इसको सिलेक्ट करना है कर्व के ऊपर। तो अभी आपने जिधर से लाइन लगानी है, सपोज मैं इधर से आ रहा हूँ ये पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, और इधर से मैंने एक कर्व देनी है इधर से इस पोर्शन के ऊपर, और इधर मैं कर्व दे रहा हूँ एक जस्ट सेटिंग के हिसाब से कि अगर हम न्यू अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि इसके बीच में ये हमारे पास इसका रेडियस वगैरह आ रहा है। इसकी जो हमारी कर्व सिंपल कर्व है वो सारी की सारी इसके अंदर ड्रा हो रही है। जैसे आपने राइट क्लिक इसको कर देना है, ये आप देखेंगे हमारे पास सारे इसके स्टेशन, इधर हमारे पास इसका पीसी स्टेशन और इधर हमारे पास पीटी स्टेशन सारे ड्रा हो जाएंगे। ये कर्व हमारी 200 रेडियस के ऊपर अभी लग गई है। अभी आप इसका रेडियस सबसे पहले आप ये कर रहे हैं, अगर आप इसको मैनुअल चेंज करना चाहते हैं इधर से, क्या इसकी अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं, तो आप इधर से भी इसके जो सेंटर की अलाइनमेंट है रोड का जो कर्व वगैरह है उसको आप चेंज करेंगे, तो ये कर्व का रेडियस ऑटोमेटिकली इधर से चेंज होता जाएगा। आप अपने डिजाइन के हिसाब से उसकी सेटिंग्स वगैरह को देख सकते हैं। इधर इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये पीआई पॉइंट है, इसको भी आप अप डाउन करेंगे तो ये आपका पूरा सिस्टम आपका अप या डाउन उसी हिसाब में होता जाएगा जिस तरीके से पीआई आपकी जाएगी। तो ये मिनिमम हद तक ये आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, इसको आप मूव करा सकते हैं, कर्व का पीआई जिधर रखना चाहते हैं उधर तक आप इसको रख सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर पहले पीसीपीटी इसका नज़दीक आ रहा था, उसके बाद इसका पीसीपीटी पॉइंट हमारे पास इसके चेंज हो गया, कर्व की लेंथ भी हमारी इधर से इंक्रीज हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास जो रेडियस लगा हुआ है ये 200 का रेडियस था जो कि डिफ़ॉल्ट रेडियस है। इस रेडियस को आप चेक भी करना चाहते हैं कैसे करेंगे, उसको चेंज करना चाहते हैं डेटे के ऊपर, तो वो आप कैसे करेंगे। कर्व को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर आपने आ जाना है आर वन टूल्स के ऊपर जो हमने अलाइनमेंट टूल बनाया है, तो उसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि आपको ग्रीन कलर का साइन नज़र आ रहा है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, आपने इसको जैसे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि कर्व नंबर वन है हमारे पास, इधर पहली लाइन, फिर कर्व है, फिर लाइन है, फिर कर्व है, फिर लाइन है। इसमें नॉट कस्टर्ड फिक्स है, इसी तरह ये बोथ साइड हमारे पास फिक्स है, और ये पूरा इसका स्टेटस इधर आपके सामने आ रहा है। उसके बाद ये पैरामीटर कंटेंट आ रहा है आपके पास, तो ये सारा लॉक हुआ हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद रेडियस के ऊपर हम आ जाते हैं, इसके बाद पैरामीटर इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये हमारे पास ये कर्व की लेंथ आ रही है। पहली जो लाइन की लेंथ है वो 600 मीटर है, जो सेकंड जो हमारी कर्व आ रही है वो 950.57 मीटर आ रही है। उसके बाद फिर लाइन आ रही है, फिर हमारे पास ये कर्व की लेंथ है, और उसके बाद फिर हमारे पास फ्री लाइन है हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है। उसके बाद देख रहे हैं कि पहला जो रेडियस था 200 का, उसको हमने मैनुअल चेंज किया था, तो रेडियस आ गया 3950.493। सेकंड नंबर का जो रेडियस है वो 200 का रेडियस है। इस रेडियस को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इधर से चेंज कर सकते हैं, माउस की मदद से आप इधर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप कर्व देख रहे हैं, नीचे हमारे पास 200 रेडियस ही कर्व है। इसका रेडियस मैं इधर से 400 रखना चाहता हूँ, 400 रखूँगा तो नीचे देखेंगे आप ये इधर से चेंज हो जाएगा। 400 रखना है तो आप ये देख रहे हैं कि कर्व की डायरेक्शन इधर से चेंज होगी सारी। इसी तरीके से आप जितना भी इसका रेडियस रखना चाहते हैं, 500 रखना चाहते हैं, जितना भी रखना चाहते हैं, तो इधर से आप इसका रेडियस इधर से भी आप इसको रेडियस को चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला 4950 के ऊपर आया हुआ हमारा रेडियस, आप ये देख रहे हैं कि हमारी थोड़ी बड़ी कर्व होगी, इसको भी आप इधर से एडजस्ट करना चाहते हैं 3000 इसका रेडियस रखना चाहते हैं, तो ये हमारी इधर से कर्व चेंज हो जाएगी 3000 रेडियस के ऊपर, इसकी लेंथ इसकी कर्व का रेडियस आ जाएगा और इधर से लेंथ उसकी एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके सामने आपके पास डिटेल आ रही है, स्टार्ट स्टेशन है, पीसी स्टेशन की आईडी आ जाएगी, इसी तरीके से सारी जो एंड स्टार्ट और एंड है उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये कर्व का डेटा आ जाएगा आपके पास, डेटा एंगल जिसको डिफ्रैक्शन एंगल कहा जाता है वो आपके पास इधर आ जाएगा, कॉर्ड लेंथ आ जाएगी आपके पास, इसी तरह क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो डिटेल आपके पास इधर आ जाएगी, और इधर से डिग्री ऑफ कर्व आपके सामने उसके एलिमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। तो इधर से भी आप इसके सपोज लेंथ को भी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, सपोज हमारे पास जो कार्ड लेंथ है ये 720 की आ रही है, इधर से मैं रखना चाहता हूँ 500 मीटर की, तो आप इधर से भी इसको चेंज कर सकते हैं। 500 आप कर देंगे तो आप नीचे देखेंगे जो बड़ी कर्व है उसका चेंज हो जाएगा, डेटा हमारा चेंज हो जाएगा, और इसी लेंथ के हिसाब से हमारा जो इधर रेडियस होएगा, रेडियस भी हमारा चेंज हो जाएगा। अभी आपने रेडियस पहले लिखा था 3000 का, उसके बाद रेडियस इधर जब हमने उसकी कर्व को इधर एडजस्ट किया, इसके ऊपर हमने 500 की कर्व की लेंथ लेके गए, तो उसका रेडियस ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो गया। तो आप इधर से इनमें से कोई भी एलिमेंट
आप चेंज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी कर्व को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप रेडियस को भी वर्किंग कर सकते हैं, आप डेटा एंगल के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप कॉर्ड लेंथ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और इसी तरीके से डिग्री ऑफ कर्व और इसके कॉर्ड जो भी चेंज करना चाहेंगे उधर से आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। रेडियस आप इसका 2500 रखना चाहते हैं, सिंपल सा यूज़ होता है तरीका, जो हमारा एक ही चीज़ यूज़ की जाती है, रेडियस के हिसाब से इस कर्व को एडजस्ट किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो से भी आप जिस तरह लेंथ को आप इसकी चेंज करेंगे, इधर से आपकी ये लेंथ भी इधर से रेडियस के हिसाब से चेंज हो जाएंगी सारी। आप ये देख रहे हैं कि तो ये आपने अगर कोई डेटा इधर लगाने के बाद उसकी कर्व वगैरह को एडजस्ट करना है तो आप इस मेथड को आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैं इधर से क्लोज करता हूँ। ये मेथड आपको इधर तक की अलाइनमेंट का आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो अलाइनमेंट वगैरह लगानी है उसको हम कैसे लगा सकते हैं। इसकी जो मैनुअल सेटिंग है आप इधर से भी कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं, वो इधर से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं इस कर्व के ऊपर, ये जो रोड जा रहा है रोड टू हम इसको नाम दे देते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी इसकी चेंजिंग्स वगैरह करते हैं और जैसे इसको मैनुअल इसी तरीके से इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम इसको जैसे क्लोज कर देते हैं, आप क्लोज करेंगे तो इधर आप प्रोफाइल को अलाइनमेंट के ऊपर आ जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारी अलाइनमेंट वगैरह इधर क्रिएट हो गई होगी, या रोड वन की अलाइनमेंट हमारी इधर क्रिएट हो गई है सारी, ये साइड के ऊपर प्रोस्पेक्टर के ऊपर ये आ जाएगी। इसी तरीके से आप दोबारा अलाइनमेंट के ऊपर आ जाना है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, जैसे पहले हमने नाम रखा था रोड वन का, अभी हम नाम रख देंगे रोड टू का, बाकी सेटिंग सारी वही रहेंगी। ओके कर देते हैं, ये रोड टू का भी हमारे पास टूल आ जाएगा। इधर से हम आते हैं अपने टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर, इधर से मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये लाइन मैं चाहता हूँ कि इधर मेरा मैक्सिमम इस रोड के ऊपर मेरी अलाइनमेंट सारी लगे। तो इधर से मैं इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि इधर से इन पॉइंट्स को मैं इधर से पिक करता जाऊँगा और इधर से इसको बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, इधर से जो इसकी सेटिंग्स वगैरह आएंगी उसके हिसाब से। तो आप इसकी मुख्तलिफ वर्किंग मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए इन पोर्शन की वर्किंग्स वगैरह को आप इसी तरह इसको कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमने एंड तक इसको लगा दिया, राइट क्लिक करता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि इधर बहुत सारी कर्व्स वगैरह इधर सारी इसकी ऐड हो गई। ये हमारे पास पहला पीसी पॉइंट आया है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कर्व जब हमारी इधर ड्रा हुई है, ये कर्व हमारी लाइन से थोड़ी बाहर आ गई है। तो आप इसको एडजस्टमेंट इसी तरह करेंगे, ये इधर पहली कर्व के ऊपर आ जाते हैं, पहली कर्व हमारी तकरीबन इधर से मिनिमम हद तक ठीक आ रही है, तो उसको भी आपने सेट करना। तो आप इधर से इसी तरह इन डेटा को सेट करते हुए थोड़ी बहुत इसकी वेरिएशन वगैरह आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दरमियान में हमारे पास इधर लाइन आउट हो रही है इधर दरमियान के अंदर, तो इधर आप एक नई पीआई कर्व अपनी ऐड कर सकते हैं। पीआई कर्व कैसे ऐड करेंगे, आप इधर से आपने न्यू के ऊपर आ जाना है, ऊपर आप देख रहे हैं कि रोड क्रिएशन टूल है न्यू, तो आपने इधर से न्यू के ऊपर आ जाना है, ये न्यू को आपने क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि इधर से लाइन आपकी आउट जा रही है, इधर से लाइन को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इधर आप इसको क्लिक कर दें, इसी तरीके से आप आगे आ जाएं, ये आप देख रहे हैं कि इधर आपकी लाइन ऊपर जा रही है, आपके एक्सिस्टिंग रोड उसको आप इधर से उसको सेट कर दें। इसी तरीके से आप इसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह है सारी वो आप इधर से कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इस लाइन को इधर ऊपर लेकर आना चाहते हैं, ये लाइन है मानी आ रही, इसको आप इधर ले आएँ, एडजस्टमेंट आप इसकी ईजिली कर सकते हैं सारी। तो ये आपने कर ली है एडजस्टमेंट, इधर से आपकी कर्व जितनी जितनी आपने लगाई है वो सारी की सारी इधर ऐड हो जाएंगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं पी आई हमारे पास इधर ऐड हो गई है, इधर हमारे पास पी आई ऐड हो गई है। तो इधर आपने इसी तरीके से अभी अगर आप इसको आप चेंज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो डिलीट पी आई है, आपने इधर पी आई के ऊपर सिर्फ क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे आपकी पी आई ऊपर से मूव कर गई है और आगे चली गई है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा डेटा भी सारा उसी तरीके से ये मूव कर जाएगा। तो आपने इसी तरीके से जो सी भी कर्व ऐड करनी है और जो सी भी कर्व ख़त्म करनी है उनको आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं, जो भी आप सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं। इधर से भी लाइन अगर आपने ऐड करनी है, आप कर इस लाइन को ऊपर रखना चाहते हैं, आप इधर से क्लिक कर दें, राइट क्लिक करेंगे तो इधर आपका पी आई पॉइंट इधर आ जाएगा आपका। तो आप इसी तरीके से इसकी सारी एडजस्टमेंट वगैरह इनकी कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह रोड की, कि आपने इसको सेटिंग करना है तो कैसे करना है। तो इधर से आप आ जाएं, इधर ये सामने भी आप इसको ऐड कर दें तो ये आपकी पूरी अलाइनमेंट उसी तरीके से उन पॉइंट्स के ऊपर ये मूव कर जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमने अपनी अलाइनमेंट के मुताबिक सीखा है कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी कर्व्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कर्व को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो ये लेसन नंबर 6 था हमारा। इसके बाद आगे हम इसी प्रोफाइल व्यू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे अपनी अपनी क्रिएट अलाइनमेंट फ्राम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स लगा के उसकी अलाइनमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसी के बाद आगे हम इसके ऑफसेट्स के मुतालिक सीखेंगे कि हम अपनी ऑफसेट्स की अलाइनमेंट वगैरह को कैसे इसके अंदर लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इधर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर अपनी अलाइनमेंट के बारे में सीखा था कि हम अपनी अलाइनमेंट क्रिएशन टूल के ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके मुताबिक मैंने आपको अलाइनमेंट लगाने का तरीकाकार भी बताया था और उसको एडजस्ट करने का तरीकाकार भी बताया था। इससे आगे हम आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इधर क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, ये आप कैसे बना सकते हैं, इसके मुताबिक हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, कोई भी अलाइनमेंट आप लगानी है, आप पॉलीलाइन ले लें, इधर से पी एल की कमांड ले लें और इधर आप कोई भी अलाइनमेंट आप लगाना चाहते हैं वो आप अलाइनमेंट इधर से लगा लें उसकी। जैसा ये मैं लगाते जा रहा हूँ आपके सामने, आप इसकी मुख्तलिफ पी आईज तो आप बना सकते हैं। जैसे हम सपोज उसको टर्न करते हैं और आगे तक इधर तक लेके जा रहे हैं, ये हमारी आप देख रहे हैं कि एक हमने पूरी लाइन लगा दी है जिसके ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट को ड्रा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, एक इधर अपने हम ड्राइंग के ऊपर से कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। तो उसके बाद आपने इधर से ऊपर आ जाना है और इधर से आपने अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तभी आपसे ये पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नीचे आप देख रहे हैं कि लाइन आर्क है, पॉली लाइन और एक्स रेफ ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग इस टाइप में आपकी होगी तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पॉली लाइन लगाई है, इसको मैंने इधर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप ये आप एरो के निशान आप देख रहे हैं कि यार ये आप रिवर्स लेके ना जाना चाहते हैं या सीधी लेके जाना चाहते हैं, हम इसको सीधा ही लेके जाना चाहते हैं जिस तरफ डायरेक्शन को जा रही है। अगर रिवर्स आप इसकी आईडी को इधर से चलाना चाहते हैं तो आप इधर से रिवर्स पे क्लिक कर दें, नहीं तो आपने इसको इधर से राइट क्लिक करके इंटर कर देना। इंटर करेंगे तो ये टेबल हमारे सामने आ जाएगा। इधर आप अपने रोड का नाम लिख लें, हमारे पास ये रोड है R3, हम इसका नाम दे देंगे। नीचे इसी तरीके से प्रपोज हमारी ये लाइन है, इधर नो लेवल आया हुआ है, आपने इधर से आल लेवल्स कर लेना है। इधर आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट रेडियस 200 का आ रहा है, तो उसको आपने फ़िलहाल हम इसको इधर रहने देते हैं, इसको आगे हम चेंज कर देंगे। आगे वही चीज़ें जो हमने आपको पीछे बताई थी इसके डिज़ाइन क्रिएटिविटी के मुताबिक, 100 किलोमीटर की स्पीड है, स्टार्ट आर डी हमारी 0-0 है। और इसके बाद अगर आपने नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन को देना चाहते हैं दे दें, इधर से आप इसको इधर से ओके कर देना। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी आर डीज इधर लग गई हैं और पूरी लाइन इसकी इधर से सारी कन्वर्ट हो गई है। ये जो रेडियस लगा हुआ है ये 200 का रेडियस इसके ऊपर आ रहा है। तो रेडियस इसका भी रेडियस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने पीछे किया था मैनुअल भी, आप इधर से भी इसको मौके के हिसाब से अपनी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी ये आप देख रहे हैं कि दूसरी कर्व आ रही है, आप इधर से भी इसको सिलेक्ट करके इसका पी आई पॉइंट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको छोटा और बड़ा इधर से आप इसको ईजीली कर सकते हैं, जिधर भी आप लेके जाना चाहते हैं एडजस्टमेंट इसकी आप कर सकते हैं। जैसे आप भी देख रहे हैं कि ये 200 रेडियस के ऊपर आगे भी हमारी कर्व लगी हुई है और इधर इसी तरीके से ये पूरी एंड तक ये हमारी जा रही है। तो जैसे आप जो जो सी भी डायरेक्शन इसकी चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने टॉपों के हिसाब से, आप इन चीज़ों को इधर से उसको चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को। एक तो मेथड ये है वैसा, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वही है, आप इसको इधर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने इधर से राइट क्लिक करना है और इधर से अलाइनमेंट एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री के ऊपर आपने इधर से आ जाना है। आप जब आते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट लेआउट R3 आ गई हमारी, आपने इसको कैसे लेकर आना है, आपने इसको इधर से क्लिक करना है, इधर से सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री इसके ऊपर आपने आ जाना है। इधर से आप किसी भी कर्व का रेडियस वगैरह और इसकी बाकी डेटा पे माए इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इधर से अलाइनमेंट ग्रिड व्यू के ऊपर से ये ग्रीन कलर का सैंड बना होगा, आप इसके ऊपर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि सेम टू सेम उसी तरह टेबल हमारे पास सारा ओपन हो गया, जिसमें हमारे पास पूरी कर्व की डिटेल है, रेडियस है, हमारे पास पहली लेंथ आ रही है, उसके बाद इनके पूरी जो जो भी लाइन जा रही है हमारी फिक्स है और ओपन है, जो भी लाइन है हमारी सारी उसकी इधर डिटेल आ रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पर रेडियस है 106 है, 296, 313, 563 और इधर आगे हमारे पर डिफ्लेक्शन एंगल है, जिधर से कर्व स्टार्ट हो रही है एंड हो रही है, उनके स्टेशन है, डेल्टा एंगल है हमारे पास, और उधर से इसी तरह कॉर्ड लेंथ और क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज कर्व की डायरेक्शन वगैरह इधर आ रही है, और आखिर में हमारे पास कर्व कर्वेचर डिग्री ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ रहा है। तो इधर से भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कैसे, क्या सपोज ये आप देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व का जो रेडियस है हमारे पास वो है इधर हमारे पास 1068, आप इधर इसको डबल क्लिक करेंगे और इधर से आप इसका रेडियस कोई भी रखना चाहते हैं, 1500 में रख देता हूँ, करेंगे तो आप देखेंगे ये रेडियस इधर से इसका चेंज हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कर्व है हमारे पास, इसका भी रेडियस 296 है, आप इसका रेडियस 350 करना चाहते हैं, रेडियस चेंज कर दें तो ये हमारी कर्व इधर से
चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसके ऊपर आगे आ जाए, जो जो सी कर्व के ऊपर जो जो से भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसका रेडियस मैं जैसे 350 रख देता हूँ, तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी आगे शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से मैं उसको 400 के ऊपर लेके जाता हूँ रेडियस को, ये लाइन हमारी और आगे हो जाएगी। तो ये आपने इसके हिसाब से ही इसकी एडजस्टमेंट वगैरह सारी कर सकते हैं। 600 के ऊपर जो नेक्स्ट वहाँ पर रेडियस आ रहा है उसको भी हम इधर से 600 करेंगे, तो ये रेडियस हमारा इधर से चेंज हो जाएगा। ये वाला जो कर्व जा रही है, ये रेडियस वगैरह आप मौके के ऊपर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर से सिविल 3D के ऊपर भी आप आके कर सकते हैं। इधर से मैंने आपको पहले बताया कि इधर से आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कॉर्ड लेंथ हमारे पास 698 आ गई। आप इसको अगर राउंड फिगर में रखना चाहते हैं, 700 रखना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो जाएगा और रेडियस भी हमारा इधर से उसका चेंज हो जाएगा। पहले हमने इसका रेडियस 1500 रखा था, अब ये हमारे पास 1503 है। सपोज नीचे वाला 350 के ऊपर है, उसकी मैं इधर से कर्व लेंथ को इधर से मैं 40 मीटर के ऊपर ले जाता हूँ कि 40 मीटर की मुझे कर्व चाहिए। तो इधर से आप देखेंगे जब, तो ये हमारे पास आप देखेंगे ये 350 से बढ़ के वो 381 के ऊपर ये आ गया। तो इधर से आप जो से भी अमाउंट इसका चेंज करेंगे इनकी, तो ये हमारे पास सारी इसकी कर्ज वगैरह सारी चेंज होती जाएंगी। इसकी ये सारी सेटिंग्स वगैरह आप इसकी आराम से कर सकते हैं, और लर्निंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स आप अपने कोऑर्डिनेट ड्राइंग के कोऑर्डिनेट भी लगा के, और जो ड्राइंग के अंदर आपको दिए गए हैं उसके ऊपर भी जो अलाइनमेंट लगाई जाएगी वो आपने ऑब्जेक्ट फ्रॉम अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगानी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी इसके बाद ये अलाइनमेंट्स वगैरह हमने लगा दी हैं सारी। इधर से आप कोई भी अलाइनमेंट मजीद भी ऐड करना चाहते हैं उसको आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑफसेट्स। आप ऑफसेट इसके कैसे लगाएंगे, अलाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। नीचे आप ये देख रहे हैं कि ऑफ क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट्स है, आप इधर से इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कोई भी सेंटर लाइन जो डिज़ाइनिंग की आपने लगाई है, सपोज आप ये देख रहे हैं कि रोड 3 की लगाई थी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेगा। ये ऊपर आ गया रोड 3, रोड 1, 2, 3। इधर से आप कोई भी रोड सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो से अलाइनमेंट लगी हुई तो सारी आपके सामने आ जाएंगी। मैं जैसे रोड 3 को करता हूँ तो नंबर ऑफ ऑफसेट आ रहा है। अगर 1-1 ऑफसेट लगाना चाहते हैं, नीचे ऑफसेट है 3-3 मीटर का, तो 1-1 ऑफसेट आपका 3-3 मीटर का इधर लग जाएगा। हम इसको लगाते हैं आगे। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास अलाइनमेंट आ गई ऑफसेट्स की। नो लेवल है, लेवल जाहिर है सेंटर लाइन के ऊपर हमारे पास सेंटर लाइन के सारे बने हुए हैं, तो हमें इसकी लेवल की जरूरत नहीं है। हम इसको इधर से ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों साइडों के ऊपर इसके 3-3 मीटर के ऊपर इसके सारे ऑफसेट इधर हमारे ड्रा हो गए। इसी तरीके से आप दोबारा आ जाएँ इसके ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर ऑफसेट अलाइनमेंट्स, और इधर से आप इसको दोबारा इसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी आप देख रहे हैं 3-3 मीटर के ऊपर हमने पहले लगाए थे, अभी हम लगाना चाहते हैं तो 3 ऑफसेट लेफ्ट साइड के ऊपर, 3 ऑफसेट राइट साइड के ऊपर। जो लाइन की विड्थ है वो हम रखना चाहते हैं 3.60, और दूसरी साइड के ऊपर भी हम रखना चाहते हैं इसकी अलाइनमेंट को 3.60। तो जैसे मैं उसको ओके कर दूंगा तो अभी आप देखेंगे सारे हमारे अलाइनमेंट इधर अपडेट हो गए। ये पहले वाले जो अलाइनमेंट लगे हुए थे ये हमारे 3-3 मीटर के ऊपर लगे हुए थे, इसको मैं जैसे खत्म कर देता हूँ, ये हमारे अलाइनमेंट इधर चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी अलाइनमेंट के ऊपर आप जो भी ऑफसेट अलाइनमेंट लगाएंगे वो सारी लग जाएगी। तो जैसे आप अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास सेंटर लाइन की अलाइनमेंट है रोड 1, 2, 3, वो नीचे हमारी ऑफसेट अलाइनमेंट आ गई। राइट साइड लेफ्ट 3.6, 7.2, 10.8, ये ऑटोमेटिकली उसने आगे लगा दिए हैं रोड 3 के अंदर। उसी तरीके से आप अलाइनमेंट अपनी कोई और भी लगाना चाहते हैं, ऑफसेट अलाइनमेंट हम सपोज है इस रोड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इधर हम अपने ऑफसेट 2 ऑफसेट लगाना चाहते हैं 3.6 के, और जैसे आपने ये रोड 1 आ रहा है इधर आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट हुआ हुआ रोड 1, और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये दोनों साइडों के ऊपर आपके पास 3.6 की दोनों लाइन्स इधर लग जाएंगी। इसी तरीके से आप दोबारा आते हैं ऑफसेट अलाइनमेंट के ऊपर और अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं, तो अभी हमने 2 अलाइनमेंट्स लगाई थी तो 3.6 हमारे पास आ गया था 7.2। मैं कैलकुलेटर को जैसे ओपन करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं 3.6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 7.2 के ऊपर इधर हमारी ये लाइन लगी है। तो अभी इस लाइन को हम इधर से चेंज करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कैसे करेंगे। अभी सपोज मैं इधर से ऑफसेट येलो लाइन का लगाऊंगा, 1 ऑफसेट मैंने लगाना है, तो इधर से मैं ऑफसेट की हमारी विड्थ रहेगी 2 मीटर की, तो 7.2 प्लस 2 कर दूंगा तो 9.2 के ऊपर हमारे पास ऑफसेट आएगा। तो इधर से आपने 9.2 और इधर से आपने 9.2 उसका ऑफसेट कर देना है और ओके कर देना। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी अलाइनमेंट इधर जो है ये 2 मीटर के ऊपर अलाइनमेंट इसकी आ गई है। तो ये आपने इसी तरीके से
जो से भी ऑफसेट जितने लगाने उसके ऑफसेट आप इधर से चेंज कर सकते हैं और इजीली उनको लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं ऑफसेट के ऊपर। अभी आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक रोड नंबर 2 जा रहा था जो हमने पहले बनाया था, तो इसके ऊपर अगर आप ऑफसेट एक ही लगाना चाहते हैं, सपोज एक ही ऑफसेट बड़ा रोड का जो ROW है एंड के ऊपर वो लगाना चाहते हैं 15 मीटर के ऊपर, तो आपने इसका इधर से 15 मीटर इसका कर देंगे। 15 मीटर करने के बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसके दोनों ऑफसेट इधर से 15 15 मीटर के ऊपर इधर ड्रा हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी अलाइनमेंट्स वगैरह को इजीली लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ वर्किंग अपनी कर सकते हैं इधर सिविल 3D के अंदर। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने पहले क्रिएशन टूल के ऊपर अलाइनमेंट को लगाया था, इधर से जो जो से भी अलाइनमेंट हमारी आ रही थी उसके ऊपर लगाया था सारी चीज़ों के हिसाब से। अभी हम सपोज हम एक और अलाइनमेंट लगा देते हैं रोड 4 के ऊपर, बाकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इधर प्रपोज आ रहा है। ऑफसेट को जब हम गए तो इधर हमारे पास ऑफसेट आ रहा था, तो आपने प्रपोज है ऑल लेबल से ओके करनी है, और इधर से हमने इसकी वर्किंग की थी टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर। तो इधर से भी आप इस तरीके से आप जो भी अलाइनमेंट इधर से उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप उनको लेके जाना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट्स वगैरह आपकी इधर लग जाएगी। ये अलाइनमेंट हमारी फ्रॉम ये पहली थी क्रिएशन टूल के ऊपर। अगर आप इधर से क्रिएशन टूल के ऊपर अलाइनमेंट लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, या हमने इससे पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा था, इसकी भी सेटिंग वगैरह आप इसी तरह कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से कि आप कितना उसको लेके जा सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, वो आपको बताएगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमने ऑफसेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है, तो ऑफसेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये लाइन इसी तरीके से आप कोई इधर से लाइन अपनी कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं उस लाइन को आप इधर से पहले बना लें, और बनाने के बाद आप इधर से पॉली लाइन को पहले लगा दें। लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, तो और इधर से जो रिवर्स आप करना चाहते हैं रिवर्स कर दें, स्ट्रेट करना चाहते हैं स्ट्रेट करके इंटर कर दें। इंटर करके इधर से आपने रोड का नाम इसका चेंज कर देना है, रोड 4 आ जाएगा। इधर हमारा प्रपोज अलाइनमेंट है, प्रपोज के ऊपर आ जानी है, और इधर से डिफ़ॉल्ट रेडियस आपको जितना रखना चाहते हैं चेंज कर दें, और बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये अलाइनमेंट्स वगैरह हमारी इस टाइप की लग जाती हैं। तो ये इसमें सिविल 3D के अंदर अलाइनमेंट्स लगाने के ये 2 मेथड हैं। उसके बाद तीसरा मेथड हमारा ऑफसेट अलाइनमेंट्स का है। तो आप इसी तरीके से कोई भी अलाइनमेंट्स वगैरह अपनी इस वीडियो की मदद से आप देख के लगा सकते हैं। अगली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने कोई एग्जिस्टिंग रोड के जो वीडियोज़ इसको लगाना चाहते हैं, जो आपको बताएंगे उसको आप कैसे इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन वो एक कहलाता चैप्टर होगा। तो ये अभी हमारा जो लेसन शेयर रहे हैं उसके अंदर ये हमारी जो अलाइनमेंट का आज का टॉपिक था अलाइनमेंट फ्रॉम ऑफसेट, तो अलाइनमेंट फ्रॉम ऑफसेट और अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो दोनों हम मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं कैसे मिलेगा आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सरफेस प्रोफाइल के मतलब कि हम अपनी सरफेस प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पीछे वाले सेक्शन के अंदर हमने अपने प्लान के मुतालिक सीखा था कि हम अपने प्लान को कैसे बना सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट के मुतालिक, इसकी चीज़ों के मुतालिक। तो अभी हम बनाएंगे अपनी प्रोफाइल के मुतालिक सरफेस प्रोफाइल के ऊपर। तो हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे न्यू ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम दोबारा पॉइंट्स को इम्पोर्ट करते हैं, ताकि अगर आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जैसे क्लियर करते हैं। जैसे फॉर्मेट आपने सेट कर देना है जो से भी है। इसके बाद आपने जैसे ऐड टू पॉइंट ग्रुप्स को मैंने बताया था कि आप पॉइंट के बीच में इसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं अपना, ओके कर दें। और ओके करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, तो ये आपके सामने जूम एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इस पॉइंट्स के ऊपर उसके बाद हमने अपनी सरफेस बनाई थी। सरफेस आपने इधर से बनानी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी आप सरफेस XYZ के ऊपर आप बना सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसकी सेटिंग्स वगैरह आप कैसे करेंगे। इसमें भी जाके आप इधर से इसका डिज़ाइन जो कंटूर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इधर से आपने आना है कंटूर के ऊपर आना है, और इधर से कंटूर अगर आपके पास उसका डिस्टेंस वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं कम या ज़्यादा वो आप इधर से कर सकते हैं। कलर्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था, तो आप इसको इधर से ओके कर दें। ओके कर दें ये सर्फेस हमारी इधर क्रिएट हो जाएगी XYZ की। इसी तरह आपने इधर से नीचे आ जाना है, इसको प्लस वाले निशान को क्लियर करना है, और इधर से आपने
इसका पॉइंट्स ग्रुप को या पॉइंट्स फाइल को आप इधर से सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे ऐड कर देता हूँ मैं पॉइंट्स ही, ऑल पॉइंट्स हैं, इसको आपने इधर से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी इधर ये सरफेस सारी बन गई थी। उसके बाद हमने अपने इधर इसके ऊपर कंटूर अपने लगाए, कंटूर्स के एलिवेशन लगाए थे एल डेबल्स के जरिए, और उसके बाद हमने पिछले प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी हमने अलाइनमेंट लगाई थी। तो अलाइनमेंट आप कैसे लगा सकते हैं, अलाइनमेंट के मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा हम इसकी अलाइनमेंट इधर लगाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियोज़ के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो अभी उसके हिसाब से ही हम आगे चलते हैं। तो हम इधर से आ जाते हैं क्रिएट अलाइनमेंट क्रिएशन टूल के ऊपर। इधर से आपने रोड का नाम दे देना है, मैं इधर से रोड का नाम देता हूँ R1 का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ये आल लेवल्स और प्रपोज ये हमारे पास सिलेक्ट हुआ है, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट लेआउट R1 का टूल ओपन हो जाएगा। इधर से मैंने आपको बताया था टेंजेंट नो कर्व और विद कर्व्स आप कोई भी अलाइनमेंट लगा सकते हो। तो हम टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर आ जाते हैं और इधर से अपनी एक अलाइनमेंट को हम इधर से ड्रॉ करते हैं। इधर अलाइनमेंट हम सर्फेस के ऊपर ही इधर ड्रा करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने अपनी सर्फेस प्रोफाइल बनानी है। सर्फेस प्रोफाइल जो बनेगी हमारी इन कंटूअर को डेटे के ऊपर बनेगी इसके हिसाब से। तो ये आपके ऊपर इधर सामने में इधर अपनी अलाइनमेंट को इधर लगा रहा हूँ। किसी भी जगह आप अपनी अलाइनमेंट को इधर उसकी डिज़ाइन वगैरह को आप बना सकते हैं, कोई भी कर्व्स वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर मैंने ये अपनी अलाइनमेंट एक इधर ड्रा कर दी है इधर से, और जैसे इसके इसी तरीके से थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स वगैरह मैं इसके इधर कर देता हूँ। ये वापस R1 आ गया इधर, और इसके बाद उसको मैं बंद करता हूँ और दोबारा इधर आ जाता हूँ और एक और रोड लगा देता हूँ। इधर R1 था हमारा, इधर हम इसको R2 का नाम दे देंगे, बाकी सेगमेंट हमारा वही जा रहा है। तो इधर से इसी तरीके से हमने इधर अलाइनमेंट के ऊपर आना है, टेंजेंट विद कर्व हमने इधर से सिलेक्ट करनी है। इधर से कोई भी पॉइंट आप पिक कर लें अपना, और पिक करने के बाद जो भी अलाइनमेंट आपकी जा रही है आप उसको इधर लगा दें। इधर से मैं इसकी अलाइनमेंट को इधर ये इस तरह ये ले जाता हूँ, ये अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, और राइट क्लिक करूँगा ये अलाइनमेंट हमारी लग जाएगी। उसके अंदर हमारे पास एक कर्व आई थी, इसके अंदर हमारे पास दो PI आई हैं, दो कर्व्स आई हैं। तो इधर से इसी तरह इसको मैं इधर से इसके PI को सिलेक्ट करूँगा, उसके रेडियस वगैरह को मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ। ये आप अपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इधर ये अलाइनमेंट ड्रा हो गई है सारी। इसके बाद इस सेगमेंट को इधर से हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने बनानी है इसकी सरफेस प्रोफाइल। सरफेस प्रोफाइल क्या कहलाती है? सरफेस प्रोफाइल हमारी ये कंटूर जो आप देख रहे हैं, जो हमारी सरफेस बनी हुई है इसके ऊपर जो अलाइनमेंट हमने ये लगाई है, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, जो भी इसकी सेंटर लाइन जा रही है इसके ऊपर हम सर्फेस प्रोफाइल को ड्रा करेंगे। जो भी कंटूर के ऊपर हमारे एलिवेशन आ रहे हैं, जो एलिवेशन आप पा रहे हैं डाउन आ रहे हैं, वो इस अलाइनमेंट के ऊपर हमारी सर्फेस प्रोफाइल को उधर ड्रा कर देगा। उसके बाद हमने अपने रोड का डिज़ाइन वगैरह सारा बनाना होता है, उसकी वजह से ही हम सारा कुछ बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड जा रहा होता है NSL या NGL, उसके एलिवेशन के हिसाब से वो सारी प्रोफाइल इधर ड्रा हो जाती है। तो ये आपको मैंने शुरू से बताया कि आपने इसी तरह अलाइनमेंट लगानी है। जो सर्फेस प्रोफाइल बनेगी वो इस कंटूर के ऊपर बनेगी, इन कंटूर्स के ऊपर बनेगी, और इसके हिसाब से जो अलाइनमेंट आपकी आ रही है, जो जो एलिवेशन जा रहे होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इधर हमारी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। तो आपने इधर आ जाना प्रोफाइल के ऊपर, आप देख रहे हैं ऊपर हमारे पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट सर्फेस प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएशन टूल है, फिर क्रिएशन बेस्ट फिट प्रोफाइल है, इसी तरह प्रोफाइल फ्रॉम फाइल है, क्विक प्रोफाइल, और इसी तरीके से नीचे क्रिएट सुपर इम्पोज प्रोफाइल और प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर। तो ये सारे सब्जेक्ट हम अपने मुख्तलिफ लेसन के अंदर उनकी सारी स्टडी करेंगे और बारी बारी सबको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट सरफेस प्रोफाइल के ऊपर। सरफेस प्रोफाइल के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि ये किस टाइप की होती है, इधर से आपने उसको क्लिक करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये आपके सामने क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, ये डेटा आपके सामने ओपन हो गया। इसके अंदर क्या है? R1 और R2, हमने दो अलाइनमेंट इधर लगाई हुई है, R1 और R2 की। आप देख रहे हैं कि R1 और R2 की दोनों अलाइनमेंट्स हमने लगाई थी, ये दोनों अलाइनमेंट्स इधर हमारे पास आ रही है। तो आप कोई भी प्रोफाइल की अलाइनमेंट इधर लगा सकते हैं, उसकी प्रोफाइल ड्रा कर सकते हैं। हम R1 के ऊपर आते हैं इधर से, ये हमारी जा रही है जो हमने अपनी अलाइनमेंट लगाई है 00 से लेकर 24+75.79 मीटर्स के ऊपर इधर आ रहा है। इधर से ये हमारे पास XYZ की जो हमने इधर ये सरफेस बनाई है उसका नाम आ रहा है, और इधर हमारे पास स्टार्ट और एंड आ रहा है। इधर से सैम्पल ऑफसेट को आप सिलेक्ट कर लें, उधर से आप इसको ऐड कर दें। ऐड करेंगे नीचे आपके पास ये पूरा उसकी डिटेल आ जाएगी, सारा कुछ नीचे आपके पास ड्रा प्रोफाइल व्यू है, उसके बाद रिमूव है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे ख़त्म कर देंगे, आगे चलना चाहते हैं तो आगे चलेगा। उसके बाद ड्रा प्रोफाइल व्यू के ऊपर आपने इधर से इसको क्लिक करना है, इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर आपने आना है। एक टेबल आपके सामने और आ जाएगा, क्रिएट प्रोफाइल व्यू R1 है हमारे पास। इसी तरह प्रोफाइल का नाम आप देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं, मैं इधर R1 सरफेस का नाम दे देता हूँ।
रोड वन सरफेस प्रोफाइल हमारी आ जाएगी, ये प्रोफाइल व्यू है, इसके अंदर प्रोफाइल व्यू हमारा आ जाएगा। प्रोफाइल व्यू को आप देखना चाहते हैं उसके सारा कुछ चीज़ें वगैरह, तो ये सारी इधर हमारे पास आ रही हैं सारे। इसके मतलब हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप इधर से कोई भी अपना बैंड्स वगैरह, ये इसके बैंड है, प्रोफाइल व्यू के सारे बैंड हैं, आप इधर से कोई भी बैंड इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो हम इधर से प्रोफाइल व्यू के ऊपर आते हैं, उसके बाद हमने इसको इधर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये स्टार्ट एंड है। इसको अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, कोई रेंज अपनी बनाना चाहते हैं, तो इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम ऑटोमेटिक के ऊपर रहेंगे इधर से। उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है। आप प्रोफाइल का जो हमारा क्रिएट होगी उसका मिनिमम एलिवेशन आ रहा है 214.15 और मैक्सिमम आ रहा है एलिवेशन 216.07। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इससे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले अपनी ऑटोमेटिक जो प्रोफाइल आ रही है उसके ऊपर ड्रा करेंगे। नेक्स्ट कर दें, ये हमारे बैंड आ जाएंगे, इसके मुतालिक हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपने जैसे क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देने हैं। क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को जिधर भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रोड वन की प्रोफाइल है वो आपकी इधर ड्रा हो जाएगी। तो इधर किसी भी साइड के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ये देखना, तो ये हमारे पास इधर रोड वन प्रोफाइल आ गई है, आर वन की प्रोफाइल आ गई है। नीचे ये हमारे पास उसकी लाइन जा रही है और नीचे उसके एलिवेशन वगैरह आ गए हैं सारे। इसी तरह ये 214 से लेकर 218 तक आ रहा है और नीचे हमारे पास इसके एलिवेशन आर डीज और एलिवेशन आ रहे हैं सारे। अब ये देख रहे हैं ये सारी सरफेस प्रोफाइल है। इसके ऊपर जो लेवल अप डाउन जा रहे हैं सारे, वो लेवल कौन से जा रहे हैं, वो लेवल ये वाले जा रहे हैं जो कि आपके पास इधर प्रोफाइल के ऊपर आ रही है। जो सरफेस हमने बनाई थी इसके हिसाब से ये एलिवेशन है इन आर्टिस्ट के ऊपर। ये कि मौजूदा जो आपने अलाइनमेंट को डिज़ाइन किया है रोड का, उसके ऊपर आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है। ये पूरी इसकी सरफेस आ रही है, पूरा उसके एलिवेशन आ रहे हैं जिधर आप पे डाउन है हर आर्टिस्ट के ऊपर, वो सारे के सारे इधर आपके पास आ रहे हैं। तो ये हमारी सरफेस प्रोफाइल कहलाती है। सरफेस प्रोफाइल के ऊपर जब हम ड्रा करेंगे, इसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन प्रोफाइल को बनाते हैं। जो भी रोड का डिज़ाइन प्रोफाइल होगा, जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से कितनी हाइट वगैरह रखना चाहते हैं, वो सारी इस सरफेस प्रोफाइल के ऊपर हमारी ड्रा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इधर तक ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आपने मेरी वीडियो को बीच में स्कैप वगैरह करते हैं तो कोई भी पार्ट आपका मिस होता है तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर इसका जो ग्रिड बना हुआ है, जो ग्रिड ये कराता है ग्रिड, ये बहुत छोटा है। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं या ये आपकी लाइन भी सेंटर में आए, आप या डाउन हम डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से बनाना है, तो उसके ऊपर हमें ये ग्रिड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे प्रोफाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और जैसे इसकी एडिट प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी आपने आ जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर आप जब इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने ऊपर ये टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आपने प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ और एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने जैसे प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाने क्लिक करेंगे तो आपने इधर दोबारा पहुंच जाना जिधर हम स्टार्ट से चले थे। ये इधर हमारे पास प्रोफाइल व्यू आ रहे हैं सारे। इधर ये हमारे पास इसके स्टेशन है 0 से लेके एंड तक। ये मैंने बताया कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं इधर से मैनुअली चेंज करेंगे तो ये इधर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप -20 से लेके 2+5 तक देख रहे हैं। अगर आप पीछे भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने एलिवेशन के ऊपर आ जाना है। ऑटोमेटिक हाइट है 214 से लेके 218 तक। इसको आप यूज़र स्पेसिफिक हाइट के ऊपर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको सिलेक्ट कर लें। 214 आ रहा है, आप इधर से इसको 210 कर दें। इधर 218 आ रहा है तो आप इधर से इसको 230 के ऊपर कर दें। करने के बाद आप इसको इधर से अप्लाई कर दें और इधर से आप देखेंगे नीचे कि ये हमारी प्रोफाइल बड़ी होगी, ये सेंटर में हमारे पास सारी लाइन आ गई। इधर से इसी तरीके से कोई भी आप एलिवेशन वगैरह इसका जो भी चेंज करेंगे उधर से वो चेंज हो जाएगा। इधर से आप ओके कर दें तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका प्रोफाइल व्यू इधर से इसकी जो ग्रेड्स जो है वो सारे वो बढ़ गए हैं, सारा बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से ये पहली सरफेस प्रोफाइल थी। उसके बाद आपने इधर से आना है दोबारा प्रोफाइल के ऊपर, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल के ऊपर दोबारा आ जाना है। ये रोड वन था, आप दो अलाइनमेंट्स हमने लगाई हुई है रोड वन और टू, टू के ऊपर आपने आना है। इसी तरीके से इसको ऐड सैंपल ऑफसेट कर देना है, ऐड कर देना है और ड्रॉप प्रोफाइल के ऊपर चला जाना है और इधर से आप जो भी बैंड्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं उसके कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट और इधर क्रिएट प्रोफाइल और नीचे किसी भी जगह के ऊपर आप इधर रोड टू की प्रोफाइल को ड्रा कर दें। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हमारा उसी तरीके से इसका प्रोफाइल ड्रा हो गई है। आप इसको राइट क्लिक करें, इधर से प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाएं, इधर से आपने एलिवेशंस के ऊपर आ जाएं और इधर से यूज़र हाइट जो है ये इसकी आप अपनी चेंज कर दें। 208 से लेके मैं इसकी 235 तक थोड़ी सी रेंज इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके करूँगा तो ये आप देखेंगे ये हमारी इधर सर्फेस प्रोफाइल इधर ड्रा हो गई है। तो कोई भी सर्फेस प्रोफाइल वगैरह है वो सारी की
सारी आपने इस तरीके से ही ड्रा करनी है। जो सर्वे प्रोफाइल होती है इसके ऊपर ग्रेड्स वगैरह नहीं होते हैं, जो जो सी आर डीज लिखी हुई है जी, आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0 है 20 40 जो भी आर डीज लगी हुई है उसके ऊपर जो सर्फेस का लेवल आ रहा है, ये कंटूर के ऊपर जो सर्फेस बनी हुई थी इसके ऊपर से वो ऑटोमेटिकली अपनी सर्फेस प्रोफाइल के एलिवेशन को जनरेट करता है आपके इस अलाइनमेंट के ऊपर। आप अलाइनमेंट को जिस तरह आगे पीछे लेके जाएंगे आपकी सर्फेस भी उसी तरीके से उसके एलिवेशन वगैरह उधर से उसके एलिवेशन वगैरह सारे चेंज होंगे। तो ये आप जो भी इधर से स्टार्ट एंड करेंगे, जो भी करना चाहते हैं, इधर से जो भी अलाइनमेंट्स वगैरह आप आगे करते हैं पीछे करते हैं जिधर भी लेके जाते हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी सारी अपडेट्स हो जाएंगी। तो ये सर्फेस प्रोफाइल के मुताबिक कितना था इसको वीडियो के अंदर के सर्फेस प्रोफाइल बनाने का मकसद क्या है। सर्फेस प्रोफाइल बनाने का मकसद सारा ये होता है कि जब आपने कोई भी रोड का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपने अपने पॉइंट्स को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद जब अपनी अलाइनमेंट्स को आप फाइनल कर लेते हैं, जो आपके रोड अलाइनमेंट है उनको आप फाइनल कर लेते हैं, तो उन फाइनल अलाइनमेंट्स के बाद जो भी सर्फेस आपके एलिवेशन आ रहे होते हैं आपके कंटूर के ऊपर उसके ऊपर ये सर्फेस प्रोफाइल ड्रा होती है। सर्फेस प्रोफाइल आपके NSL कहलाते हैं, आपके NGL कहलाते हैं, दोनों का एक ही नाम है। NSL का मतलब होता है नेशनल सर्फेस लेवल, NGL का मतलब होता है नेशनल ग्राउंड लेवल। तो ये मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये हमारी जो अभी प्रोफाइल बनी है ये हमारी सर्फेस प्रोफाइल बन गई है, ये हमारे NGL या NSL कहलाते हैं। NSL और NG के ऊपर अभी हमने इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाना है वो हम बनाएंगे। तो इससे आगे वाली वीडियो के अंदर मजीद बात करेंगे। इधर तक आप इसको स्टडी करें, देखें अच्छे तरीके से, शुरू से बिल्कुल आएँ और बार बार आप अपना काम करें और वीडियो के इसको देख के अपने आप को इसमें अच्छा वर्किंग करने की सलाहियत को आप पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सिविल 3D के ऊपर एक लेक्चर शुरू किए हुए हैं, लेसन शुरू किए हुए हैं, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्ट से पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना। तो ये सिलसिले का नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर हम आपसे बात करेंगे अपनी प्रोफाइल के मुतालिक, डिज़ाइन प्रोफाइल के मुतालिक और डिज़ाइन प्रोफाइल विद टेंजेंट्स। ये आप देख रहे हैं ड्रा टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट के जरिए हम पहले इसकी लाइन को अलाइनमेंट को लगाएंगे, टेंजेंट्स उसकी सेटिंग करेंगे, उसके अंदर हम न्यू VPI ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और ये कर्व्स के फार्मूले जो आपके सामने इधर नज़र आ रहे हैं इसके मुताबिक हम अपनी इधर वर्टिकल कर्व्स को बनाएंगे, पैराबोला के ऊपर, सर्कुलर के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे अगर आपने मेरे चैनल कोई वीडियोस को नहीं देखा तो सिविल 3D का न्यू प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर सारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ सिविल 3D की होंगी। आप उसके अंदर से देख के बिल्कुल स्टार्ट से और अपने काम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी ये सरफेस प्रोफाइल के मुतालिक सीखा था कि हम अपनी सरफेस प्रोफाइल को मुख्तलिफ प्रोफाइल्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे डिज़ाइन प्रोफाइल को। डिज़ाइन प्रोफाइल लगाने का कंप्लीट तरीका दो किस्म का हम बताएंगे इसके अंदर, उसके अंदर हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सर्फेस प्रोफाइल पहले बनी हुई है। अगर आपने मेरी वीडियो पीछे नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को इधर देख सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने इधर से सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर आना है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो बनाई थी वो क्रिएट सर्फेस प्रोफाइल बनाई थी, अभी हम आएँगे क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूं तभी आप ये देख रहे हैं कि नीचे आपको कमांड बार के अंदर सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल, तो इधर से आप कोई भी प्रोफाइल को आप जब इधर से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोफाइल को हम बना सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये R2 प्रोफाइल है और ये हमारी R1 की सरफेस प्रोफाइल है। तो इधर से मैं इसको क्लिक करता हूँ R1 के प्रोफाइल को, तो इधर सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल ड्रा न्यू आ जाएगा। इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इधर R1 डिज़ाइन का नाम दे देते हैं और इसी तरीके से ये नीचे आप नीचे आ रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कोई लिखना चाहते हैं और प्रोफाइल व्यू नीचे है, बेसिक है, डिज़ाइन प्रोफाइल है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल है, इंटरसेक्शन बेसिस है, लेआउट है, लेफ्ट सैंपल और राइट सैंपल प्रोफाइल है। तो अभी हम इधर से हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को हम बनाएंगे। तो आपने डिज़ाइन प्रोफाइल को इधर सेलेक्ट कर लेना है, इसका व्यू आप देखना चाहते हैं इसका सारा, तो ये आप इसकी लेयर्स वगैरह और सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन है, डिज़ाइन है हमारे पास, इसका मार्कर्स वगैरह सारे डिस्प्ले है और इधर उसकी मेन समरी है। इसी तरीके से आप इसका प्रोफाइल को इधर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इधर इसका प्रोफाइल का व्यू आ जाएगा। तो ओके कर देते हैं इसको, इधर से नीचे आप इसी तरीके से
आते हैं, ये सात जर्नल है और साथ ही ये डिज़ाइन क्राइटेरिया इधर बना हुआ है। इधर आप जो भी आस्ट्रो वगैरह जो आपकी है इसके अंदर सिविल 3D के अंदर उसका आस्ट्रो के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो उधर से आपने क्रिएट डिज़ाइन क्राइटेरिया कर देना है और उधर से अपने टेबल्स वगैरह को सिलेक्ट कर लेना। तो हम अभी इसको जर्नल के ऊपर रखेंगे और उधर से हम बनाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे प्रोफाइल लेबल स्टाइल, इधर लेबल स्टाइल की सेटिंग्स वगैरह भी सारे ये आप देख रहे हैं कि इसके ग्रेड ब्रेक हैं, सैक कर्व है और क्रेस्ट कवर कर्व वगैरह सारा कुछ आ रहा है, वाइडनिंग वगैरह सारी आ रही है इसकी इधर, और इधर ये मेजर माइनर लाइन पूरी इसकी डिटेल्स वगैरह सारी आ रही है। आप इधर से इसको सेट कर सकते हैं इंसाफ इसके लेवल्स वगैरह को। इसी तरीके से आप इसका प्रोफाइल का व्यू देख सकते हैं सारा, आपके पास प्रोफाइल का व्यू कैसे जाएगा इधर से। तो ये आपने इधर से कम्प्लीट लेवल सेट रखना है, नो लेवल नहीं लगाना चाहते हैं तो नॉन कर दें, नो लेवल कर दें और कंप्लीट लेवल सेट रखना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी हर चीज़ आए इधर जो कि आपको इधर नज़र आ रही है, कर्व्स वगैरह के डिटेल्स वगैरह सारे, कर्व ब्रेक और कर्व वर्टिकल कर्व्स वगैरह, तो सारा कुछ आपने इधर से उसको कम्प्लीट लेवल सेट के ऊपर रखना है। जैसे आपने इसको ओके कर दिया, ओके करेंगे तो आप देखेंगे प्रोफाइल लेआउट टूल्स है R1 डिज़ाइन प्रोफाइल हमारे पास इधर आ गई है, इसका टेबल हमारे पास ये टैब इधर ओपन हो गया, तो इसके ऊपर हम अभी अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को लगाएंगे। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसके बाद आपने इधर ये फर्स्ट कॉलम के ऊपर आ जाना है, इधर से ये वाला कॉलम जो है इधर आपने देख रहे हैं कि ड्रॉ टेंजेंट्स, अगर आप सिर्फ टेंजेंट ड्रा करना चाहते हैं तो आपने ड्रा टेंजेंट कर देते हैं, ड्रा टेंजेंट्स विद कर्व करनी है तो ये विद कर्व हो सकती है, कर्व की सेटिंग है और कन्वर्ट्स कर्व है। तो हम सबसे पहले इधर आ जाते हैं टेंजेंट के ऊपर कि टेंजेंट अगर आपने ड्रा करने है तो आप कैसे कर सकते हैं। इधर से आपने ड्रा टेंजेंट को आपने क्लिक करना है तो अभी आप भी देख रहे हैं कि इधर से स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आ रहा है, तो आपने कोई भी स्टार्ट पॉइंट इधर से लेके और जो इसका स्टार्ट पॉइंट है कोई भी लेवल के ऊपर कोई डिज़ाइन प्रोफाइल बनाना चाहते हैं उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ आप फिलिंग रखना चाहते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो उसके ऊपर आप इस प्रोफाइल को ड्रा कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास NSL जो है वो 215 का है, अगर हम इधर 216 या 217 के ऊपर उसको रखना चाहते हैं तो इधर से हम इस एलिवेशन के ऊपर इधर से उसको लेके चलेंगे। तो इधर से हम लेके चलते हैं, पहला टेंजेंट हमारा आ जाएगा इधर से। इसी तरीके से आप इसकी देख लेंगे, ये आपको साइड के ऊपर इधर स्क्रीन के ऊपर लेवल्स वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं, नीचे NSL वगैरह भी हैं। इधर से मैं सपोज आता हूँ, अगर इस जगह को मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेशन क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट इसी तरह ये, और इधर एंड के ऊपर जो भी हम बनाना चाहते हैं इधर से उसके ऊपर इसके स्पीड को सामने इधर हम इसको आराम से इजीली इधर से 220 तक रख देंगे, बना सकते हैं। बनाने के बाद इधर से आप राइट क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारे जस्ट इधर से टेंजेंट ड्रा हो गए। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर वर्टिकल कर्व्स नहीं है, सिर्फ टेंजेंट है कि स्टार्ट से हमारे पास एलिवेशन आ गया 216, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड आया 0.60 का प्लस के अंदर आया है और इसका ये हमारे पास टेंजेंट पॉइंट आया था जिसको हम पॉइंट VPI पॉइंट ऑफ वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड आ गया -0.45 का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन और ये सारा एंड तक। तो ये अगर आप सिर्फ ड्रा टेंजेंट करना चाहते हैं, सिर्फ आपने वर्टिकल कर्व्स नहीं लगानी, तो उस सूरत में आप टेंजेंट के जरिए अपनी प्रोफाइल को इधर बना सकते हैं इस तरीके के साथ। इसके बीच में अगर हम अपनी कोई वर्टिकल कर्व को ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से आ जाएं स्लाइड ऊपर कॉलम के ऊपर, ये आप देख रहे हैं इंसर्ट PVI है, डिलीट PVI है और इधर से इसी तरीके से सैग वगैरह के कर्व्स के मूव PVI वगैरह के सारे ऑप्शन है, सारा कुछ है। तो हम इधर से आते हैं इंसर्ट PVI के ऊपर, तो आप किसी भी जगह के ऊपर इधर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी उधर PVI इंसर्ट हो जाएगी। सपोज मैं इधर इस जगह के ऊपर चाहता हूँ कि इधर मैं प्रोफाइल को चेंज करना चाहता हूँ, तो इधर से आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारी लाइन इधर से अप हो गई है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाली लाइन है, इसको भी मैं थोड़ा सा प्रोफाइल को अप या डाउन करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे इधर से अप हो गई है। इसी तरीके से आप इधर से जो जो से भी वर्टिकल कर्व्स डाउन भी करना चाहते हैं, अगर उसको आप डाउन करना चाहते हैं तो ये आपकी इधर से प्रोफाइल सारी डाउन हो जाएगी। जो जो से भी आप जितनी भी इधर ऐड करना चाहते हैं सारी इधर इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे इधर आपका PVI पॉइंट इधर आ जाएगा और उसके ग्रेड ब्रेक वगैरह भी सारे इधर लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई कर्व को डिलीट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपने इधर से डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और उधर से आपने PVI के इंटरसेक्शन को आपने सेलेक्ट करना है। आप डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे आपका पॉइंट ऊपर चला गया है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले पॉइंट को भी हम डिलीट करना चाहते हैं, इसको मैं इधर से सिलेक्ट कर दूंगा तो ये अपने ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। राइट क्लिक कर दें
तो ये आपके पॉइंट इधर सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको इधर से इस पॉइंट के इधर तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे अर्बन एरिया जो होते हैं जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसके ऊपर तो रोड्स की प्रोफाइल वगैरह एडजस्ट होती है। जो अर्बन एरिया होते हैं जिधर एग्जिस्टिंग ग्राउंड वगैरह होता है उधर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस ग्रेड को मैच करना होता है और उसके ऊपर आपने प्रोफाइलें बनानी है। तो उसके लिए आप इधर से न्यू PVI के ऊपर आके इधर से अपने अपने PVIs को इधर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको इधर वर्टिका कर्व बीच में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने इधर आ जाना थर्ड नंबर के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फिक्स वर्टिकल कर्व्स, इसकी पूरी कर्व्स की जो है वो डिटेल आई हुई। तो जैसे आपने फिर वर्टिकल कर्व्स सर्कुलर को अगर आप लगाना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लें, या पैराबोला को सर्कुलर को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। तो आपने ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट साइड की जा रही है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछे सिलेक्ट नेक्स्ट एंट्री, आपसे पूछ रहा है, तो आपने ये वाली नेक्स्ट एंट्री को आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आप ये देख रहे हैं कि स्पेसिफाई कर्व लेंथ और रेडियस और पास थ्रू जो भी आप देना चाहते हैं दे दो। तो इधर सबसे पहले भी सिलेक्ट हुआ हुआ स्पेसिफाई कर्व लेंथ, तो आप इधर कोई भी कर्व लेंथ आप दे सकते हैं। सपोज मैं इधर से 150 के ऊपर इसको मैं कर्व को ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 150 लिख के इंटर करके और राइट क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि इधर मेरे पास वर्टिकल कर्व आ जाएगी। पहले हमारे पास जस्ट इधर टेंजेंट आ रहे थे, तो अभी इधर हमारे पास वर्टिकल कर्व भी हमारी इसकी इधर लग गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऊपर आप आ जाएँ तो दोबारा कर्व के ऊपर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं सेकंड एंट्री है, और दूसरे कर्व लेंथ मैं इसकी 75 मीटर की अगर मैं देता हूँ, इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास इधर 75 मीटर की इधर कर्व रेडियस इधर लग जाएगा उसका कर्व लेंथ के ऊपर। इसी तरीके से आप जो जो सी भी कर्व इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएं, ये वाली आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। इधर आप मैं इसकी 250 कर्व लेंथ देना चाहता हूँ, 250 देने के बाद राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इधर 250 की कर्व लेंथ इधर ड्रा हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है, दोबारा मैं हम आ जाते हैं इधर, ये आप देख रहे हैं कि लाइन हमारी 1 है और ये सेकंड ग्रेड हमारा है, और इधर से मैं इसकी लेंथ इसी तरीके से 350 की लेंथ दे के इंटर करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 350 की वर्टिकल कर्व इधर ड्रा हो जाएगी। तो ये एक जस्ट मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है कि अगर आप कर्व कोई ऐड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो अपनी उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि इंसर्ट, मैं इस जगह के ऊपर एक और वर्टिकल कर्व को इंसर्ट करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ये इधर आ जाता हूँ इधर, तो ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट इधर मेरा वर्टिकल कर्व सेट हो जाएगा। राइट क्लिक करूंगा तो दोनों ग्रेड्स इधर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं वर्टिकल कर्व्स वगैरह लगाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ, इधर से आपने फिर भी वर्टिकल कर्व के ऊपर आ जाना है और इधर से सबसे पहला पॉइंट प्रोफाइल का और इसी तरह सेकेंड ग्रेड को आपने सेलेक्ट करना है, और इधर वर्टिकल कर्व की जो भी लेंथ आप देना चाहते हैं 200 दे के और राइट क्लिक कर दें तो ये आप देखेंगे कि इधर भी हमारे पास वर्टिकल कर्व सारी ऐड होगी। ये एक जस्ट सिंपल मेथड है, आप इसके अंदर के अगर आप फ्री टेंजेंट के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं काम तो कैसे करेंगे, और उसके बीच में कोई वर्टिकल कर्व्स वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि 350 की कर्व लगाई हुई है। इधर से मैं इस एंट्री को इधर से मैं डिलीट करता हूँ इसी पॉइंट को, इधर से इसको तो आप देखेंगे राइट क्लिक कर दूंगा तो देखेंगे इधर से ये मेरी वर्टिकल कर्व इधर ख़त्म हो गई। इधर जस्ट एक ग्रेड जा रहा है। अगर आप सपोज कोई ग्रेड आपने बनाना चाहते हैं किसी जगह पर क्लिक कर दें, इधर से आपको डाउन कर सकते हैं बिल्कुल, इसको जिस तरीके से आप मर्ज़ी लेके जाना चाहते हैं ले जाएंगे, तो ये सारी की सारी वर्टिकल कर्व्स वगैरह आपकी इधर ड्रा होती जाएंगी। ये सारा का सारा पॉइंट आपके ऑटोमेटिकली इधर क्रिएट होते जाएंगे। इधर इसके बाद दोबारा इधर आ जाते हैं, आप देख रहे हैं फ्री वर्टिकल कर्व पैराबोला, उसको आप इधर सेलेक्ट करते हैं। इसका भी सेम टू सेम यही मेथड है। नीचे आपको देख रहा है फर्स्ट एंट्री है, आपने फर्स्ट ग्रेड को इधर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेकंड ग्रेड को सिलेक्ट करना है, और जैसे वर्टिकल कर्व की लेंथ जितनी भी है आप वो देना चाहते हैं, रेडियस देना चाहते हैं रेडियस दे दें, लेकिन वर्टिकल कर्व के अंदर हम मैक्सिमम लेंथ ही यूज़ होती है। तो आप इधर 100 मीटर की मैं लेंथ दे के इंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये कर्व मेरी इधर बन गई है। राइट क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर मेरे पास पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी, लोएस्ट PT स्टेशन है, इसी तरीके से VPI स्टेशन आ गया हमारा, VPI एलिवेशन आ गया, K वैल्यू आ गई और LVC आ गई। इसी तरीके से कोई भी पैराबोला आप इधर नेक्स्ट पे भी आप लगा सकते हैं, फर्स्ट एंट्री, इसी तरीके से सेकंड एंट्री, उधर जो भी रेडियस आप लगाना चाहते हैं 150 का मैं दे देता हूँ, पहले इंटर हुआ हुआ है और इधर से मैं इंटर कर दूंगा इसको तो ये ऊपर हमारे पास इधर कर्व इसकी लग जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट मेथड के जरिए आप टेंजेंट लगा के और इधर से आप जो भी इसकी सेटिंग वगैरह करना चाहेंगे कर सकते हैं।
सकते हैं। एक तो ये सेटिंग थी कर्व्स के ऊपर, दूसरी सेटिंग ये है आप इधर से कर्व को इधर से खुद भी आप इधर से अप और डाउन इसको कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इधर से मैं उसको मैंने क्लिक किया और मैं डाउन कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा डेटा ऊपर से चेंज हो जाएगा। वर्टिकल कर्व की लेंथ भी अगर हम बड़ी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको भी हम इधर से उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये डेटा आप ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप जितना नीचे लेकर आना चाहते हैं ये नीचे भी आ जाएगा, इसको एक लेवल पर रखना चाहते हैं एक लेवल पर भी आ जाएगा। सारा का सारा इसकी वर्क सेटिंग सारी इसी तरीके से होगी। जिस तरह अभी सेकेंड कर्व है हमारे पास, उसको भी मैं अगर इसका ग्रेड वगैरह मौके के ऊपर हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, डाउन करना चाहता हूं, तो मैं जैसे इसका पीआई को पकड़ के नीचे ले आऊंगा और इसको चेंज करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे सारा कुछ इसका ऑटोमेटिकली ऊपर से डेटा वगैरह भी सारा इसका चेंज हो जाएगा, जो भी एलिवेशन वगैरह होगा। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास 221 का एलिवेशन है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो ये आप ऊपर देखेंगे कि 222 के ऊपर इसका एलिवेशन ऑटोमेटिकली मूव कर गया। इसी तरीके से कर्व लेंथ वगैरह आप जो भी छोटी या बड़ी करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह इधर कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी मेरी प्रोफाइल के मुतालिक, डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर। सबसे पहले हमने इसके ऊपर इस्तेमाल किया इसको टेंजेंट के ऊपर, कि हम टेंजेंट के ऊपर प्रोफाइल को अपनी कैसे बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमने इसकी कमांड्स को इंसर्ट पीआई, इसी तरह डिलीट पीआई, और ये जो कर्व के जो मुख्तलिफ ऑप्शन है इसके अंदर जो मैक्सिमम यूज़फुल ऑप्शन है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि उसके ज़रिए आप अपनी वर्टिकल कर्व वगैरह को कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इधर तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसकी 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये इस वीडियो को मैं इधर एंड करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक दो मेथड और यूज़ करेंगे कर्व्स के ऊपर भी, और इसके ऊपर के अगर हम इसके ऊपर एलिवेशन डिस्टेंस के ऊपर प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट लेसन्स के अंदर मैं आपको इसके मुताबिक डिटेल के साथ बताऊँगा। मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल के अंदर सिविल 3D के लेसन्स चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक एक लेसन के अंदर पूरी डिटेल के साथ एक एक उसका प्रोसेस बताता हूं। तो अभी हम चल रहे थे प्रोफाइल के ऊपर, शुरू से हम चले थे। अगर आपने मेरे पिछले लेसन्स को नहीं देखा तो आप इसके अंदर मेरे चैनल के अंदर जाके उसकी कंप्लीट वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ये फ्री वर्टिकल कर्व्स वगैरह के बारे में बताया था कि आप उन कर्व्स को कैसे लगा सकते हैं, टेंजेंट लगा के आप कोई कर्व लगाना चाहते हैं उसको कैसे लगा सकते हैं, उसको कर्व को डिलीट करना है आप कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने बताया था इस वीडियो के पिछली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर हम इस प्रोफाइल के अंदर जो वहाँ पर कर्व विद टेंजेंट विद कर्व है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम अपनी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को हम कैसे बना सकते हैं, जो कि हमारा बहुत एक सिंपल वे होता है सिविल 3D के अंदर, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हम उसको कैसे बनाएंगे। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और सुकून के साथ देखना है, कोई प्रोसेस आप मिस ना करें। कोई स्टेप आप मिस कर जाते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि हमें समझ नहीं है इस चीज़ की, आप वीडियो को आराम से देखा करें। तो अभी आप आ जाए, अभी हमने ये वाला बनाया था, उसके बाद हम नीचे इसकी प्रोफाइल बनाते हैं। तो आपने इधर आ जाना है प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर, और इधर से आपने जो सी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर देखें रो टू आ रहा है, डिज़ाइन प्रोफाइल है, आप इसको डिज़ाइन प्रोफाइल रहने दें इधर, और इधर से आपने कंप्लीट लेबल सेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक टैब आ जाएगा प्रोफाइल लेआउट टूल्स का, उसमें आप ये देख रहे हैं कि इससे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ड्रा टेंजेंट विदाउट कर्व्स। तो हमने जो पहला वीडियो बनाई थी हमने इसमें इसके ऊपर बनाई थी ड्रा टेंजेंट के ऊपर, कि भाई हम इसके कर्व को टेंजेंट के जरिए विदाउट इसको कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर इस पूरी प्रोफाइल को, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इधर हमारे पास ये पूरा इसका साइन आ रहा है। आप जिधर से भी कोई भी प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं उसको आप इजीली बना सकते हैं इसके अंदर। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा 0.0 पॉइंट था इधर से। अभी सपोज है मैं इधर से 220 के ऊपर इस पॉइंट को इधर से मैं कर्व को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपने इधर से उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिधर वर्टिकल कर्व वगैरह अपनी लगाना चाहते हैं आप उधर लगा सकते हैं इस एलिवेशन के ऊपर। 226 है, 224 है, 222 है, 220 है, आप जिधर भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी पी आई पॉइंट ऐड हो जाएगी।
इसी तरह मैं ये एक सपोज से लगा रहा हूँ आपके पास प्रोफाइल, तो आप इधर से जो जो से भी इधर लगाना चाहते हैं उधर से आप उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो ये आपकी प्रोफाइल इधर से उसकी ड्रा हो जाएगी। तो इधर एंड पोर्शन के ऊपर आपने करके और राइट क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इधर ऑटोमेटिकली हमारी सारी वर्टिकल कलर्स वगैरह सारी ऐड होगी। इस सिलसिले में आपने इधर क्या करना है कि आपने इधर आप जो एलिवेशन की डिज़ाइन प्रोफाइल होती है उसको चूंकि आपने ख़ुद बनाना होता है, इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके अंदर फिलिंग और कटिंग के हिसाब से आप अपना काम करते हैं। न्यू रोड अलाइनमेंट जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम फिलिंग रखी जाती है कि भाई हमारी प्रोफाइल अच्छे तरीके से बने, और जो क्वान्टिटीज़ वगैरह आपको क्लाइंट की तरफ से या जो भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर कि आप मिनिमम फिलिंग को रखें। अभी आपने देखा मैंने जस्ट सिंपल वे के ज़रिए इसकी एक प्रोफाइल को ड्रा किया है, लेकिन इसको आप अपने लेवल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किस तरह के अभी आप देख रहे हैं कि स्टार्ट पे हमारी जो प्रोफाइल जा रही है उसके नीचे ये एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं। अभी का आप पहला 500 के ऊपर सपोज हम वर्टिकल कर्व को अपन अपनाना चाहते हैं, ये 500 वाली पूरी लाइन जा रही है हमारी ये वाली, तो आप इसके अंदर इस कर्व को रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को इधर से पकड़ के 500 के ऊपर जो भी आपको पॉइंट आ रहा है इधर तक आप इस पीआई पॉइंट को इधर से मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आप इधर लगा दें, आप ये देख रहे हैं कि इधर आपकी कर्व इधर मूव हो जाएगी जो भी कर्व आप बनाना चाहते हैं। 500 के ऊपर आप रखना चाहते हैं इधर से कर दें, और इधर आपको जो एलिवेशन ऊपर आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 224 का, नीचे जो NSL आ रहा है हमारा 500 के ऊपर वो 215 का आ रहा है, तो इधर तकरीबन 9-10 मीटर की फिलिंग आ रही है। तो इधर से आप जो भी फिलिंग इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको पी आई पॉइंट को पकड़ के आप ये डाउन कर सकते हैं। आप करेंगे तो ये आपके सामने ऊपर एलिवेशन के आप आते जाएंगे, आप ये देख रहे हैं कि इधर ये 224 से लेके 231 तक आ गया है। इसी तरह आप इसकी फिलिंग को कम रखना चाहते हैं उसको आप इधर से नीचे ले आएँ उसी साइड के ऊपर उसी आर डीज के ऊपर जो जो उनसे भी आपकी वर्टिकल कर्व आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास 220 का एलिवेशन इधर आ गया है। इसी तरीके से आप इसको मजीद आप यह डाउन कर सकते हैं जिधर रखना चाहते हैं, जितनी फिलिंग आप रखना चाहते हैं 1 मीटर की, 1.5 मीटर की, 2 मीटर की, आप उसके एलिवेशन वगैरह इधर से आप चेक कर सकते हैं। अभी इधर 219 है हमारे पास, और इधर हमारे पास जो एलिवेशन है 215 है, 3 मीटर की फिलिंग इधर हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से आप मजीद काम करना चाहते हैं तो आप इसको इधर मजीद नीचे ले आएंगे और उसको आप चेंज कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ उसकी वर्टिकल कर्व्स वगैरह के एलिवेशन वगैरह सारे चेंज होते जा रहे हैं। 218 के ऊपर आ गई है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट प्रोफाइल जा रही है। इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास जो उसका VPI एलिवेशन है वो 219 है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं 220 के ऊपर तो आप इधर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास एलिवेशन 220 आ जाएगा। RD हमारी जो वर्टिकल कर्व की RD है वो 9+54 की आ रही है। तो आप ये इस तरीके से वर्टिकल कर्व को आपको डाउन कर सकते हैं। आपको डाउन करने के लिए मैंने बताया आपको आपने PI पॉइंट को यूज़ करना है, इस पॉइंट को यूज़ करेंगे ऊपर और नीचे प्रोफाइल आपकी जाती जाएगी, ऊपर से एलिवेशन चेंज होता जाएगा। अभी इसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि वर्टिकल कर्व हमारे पास लेंथ 190 आ रही है, इधर हमारे पास 286 आ रही है, इस पोर्शन के अंदर हमारे पास 150 आ रही है, इधर 150 आ रही है। एक तो लेंथ आप इसको चेंज कर सकते हैं मैनुअल भी, और दूसरा आप डेटे के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल की, आप मैनुअल कैसे चेंज करेंगे। आपने इधर से वर्टिकल कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, इस कर्व को इस पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है। पहले हम अप डाउन करने के लिए हम PI को यूज़ कर रहे थे, और अभी हमने इसकी जो कर्व की लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हमने अभी इस लाइन को हमने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इधर वहाँ पर डॉट आ रहा है, ये डॉट आ रहा है, इस डॉट को आप इस प्रोफाइल के ऊपर आप या डाउन कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास आ रही है 286.67 की, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये वर्टिकल कर्व हमारी इधर से बढ़ जाएगी, और इधर हमारे पास लेंथ आ जाएगी 310 की। इसी तरीके से आप इस पॉइंट को इधर से क्लोज करते हैं, इधर तक ले आते हैं तो ये आपकी कर्व लेंथ आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों से क्लोज हो जाएगी, 190 के ऊपर आ जाएगी। इसको आप मौके के हिसाब से अपनी चीज़ों के हिसाब से जितनी भी लेंथ देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको इधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल कर्व की लेंथ वगैरह को जितना भी करना चाहते हैं। सारे पॉइंट्स के ऊपर आप जितनी जितनी कर्व की लेंथ देना चाहते हैं, इधर आप देख रहे हैं कि 190 हमारे पर लेंथ आ रही है, 200 ही करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये आपकी 192 आ जाएगी। इसी तरीके से आप उसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी 200 तक इधर आ जाएगी जो भी लेंथ आती है। एक तो ये मैनुअल मेथड है। इसी तरह आपने ऊपर आ जाना है इस प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर, तो ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास आ रहा है प्रोफाइल लेआउट पैरामीटर्स, आपने इसको सॉरी ये आ रहा है हमारे पास
प्रोफाइल ग्रिड व्यू, आपने इसको इधर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके ऊपर टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपकी वर्टिकल क्रस की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि जीरो पे हमारी, सेकंड हमारी 510 पे है, फोर्थ हमारी 9+0+925 पर है, 1+665 और इधर आगे ये आगे उनके ग्रेड हैं, ये आगे ग्रेड आउट है, ग्रेड इन है, जो ग्रेड इन मतलब है G1 और ये G2 है हमारा। प्रोफाइल से पहले वाला जो हमारा ग्रेड होता है वो G1 कहलाता है और जो प्रोफाइल के बाद VPI एलिवेशन के बाद वाला होता है वो G2 कहलाता है। उसके बाद ये ग्रेड चेंज देख रहे हैं, सारा आ रहा है हमारे पास, उसकी डिटेल है, ये करफ डिटेल आ रही है, सैग है और क्रस्ट है सारा कुछ। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफाइल वर्टिकल कर्व की लेंथ पहली हमारी 230, इसको अगर आप इधर से चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 250 रखना चाहते हैं तो आप इधर से चेंज करेंगे 250 के ऊपर, तो ये हमारी जो पहली कर्व होगी ये हमारी इधर से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये 250 के ऊपर हमारी चेंज हो गई है। नेक्स्ट जो कर्व है वो हमारे पास है 200, तो आपने इधर से इस पॉइंट को इधर सॉरी ये 200 जो विर्थ आ रही है इसको अगर आप 300 करना चाहते हैं, नीचे आपको नज़र आएगा आप देख रहे हैं 300 करना चाहते हैं तो ये आपकी कर्व इधर से 300 के ऊपर चली जाएगी उसकी लेंथ के ऊपर। इसी तरीके से फोर्थ देख रहे हैं कि ये हमारे पास 150 है, 150 के आप चेंज करके 200 मीटर रखना चाहते हैं तो ये हमारी 200 मीटर के ऊपर इधर चेंज हो जाएगी। लास्ट वाली के ऊपर सपोज आप इसको 100 रखना चाहते हैं, 100 मीटर रखना चाहते हैं तो आप इसको 100 कर देंगे तो ये आपके पास इधर उसकी वैल्यू इधर चेंज हो जाएगी। इस तरीके से भी आप इस डेटे को परसीव कर सकते हैं और मैनुअल जब आपने एडजस्टमेंट करनी है तो आप मैनुअल भी मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं, जैसे कर्व का रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो से आपको डिफॉल्ट है चेंज आप इधर से उसको कर सकते हैं, उसके एलिवेशन वगैरह को भी आप इधर से उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेथड था हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं और अभी हम इस डेटे के ऊपर, ये जो डेटा हमारा आ रहा है इसके ऊपर हम अपनी इस अलाइनमेंट को सेट करेंगे, वो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए। जैसे मैं इसको अरेज कर देता हूं, ख़त्म कर देता हूं, प्रोफाइल मेरी इधर सारी ख़त्म हो गई। अभी हमने क्या करना है, दोबारा आना है प्रोफाइल व्यू के ऊपर, प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपने प्रोफाइल जो भी बनानी है सेलेक्ट कर लेना है, डिफ़ॉल्ट वही होएगा डिज़ाइन प्रोफाइल कंप्लीट लेबल सेट, तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। इधर से आपने इसी तरह ड्रा टेंजेंट विद कर्व, दोबारा मैं आता हूँ इधर से और मैं किसी पॉइंट के ऊपर इधर ये मुख्तलिफ VPI मैं इधर से ड्रा कर देता हूँ। ये जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ VPI इसको मैं इधर से ड्रा कर रहा हूँ, इसकी हम सेटिंग अभी हम करेंगे उसके ऊपर आके एंड कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक डिज़ाइन प्रोफाइल बन गई है। ये एक प्रोफाइल जब आप इसके ऊपर बना लेते हैं, बनाने के बाद एक मैंने आपको पीछे मेथड बताया कि आप इसको मैनुअल इधर एडजस्ट करेंगे। आप डेटे के ऊपर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आपने इधर आ जाना है इस प्रोफाइल ग्रिड व्यू के ऊपर। इधर आना है तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट 0.005 से लेके और एंड पॉइंट सारे आ रहे हैं और मुख्तलिफ इसके अंदर वर्टिकल कर्व्स वगैरह आ रही हैं और साथ इसके एलिवेशन वगैरह भी आ रहे हैं। तो अभी स्टार्ट हमने जब लगाया था तो ये स्टार्ट हमारा आ रहा था 0.05 के ऊपर, तो इधर से हम RD चेंज करना चाहते हैं, हम इसके प्रोफाइल को जीरो के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इसको जीरो कर देंगे। जीरो करेंगे तो ये जीरो के ऊपर ये RD हमारे इधर से मूव हो जाएगी। एलिवेशन 222 है, हम इसका एलिवेशन जो भी रखना चाहते हैं, हम इसका एलिवेशन रखना चाहते हैं सपोज 215 के ऊपर, तो हम 215 इधर से करेंगे तो ये हमारे पास ये नीचे चेंज हो जाएगा 215 के ऊपर, इधर इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट हमारा इधर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपके पास एलिवेशन वगैरह करना चाहते हैं 215.5 इधर से आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका इधर से चेंज होता जाएगा एलिवेशन भी और इसकी RDs वगैरह भी। तो ये आप इस तरीके से इसको प्रोफाइल को इधर एडजस्ट कर लें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाए हमारी जो पहली कर्व आ रही है, अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी पहली कर्व आ रही है 10+5.8 के ऊपर। तो आप जब भी डिज़ाइन प्रोफाइल को बनाते हैं तो उसको कोशिश करेंगे वो राउंड फिगर में हो। अभी आप देख रहे हैं कि 1+055 है, आप इसको 1+00 के ऊपर आप इसकी RDs को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप एग्जैक्ट जब न्यू डिज़ाइन बना रहे हैं कि राउंड फिगर की RD आपके पास है तो ये हमारे पास इधर 1+00 के ऊपर ये RD इसकी चेंज हो जाएगी। इधर हमारे पास इसका RD आ जाएगी, आप देख रहे हैं VPI स्टेशन 1+00 इधर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इसका एलिवेशन इधर 224 है, तो मैंने हमारे पास जो पहला था हमारे पास 216 का था, तो इधर से आप इसको इसी तरीके से 218 के ऊपर या जो भी आपके पास एलिवेशन है उसके ऊपर आप रखना चाहते हैं 218.50, तो आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास एलिवेशन इधर चेंज हो जाएगा 218.50 और नीचे से प्रोफाइल भी हमारी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर आ जाए 3 के ऊपर 1+77 है, हम इसकी RD रखना चाहते हैं 1500 की। आप 1500 की RD से चेंज कर दें, आपकी कर्व मूव होकर 1500 के ऊपर आ जाएगी और इधर से जो उसका एलिवेशन है
है, 219 है, हम इसका एलिवेशन 216.15 रखना चाहते हैं, तो आप इसका एलिवेशन 15 इधर से रख सकते हैं, तो ये आपके पास इधर इसी तरीके से ये चेंज हो जाएगी इसका ग्रेड। इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर आ जाएँ, ये 210 है, आप इसके इधर से राउंड RD या जो भी RD आपके पास रिक्वायर्ड है आप इसकी RD को इधर से दे सकते हैं, और इधर से आपका इसका जो एलिवेशन है 224 आ रहा है इधर, तो हम इसका एलिवेशन 218.25 रखते हैं, तो ये हमारे पास एलिवेशन इसका चेंज हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि नीचे आ जाएगी सारी प्रोफाइल है। तो ये दोनों मेथड, तीनों मेथड के ज़रिए आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। सारी वर्किंग बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसी तरह ये आपके पास ग्रेड इन आ रहा है। ये ग्रेड इन जो है इसको आप इसको कोई जो आप मर्जी का ग्रेड लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला जो ग्रेड है हमारे पास 0.25% का है, आप उस ग्रेड को चेंज करके 0.30 करना चाहते हैं, तो ये आपकी चीज़ें इधर से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, लेवल भी चेंज हो जाएगा और आगे वाले एलिवेशन वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। ये 0.4079 है, आप -0.50 इधर ग्रेड लगाना चाहते हैं, तो ये आपका ग्रेड इधर 0.50 इधर से चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट ग्रेड जो है हमारे पास इधर 0.42 है, ये 0.42 आ रहा है, आप इसको इधर रखना चाहते हैं हम सपोज़ -0.60 के ऊपर, तो ये हमारा ग्रेड इधर से चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे ये सारी प्रोफाइल उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप इधर से जो जो सी भी चीज़ों को सेट करेंगे चेंज करना चाहते हैं, बाज़ अवकात आपके पास सामने आता है कि जी हमें ये ग्रेड रखना है, हमने 1% का ग्रेड रखना है, हमने 1.2 का ग्रेड रखना है, तो वो अगर आप ग्रेड आपके पास है तो आप उसको ग्रेड को भी जैसे अपने रिक्वायर्ड कैलकुलेशन के ऊपर लेकर आ सकते हैं कि जितना भी रखना है। इसी तरीके से वर्टिकल कर्व की लेंथ का मैंने बता दिया, इधर डिफॉल्ट वर्टिकल कर्व लेंथ आ रही है 150, आप जितनी जैसे चेंज करना चाहते हैं 200 है तो ये आपके पास इधर 200 के ऊपर चेंज हो जाएगी, नीचे वाली सेलेक्ट होगी, इसको हम 175 रखना चाहते हैं तो ये हमारी 175 चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारी 150 है, इधर हम इसको 250 के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो ये हमारी 250 के ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है हमारा, हम इधर इसको 100 के ऊपर ले आते हैं और ये हमारी 100 के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी 150 के ऊपर है, इसको भी हम 100 के ऊपर ले आते हैं और इससे नेक्स्ट जो है हमारी 47.5 है, तो हम इसको 75 के ऊपर ले आते हैं, तो ये हमारी प्रोफाइल सारी एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी इन प्रोफाइल्स को कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से बताया कि आप ड्रा विद टेंजेंट्स विद कर्व के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2-3 मेथड बताए हैं, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ईजी वर्किंग होती है, इसके ऊपर आप बहुत आसानी के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट था लेसन नंबर 10 का डिज़ाइन प्रोफाइल के वाले से, उसके अंदर आपको बहुत आसानी के साथ प्रोफाइल बनाना मैंने सिखाया है, उसको आप डेटे को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास कोई ड्राइंग के अंदर जो एलिवेशन वगैरह हैं उनको आपने कैसे चेंज करना है। वैसे तो वो इसी डेटे के अंदर आपका चेंज हो जाएंगे कि जो भी एलिवेशन ड्राइंग के अंदर आपकी आ रही है उस ड्राइंग के अंदर आपके पास जो भी इधर वर्टिकल कर्व की लेंथ और एलिवेशन और वर्टिकल कर्व आ रहा है वो आप इधर चेंज करते जाएंगे सारा, तो आपकी प्रोफाइल सारी उसके हिसाब से इधर जाएगी। तो अभी ये हमारा प्रोफाइल के हिसाब से आ गया था। इसमें आप ये देख रहे हैं कि नीचे हमने जब पहले भी प्रोफाइल बनाई थी 3 टेंजेंट्स के ऊपर और नीचे इसके एलिवेशन अभी सेम टू सेम है, इन एलिवेशंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके बैंड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको मैं जैसे क्लोज करता हूँ। फिर जैसे आपने इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल व्यू, तो आपने प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी के ऊपर इधर से आना है तो ये आपके सामने ये सारी प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी आ जाएगा, स्टेशन एलिवेशन प्रोफाइल्स। ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर सेकंड पे आपके देखें इधर XYZ हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है और R हमारी जो है वो डिज़ाइन प्रोफाइल है और XYZ हमारी सरफेस प्रोफाइल है। इसके बाद आपने इधर आ जाना बैंड के ऊपर, बैंड के ऊपर आते हैं आप तो इधर से आपके पास आपने आगे आना है। इधर आप देख रहे हैं प्रोफाइल 1 XYZ, प्रोफाइल 2 XYZ दोनों पर सेम टू सेम आ रहा है, तो आपने इधर से उसको सिलेक्ट करना है और इधर से आपने प्रोफाइल 2 जो होगी आपका नेक्स्ट एलिवेशन होता है उसको आप इधर से चेंज कर देंगे। R1 डिज़ाइन प्रोफाइल हमारे पास थी, आपने जैसे R1 डिज़ाइन प्रोफाइल को रखना है और इसे अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आप हमारे पास एलिवेशन 214 और 219.923 जो हमारे डिज़ाइन प्रोफाइल का इधर एलिवेशन जा रहा है वो सारे इधर हमारे एलिवेशन सारे चेंज हो जाएंगे। इसके हिसाब से आप बैंड चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे आते हैं तो भी आप देख लेंगे इधर भी हमारे पास सरफेस प्रोफाइल वाले ही एलिवेशन सारे आ रहे हैं। तो आपने एलिवेशन को कैसे चेंज करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, प्रोफाइल व्यू के ऊपर जाना है, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ को। इधर आप देख रहे हैं कि हमारी 3 प्रोफाइल चाह रही है, चूँकि हमने उसको पहले एक दफ़ा बनाया था, फिर डिलीट करके मैंने दूसरे ऑप्शन के जरिए
बताया। तो लास्ट टाइम जो हमारी चाह रही थी वो लेआउट थ्री चाह रही थी, लेआउट टू को हमें तो साफ कर देते हैं। लेआउट थ्री हमारी तो चाह रही है, आपने जब बैंड के ऊपर आ जाना है, पहले वाले के ऊपर हमने जैसे प्रोफाइल टू के एलिवेशन चेंज किए थे, अभी हम करेंगे प्रोफाइल वन के एलिवेशन चेंज। जो ऊपर वाली प्रोफाइल है उसका एलिवेशन हमारे पास इधर से चेंज हो जाए। तो आपने जैसे लेआउट थ्री को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई करना है और इधर से ओके कर देना। ओके करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि जो डिजाइन प्रोफाइल के एलिवेशन थे वो हमारे पास अब इधर अप आ गए हैं, और डाउन के ऊपर जो आ रहा है वो हमारे पास NSL के एलिवेशन आ रहे हैं। तो ऊपर जो आप देख रहे थे कि इसके अंदर हमने जो किया आपके ऊपर हमारे NSL थे, वो डाउन के ऊपर हमारे डिजाइन प्रोफाइल था। तो अभी आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप सीख करना चाहते हैं। इनके बैंड्स वगैरह की सेटिंग्स वगैरह को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और इधर से एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल के ऊपर आ जाए, तो इधर से ही आपके पास सारा ग्रेड आ जाएगा, वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, टाइटल एनोटेशन। आप ये टाइटल जो आ रहा है इसको अप डाउन बॉटम जिधर रखना चाहते हैं, टॉप रखना चाहते हैं, ये बॉटम आपका टाइप चला जाएगा। इसी तरीके से टैक्स हाइट वगैरह आप इसकी चेंज करना चाहते हैं, इधर से इस पोर्शन का टैक्स हाइट वगैरह चेंज कर देंगे। ये ग्रेड्स की सेटिंग्स वगैरह हैं, अगर राइट और लेफ्ट मार्जिन आप कितना रखना चाहते हैं, इसी तरह टाइटल एनोटेशन है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। ये जो इंटरवेल आ रहे हैं हमारे पास 20-20 मीटर के ऊपर आ रहे हैं, तो इधर से मैं इसको एक मिनट आपको दिखाता हूँ। इधर ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 860, 880, 20 मीटर के ऊपर आ रहे हैं। आप इसको भी इधर से अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप चेंज कर सकते हैं। इंटरवल 20 है, आप इसको इधर से 10 कर दें तो आपके पास इधर ये 10 के ऊपर ही आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि नीचे मैंने उसको चेंज करके अप्लाई करके ओके कर दिया है, तो ये हमारे पास अब 650, 660, 670, 1010 मीटर के ऊपर हमारे पास इसके डिस्टेंस वगैरह आ गए। इसी तरीके से अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इधर से 25 के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप 25 के ऊपर इसको रख सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर दें, तो ये नीचे सारे डिस्टेंस हमारे 25 के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो जो से भी इसकी मेजर सेटिंग्स वगैरह सारी आप इधर से कर सकते हैं। कि अगर आपका एलिवेशन जो आप प्रोफाइल साइड पे देना चाहते हैं वो आपके अगर आपको 10 मीटर पे चाहिए, जो 20 पे चाहिए, 50 पे चाहिए, तो आपने इधर से उसका मेजर इंटरवल इधर से चेंज करना है। चेंज करेंगे तो आपके सारा कुछ इधर से चेंज होता जाएगा। इसी तरह वर्टिकल है, वर्टिकल का जो साइड के ऊपर जो आपको ग्रिड नज़र आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि 20, 22 ये 2-2 मीटर के ग्रेड्स हैं। आप इसको भी ग्रेड्स को अगर ज़्यादा चेंज कर देखना चाहते हैं इसके बीच में, तो आप उसको सिलेक्ट करके और इधर से एडिट प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाएं। इधर 2 मीटर है, आप इसको 1 मीटर करके अप्लाई करते हैं और इधर से ओके करते हैं, तो ये आपके सारे इधर से चेंज हो जाएंगे, 1-1 मीटर के ऊपर आ जाएंगे, 219, 220, 221 इस तरह। तो इस तरह ऐसे इन चीज़ों के ऊपर जो भी सेटिंग्स वगैरह है इधर से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिस्प्ले है, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स वगैरह हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, तो इनकी वर्किंग आप कर सकते हैं प्रोफाइल के ऊपर। तो ये बेसिकली प्रोफाइल की सेटिंग्स और इनकी पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप अपने काम को कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके नॉलेज में अच्छा इजाफा करेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप समझ नहीं आती, एक दफ़ा दोबारा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, आपको एक ही दफ़ा काम करने से कोई भी काम आपके जहन में नहीं बैठता। आप उसको प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कंसेप्ट आपका तब क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेसन नंबर 11। हम अपने जो प्रोफाइल फ्रॉम फाइल क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ज़रिए हम अपनी ये प्रोफाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको प्रोफाइल नज़र आ रही है, इस मुतालिक हम बात करेंगे कि हम इस प्रोफाइल को अपनी फाइल के ज़रिए, ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास एक्सेल की फाइल बनी हुई है, इसके अंदर ये मैंने NSL एलिवेशन लिखे हैं और उसके ये फॉर्मेट वगैरह मैंने इधर बनाया हुआ है सारा। आप इसको कैसे बना सकते हैं, बनाने के बाद आपने इसको नोट पैड के अंदर लेके जाना है और नोट पैड के साथ आपने इधर अपनी इसकी अलाइनमेंट को ड्रा करना है। एक थर्ड अलाइनमेंट को पहले हमारी इधर टू अलाइनमेंट्स थी अभी तक जो लेसन चल रहे थे, उसके बाद जो हमारी इस प्रोफाइल के लिए हमने अपनी अलाइनमेंट को ड्रा करना है और उसके बाद हम इधर से अपनी प्रोफाइल को ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोफाइल फ्रॉम फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल 3D के हवाले से। अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश वगैरह के अंदर हम NSL जो है मौके के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा पढ़ते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद सबसे पहले अपने
हम अपने एनएसएल को पढ़ते हैं। एनएसएल को पढ़ने के बाद उसकी प्रोफाइल और उसके क्रॉस सेक्शन को ड्रा किया जाता है। तो वो जो एनएसएल हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो सिविल 3D जो काम करता है वो करता है आपका सरफेस के ऊपर से, जो हम पहले अभी तक बात कर रहे थे वो कर रहे थे सर्फेस प्रोफाइल के हवाले से, कि जो हमने ये प्रोफाइल्स अपने एनएसएल ये आपको नज़र आ रहे थे सारे, ये हमने ड्रा किए थे अपने सर्फेस प्रोफाइल के ऊपर से। बाज़ुकात ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन बाज़ुकात जब हम अपना एनएसएल दोबारा पढ़ते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन वगैरह होती है। तो जो वेरिएशन होती है उनके ऊपर हमने अपनी ये एनएसएल के प्रोफाइल को बनाना होता है। हमारे पास जो काम चल रहा होता है वो हमने सारे एनएसएल के ऊपर इस प्रोफाइल को बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन को हम लगाते हैं। ये जो एनएसएल की जो प्रोफाइल होगी इसको इसके मुतालिक है ये वीडियो, के आपने इसके अंदर कैसे अपनी एनएसएल जो आपके पास पड़े हुए हैं उसके अंदर जो सेटलाइन के लेवल आ रहा होता है किसी भी आरडी के ऊपर, उसके ऊपर आपने इस प्रोफाइल को कैसे बनाना है, बनाने के बाद आपने इसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल को कैसे लगाना है और कैसे आपने बना देना है। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे पीछे वाले भी जो वीडियोज़ हैं, अगर आप सिस्टम में नए आए हैं और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप पीछे वाली मेरी वीडियोज़ को भी मेरे चैनल के अंदर जाके उसको आप देख सकते हैं। सिविल 3D का प्ले लिस्ट क्रिएट है, न्यू वीडियोज़ मेरी सारी उसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर अपलोड हो रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल के अंदर हमने ये इधर तरतीब वाइज चल रहे हैं। पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको सरफेस प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएशन टूल के मुतालिक बताया था। तो अभी हमारा आज का मौजू है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। हम फाइल के साथ अपनी प्रोफाइल को कैसे इधर इस प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इधर आपने देखा होगा कि यह दोनों प्रोफाइल्स मैंने आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर बताई हैं, पिछली मेरी वीडियोस अपलोड हैं और ये शुरू से हमारा लेसन चल रहे हैं सिविल 3D का। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के अंदर आके मेरे चैनल को ओपन कर लें और उसमें आपको वीडियोज़ वाले कॉलम के अंदर आके सारी लास्ट टाइम की जो बड़ी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ के अलावा बड़ी वीडियोज़ उसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, या सिविल 3D का प्ले लिस्ट क्रिएट किया है उसके अंदर मिल जाएगी। तो प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ज़रिए अगर हम बनाना चाहते हैं या अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा चाह रहा है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम इधर अपनी एक सबसे पहले हमने अपनी एक अलाइनमेंट ड्रा करनी है। इसके अंदर अलाइनमेंट ड्रा करने के लिए आपने अलाइनमेंट वाले कॉलम में आ जाना है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर जो भी आपके पास रोड का नाम है देना चाहते हैं आप दे दें। मैं इधर R3 कर देता हूँ, प्रपोज है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को हम इधर बनाएंगे, हम इसके एग्जिस्टिंग रह देते हैं, नाम लेबल आल सेटिंग कर देते हैं। इधर से जो हमारा स्टेशन कोई भी हम स्टार्ट या एंड करना चाहते हैं किसी जगह से तो हमारा हम इधर स्टार्टिंग स्टेशन को हम चेंज कर देते हैं। तो हम इधर लिखेंगे 20+300 या 2300 या 20+300 हम लिख देंगे इधर से, ओके करेंगे और इधर से आपने आ जाना है टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर। इधर से आपने कर्व्स के ऊपर आना है और इधर से आप हम एक प्रोफाइल को इधर ड्रा करते हैं, कोई अलाइनमेंट को ड्रा करते हैं प्रोफाइल के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर से मैं एक जस्ट इधर से एक अलाइनमेंट ये ड्रा कर रहा हूँ उधर, तो ये मैंने अलाइनमेंट इधर ड्रा कर दी, राइट क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये 22+242 तक ये हमारी अलाइनमेंट इधर से ड्रा हो गई है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी इधर से स्टेप को मैं इधर से क्लोज कर दूंगा तो तीन अलाइनमेंट्स हमारी ड्रा हो गई हैं। पहले हमने जो वर्किंग की थी 2 को वर्क की थी, इधर से मैं थोड़ा सा इसका मैं ये सरफेस का मैं स्टाइल चेंज कर देता हूं ताकि इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूं ताकि ये चीज़ हमारी वाजे हो जाए। इधर से आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैंने आप देख रहे हैं कि इसका कलर मैंने कंटूर का रेड कर दिया है। इधर से आपके तीनों प्रोफाइल अभी बहुत वाजिया नज़र आ रही हैं। तो अभी हमने पहली 2 प्रोफाइल के ऊपर अपनी प्लान के ऊपर जो कोऑर्डिनेटेड प्लान था उसके ऊपर हमने 2 प्रोफाइल बनाई थी। अभी जो तीसरी हमने इधर अलाइनमेंट अपनी ड्रा की है उसके ऊपर हम आएँगे और प्रोफाइल फ्राम फाइल के ऊपर हम आकर ड्रा करेंगे। तो उसके लिए आपने इधर से प्रोफाइल वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है, उसे क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल आप इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा कि आपने इसको जो भी आपका टेक्स्ट फाइल होगा फोल्डर उसके अंदर आपने ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वापस 20+300 से लेके और एंड तक 21+900 तक के ये एलिवेशन वगैरह मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये आपने एलिवेशन कैसे लिखने, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल तरीकाकार है। अगर आप एक्सेल के ऊपर अगर आपने इधर से उसको एंड किया हुआ है तो आपने एक्सेल के ऊपर आप देख रहे हैं जिस तरह वर्टिकल कर्व हमारी होती है, कोई भी ड्राइंग आपके पास है जो एडिशनल आपके पास है उसको आप फाइल के जरिए ड्रा करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो एनएसएल के एलिवेशन है
जो हमारी सरफेस प्रोफाइल है वो इधर से हम उसको अलग ड्रा कर लें, उसके बाद हम उसकी डिज़ाइन प्रोफाइल को अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इधर स्टेशन लिख देने, ये स्टेशन आप देख रहे हैं कि स्टेशन सारे लिखे हैं, जितने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास NSL है, 20+300 है, 350 है, 400 है, 450, और साथ उसके ये एलिवेशन एक्सेल के अंदर ऐसे लिखे हुए हैं जो भी आपके पास NSL है। तो अभी आपने इसको सबसे पहले सिविल 3D के फॉर्मेट के ऊपर क्रिएट करना है। वो आपने कैसे करना है, इधर से इस पर आपने इज इक्वल टू कर लेना है, और इधर से आपने क्वांटिटेट को आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास इधर अगर नहीं आ रहा है इधर, क्योंकि मेरे पास फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो उसको आपने कैसे लेके आना है, फार्मूला बार में आ जाना है इधर से, और इधर से इंसर्ट फंक्शन के ऊपर आपने आना है, और इधर से आपने इसको आल कर देना है, आल करके और आपने सी प्रेस करना है, करते जाना है जिधर तक आपके पास वो फार्मूला सामने ना आ जाए। तो अभी आप इसको इधर से माउस की मदद से डाउन कर सकते हैं, और नीचे आप आ जाए, इधर फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। इधर ये आप देख लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है कॉन्टिनेटेड का, आपने इसको जैसे ओके कर देना है, आपके सामने इधर ये टेबल ओपन हो जाएगा, एक इसकी बार ओपन हो जाएगी। आपने सबसे पहले आपने जैसे स्टेशन को सिलेक्ट करना है, और नीचे वाले कॉलम के अंदर आपने आपने जैसे स्पेस को इंसर्ट करना है, कीबोर्ड के ऊपर से स्पेस को इंसर्ट कर देना है, और नीचे थर्ड नंबर कॉलम के ऊपर आ जाना है। भाई आप देख रहे हैं इधर आपके डबल कॉमा आ गया और बीच में स्पेस है। उसके बाद आपने जैसे एलिवेशन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, और जस्ट आपने इंटर कर देना। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर स्पेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्रिएट हो गई है। तो आपने जब भी इस फॉर्मेट फाइल क्रिएट इसका फॉर्मेट करना है, तो आपने स्पेस के अंदर करना है, सिंगल स्पेस के अंदर। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आपने इज इक्वल टू करना है, कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाना है, पहला डिस्टेंस आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, जो स्टेशन है आपके RD जिसको कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड कॉलम के ऊपर आना है, आपने जैसे स्पेस दबा देनी है कीबोर्ड की मदद से, और नीचे वाले कॉलम के अंदर आपने जैसे उसका एलिवेशन सेलेक्ट करके और एंटर कर देना है। ये आपके सामने वो फॉर्मेट आ जाएगा, इधर से आप उसको डबल क्लिक करके नीचे तक ले आना है, या आप इधर से कॉर्नर से पकड़ के इसको वो नीचे तक ले आए, ये आपका फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा जिधर तक आपका एलिवेशन है। उसके बाद आपने ये पूरे सेल को इधर से सेलेक्ट करके एंड तक जिधर तक जा रहा है इसको आपने कॉपी करना है जस्ट, और इधर से आपने अपना नोट पैड आप इधर से ओपन कर लें। ये आपके सामने ये न्यू नोट पैड के ऊपर मैं आ जाऊँगा, न्यू नोट पैड के ऊपर आपने इधर से आ जाना है और राइट क्लिक करना है, उसको पेस्ट कर देना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना आपने। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेम टू सेम इसी तरह स्पेस के ऊपर ये हमारे पास कॉलम्स पे हो गया है, जैसे आप उसको सेव कर देना है जिधर भी आपके पास ये पड़ा हुआ है, किसी भी नाम के साथ आप इसको में जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट का, आप नाम लिख के इसको जैसे आप सेव कर दें। मैं ओवरराइट कर रहा हूँ पहले के ऊपर, इधर से मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इधर से नीचे आ जाऊँगा। तभी आप ये देख रहे हैं कि दोबारा हम इसको शुरू से आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आपने दोबारा प्रोफाइल के ऊपर आना है, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ऊपर चले जाना है, इधर से आपने जिधर भी आपके पास लैपटॉप के अंदर आपने वो फॉर्मेट आपने बनाया है उसको इधर से आपने ओपन कर लेना है, और उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आप ओपन करके उसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा वही फॉर्मेट है सेम टू सेम। उसके बाद आपने इधर से उसको ओपन कर देना है, ओपन करेंगे ये आपसे पूछेगा अलाइनमेंट का नाम, ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर क्रिएट प्रोफाइल ड्रा न्यू है, नीचे रोड 1 और रोड 2 की बनी है, नई हमने बनाई थी रोड 3 की, आपने रोड 3 की इधर सेलेक्ट कर लेनी है। इधर से आप इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड भी रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं, लेबल सेट आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट रख सकते हैं, सारा हमने इसके अंदर बनाना है। तो उसके बाद आपने इधर से इसको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो नीचे कमांड बार में आपके पास फाइल नंबर लाइन प्रोसेस आ जाएगा, S33 हमारे पॉइंट्स थे सारे के सारे आ गए। तो अभी ये इधर हमारे पास इधर ड्रा नहीं हुआ, उसको हमने कैसे ड्रा करना है, उसके इधर प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाना है और क्रिएट न्यू प्रोफाइल प्रोफाइल न्यू व्यू आपने क्रिएट प्रोफाइल व्यू के ऊपर आपने इसे क्लिक करना है। इधर आपने आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा, इधर से आपने इसी तरह रोड 3 जो हमने नई प्रोफाइल बनाई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। रोड 1 की सरफेस आ रही है, सरफेस को वही रहने दें, प्रोफाइल व्यू है आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको नेक्स्ट कर दें, स्टार्ट हमारा हो रहा है 20+300 से लेकर 22+242 तक, आप इसको डिफॉल्ट रखना चाहते हैं डिफॉल्ट रखने काम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मिनिमम मैक्सिमम एलिवेशन है, इसको भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, और इसी तरह आपने उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है, और इधर आपने उसको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे हमारी ये प्रोफाइल इधर ड्रा हो गई है, रोड 3 प्रोफाइल ड्रा हो गई हमारी, और ये जो एलिवेशन थे 2515.14, इधर से मैं आपको उसको दिखाता हूँ, उधर जो हमारे पास
ये हमने बनाया था 21.14, 215.25, 221794, और ये पूरे के पूरे इधर आपके सामने इधर एक्सेल के ऊपर सारे के सारे वही आ रहे हैं। 2+400 के ऊपर आप देख सकते हैं, इधर से जो एलिवेशन है हमारे पास 215.17, तो इधर हमारे पास है 215.22, ये हमारे पास 22 है, 220+400 के ऊपर, और 450 के ऊपर है 170, तो ये 170 इधर हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास जो हमारी प्रोफाइल ड्रा होगी है NSL की प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, हमने इधर से इसकी सरफेस प्रोफाइल को नहीं लिया, हमने जो एलिवेशन इधर अपने एक्सेल के ऊपर लिख के और नोट पैड के अंदर पेस्ट किए थे NSLs वगैरह, उसके ऊपर ये प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। इसी तरीके से आप इस प्रोफाइल को जैसे आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल इसको सिलेक्ट कर लें और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएँ, इधर से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएँ, इधर से आपने एलिवेशन के ऊपर आ जाना है, स्टेशन है हमारे एलिवेशन है, और इधर से आप इसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारी हाइट 2 मीटर आ रही है, इधर से आप जो भी एलिवेशन है उसको मैं इधर से 210 कर देता हूँ, और 216 हमारे पास मैक्सिमम पहले बना हुआ था, 220 का इधर मैक्सिमम करके अप्लाई करता हूँ मैं और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये प्रोफाइल हमारा उसका ग्रेड हमारा इसी तरीके से बड़ा हो गया जिस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल को बनाया था। तो ये इस तरीके से आप प्रोफाइल के ऊपर जो भी NSLs वगैरह सारे इधर आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी अपने रनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर चला रहे हैं, अगर आप उसकी प्रोफाइल सर्फेस के ऊपर से नहीं लेना चाहते, कोई आपने लेवल्स के लादा पड़े हैं जो कि आपके सर्फेस के बीच में मिस हो गए थे टापोग्राफी के ऊपर, तो उसके हिसाब से आप अपनी इस तरह की NSL की प्रोफाइल इधर ड्रा कर सकते हैं। उसके ऊपर अपने इधर से जो भी अपनी प्रोफाइल है डिजायर प्रोफाइल उसको आपने बनाना है, प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर आ जाना है, इधर से उसको राइट क्लिक करना है, रोड 3 हमारी प्रोफाइल आ जाएगी, डिजाइन प्रोफाइल कंप्लीट लेवल सेट है, ओके कर देना है, और इधर से आपने प्रोफाइल लेआउट टूल के ऊपर आना है, और इधर से ड्रा टेंजेंट्स विद कर्व के ऊपर आपने आना है, और जिधर से भी आप इसकी प्रोफाइल को आप बनाना चाहते हैं जो भी, वो आप इधर से अपना ईजिली डिजाइन प्रोफाइल उसकी बना सकते हैं। कट में देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कट में दें, और जो जिधर भी आप इसको एंड करेंगे उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, राइट क्लिक कर देंगे तो ये आपकी इधर ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल आ जाएगी। बाकी इस डिज़ाइन प्रोफाइल की सेटिंग के मुतालिक मैं पिछली 2 वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो का मकसद था मेरा कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई भी प्रोफाइल को इधर ड्रा करते हैं उसको उसके आउटसाइड से, तो आप उसको कैसे ड्रा करें, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के ज़रिए, तो आप इस तरीके से उसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा आज का 11 लेसन के अंदर हमारा प्रोफाइल फ्रॉम फाइल के मुतालिक था कि हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। सिविल 3D और जो भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर वो जो भी आपकी सरफेस प्रोफाइल को लेगा वो आपके कंटूर से लेता है आपके पॉइंट्स के साथ। बाज़ अवकात ऐसा साइड के ऊपर सूरत हाल या कंडीशन आती है जिसके अंदर के हमारे बाज़ अवकात ये जो एग्जिस्टिंग लेवल होते हैं जिसको हम सरफेस लेवल कहते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल या NSL, इसके अंदर काफ़ी सारा वेरिएशन होता है। बाज़ अवकात टॉप ऑफ पॉइंट्स में पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए अगर आपने कोई स्पेशल अलग NSL इसके पढ़े हैं, पढ़ने के बाद आप उसको ऊपर अपनी NSL की प्रोफाइल को ड्रा करना है, तो आप इस तरीके से उसकी NSL की प्रोफाइल को इधर ड्रा कर सकते हैं। उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि एक्सेल के अंदर आप उसको कैसे आप बना सकते हैं, उधर से अपना एलिवेशन वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर, और पूरे देने के बाद आपने इसकी नोटपैड की फाइल बनानी है, और फाइल बनाने के बाद आपने जैसे इसको इंपोर्ट कर देना, तो आपके वही NSL इधर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो NSL हमने उधर लिखे थे वही आ रहे हैं NSL, ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल आप बना देंगे, जो भी डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर जो एलिवेशन होंगे वो नीचे आप उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में एक अच्छा इजाफा आएगा। सिविल 3D के मुतालिक पूरी पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कि आप इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अप्लाई होती हैं जिनको हम उसके हिसाब से बनाते हैं, सिविल 3D के अंदर भी और ऑटो कैड के अंदर भी। तो सिविल 3D के अंदर भी आप सारे काम कर सकते हैं, उसको सारा कुछ हमने सरफेस के ऊपर ही नहीं बनाना होता, उसको हम मैनुअल भी इधर से अपने लेवल को इंपोर्ट करके उसकी सरफेस प्रोफाइल को बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उधर से देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असेंबली के मुतालिक, लेसन नंबर 3 है हमारा कि असेंबली को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके मुतालिक हम पूरी डिटेल के साथ इसके अंदर बात करेंगे कि अपनी असेंबलीज को बेसिक असेंबली को हमने कैसे बनाना है, इसके अंदर जो जो से एलिमेंट्स वगैरह हैं उसकी डायमेंशन विड्थ हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर के मुतालिक, इसके शोल्डर्स और इनकी बाकी चीज़ों के मुतालिक बात करें
करेंगे कि उनको हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और मेरे चैनल के अंदर पीछे अगर आप देखें तो सिविल 3D के लेसन्स के मुताबिक मैं वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप शुरू से देख के इसको पूरा स्टेम को आएंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे असेंबली के मुताबिक। इससे पहले की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ अलाइनमेंट कंटूर्स अलाइनमेंट प्रोफाइल के मुताबिक बात कर चुके हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में सिविल 3D का प्ले लिस्ट क्रिएट है, आप उसके अंदर जाके कंप्लीट लेसन इसके देख सकते हैं। तो ये लेसन हमारा नेक्स्ट है असेंबली के मुताबिक। ये जो असेंबली है ये हमारा बेसिकली टिपिकल सेक्शन कहलाता है। जो भी आपके रोड के टिपिकल सेक्शन आपने बनाने होते हैं वो सारे के सारे हमारे इधर असेंबली के अंदर बनते हैं। क्रिएट असेंबली है, असेंबली ऑफसेट्स वगैरह हैं। और इधर इसी तरीके से अगर आप इधर आते हैं स्टार्ट के अंदर आपके टूल प्लेट्स के ऊपर आप इस टैब के अंदर आएंगे तो ये आपके टूल प्लेट्स आएंगे। आप इसको इधर से क्लिक करके चेक ऑन करेंगे तो इधर आपकी सारी असेंबलीज ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी सारी असेंबलीज जो हैं वो सिविल 3D के अंदर खुद बनी हुई हैं, कुछ को आपने खुद क्रिएट करना होता है। ये हमारी जो है बेसिक असेंबली है। इसमें उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं आप बेसिक असेंबलीज के ऊपर। इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिक लैन है, बेसिक लैन ट्रेन स्टेशन हैं। इसी तरीके से इसके अंदर मुख्तलिफ स्क्रू स्टोन और मुख्तलिफ सारा कुछ इसके अंदर मुख्तलिफ डिटेल्स है। इसको मुख्तलिफ अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से इसको बनाया जाता है। नीचे आ जाते हैं आपके पास लेंस वगैरह की सारी ऑप्शन आ जाती हैं। नीचे आ जाते हैं आपके पास शोल्डर्स की सारी डिटेल्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये मीडियन स्टैप है, आप कोई भी मीडियन बनाना चाहते हैं इसके बीच में इसको ऐड कर सकते हैं। इधर इसी तरीके से ये कर्व्स वगैरह आपके आ जाते हैं साइड के ऊपर, जो आप शोल्डर के साथ कर्व्स वगैरह बनाना चाहते हैं। इसके बाद ये स्लोप्स वगैरह सारी हैं। इसी तरीके से ये सारे इसके लिंक्स वगैरह सारे इधर आए हुए होते हैं। तो हम इसके मतलब बात करते हैं। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं जैसे बेसिक असम्बली ये क्या चीज़ होती है, उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक असम्बली के ऊपर आप आ जाएँ, जैसे सबसे ऊपर आपने इधर आ जाना है और इधर से आपने बेसिक असम्बली को मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे सामने एक टेबल इधर ओपन हो जाएगा और ये आप किधर किसी जगह के ऊपर भी असम्बली को आप लगा सकते हैं। मैं इधर इसको ड्रा करता हूँ तो आप जूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये सारी असम्बली इधर हमारी ड्रा होगी। जितनी ये आप देख रहे हैं कम्प्लीट ये हमारी असम्बली है। इसकी लेंथ वेथ हाइट वगैरह आप कैसे मालूम करेंगे, तो इधर से आपने असम्बली को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है तो ये हमारे सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ आप इधर से भी ओपन कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, और इधर से भी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इधर देख रहे हैं कि हमारे पास इधर पूरी इसकी डिटेल्स वगैरह सारी आ रही हैं, लेकिन ये हमारी इसकी असम्बली की डिटेल नहीं है। तो आपने इधर से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, इधर से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। दोनों जो रोड की साइड्स हैं राइट और लेफ्ट साइड, इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करेंगे तो ये अभी आप देखेंगे कि नीचे हमारे पास सारी इसकी विड्थ आ रही है, डिफ़ॉल्ट स्लोप है, पेव वन है, पेव टू है, बेस डेप्थ है, सब बेस डेप्थ वगैरह और यूज सुपर एलिवेशन वगैरह सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही है। तो आप इसको कैसे चेंज करना है, अगर आप इसको सिंगल चेंज करेंगे तो ये सिंगल साइड से ये आपकी सिलेक्ट होगी तो आप सिंगल साइड के ऊपर हमारी विड्थ आ जाएगी। इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसकी साइड आ गई है, इधर से ये तो इधर से इसकी हमारी साइड आ गई, देख रहे हैं कि राइट साइड है। आप लेफ्ट साइड को सिलेक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, राइट को आप ख़त्म करके लेफ्ट साइड को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे ये हमारी लेफ्ट साइड है। इधर से भी आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, जितनी भी रोड की विड्थ वगैरह है, सिंगल साइड के ऊपर आप चेंज करना चाहते हैं राइट और लेफ्ट के ऊपर, तो इस कर सकते हैं। अभी लैन की विड्थ है 3.6, तो अगर आप 7.3 रखना चाहते हैं तो ये आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर 7.3 इधर से ये बढ़ जाएगी। आप देखेंगे ये हमारी विड्थ बढ़ गई है। इसी तरीके से आप इसको 10 मीटर करना चाहेंगे तो यह आपकी लेंथ इधर से 10 मीटर हो जाएगी। आप इसको 15 मीटर करना चाहेंगे तो ये हमारी इधर से 15 मीटर रोड की विड्थ आ जाएगी। जो भी आप रोड का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के हिसाब से तो आप बना सकते हैं। लाइन की जो मिनिमम विड्थ होती है डिज़ाइन के ऊपर वो होती है हमारी 3.6, तो ये 3.6 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि हम इधर लिखते हैं 7.2 मीटर की हमारी विड्थ है एक साइड के ऊपर, ये हमारी विड्थ बढ़ती है। इधर से हम दूसरी साइड को सिलेक्ट जब कर लेते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं कि इधर वेरीज आ जाएगा, विड्थ वाली साइड के ऊपर वेरीज आ जाएगा। इधर से भी आप इसको 7.3 इधर अगर आप कर देते हैं इसको तो आप देखेंगे दोनों साइड हमारी सेम टू सेम आ जाएंगे। इसी तरीके से आप राइट और लेफ्ट को अलग अलग भी बना सकते हैं, आपकी कम या ज़्यादा विड्थ हैं राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर फिक्स हैं तो दोनों साइडों को सिलेक्ट करके इसको फिक्स कर सकते हैं। 7.3 है, 10 है, अगर 10 मीटर विड्थ है आप 10 मीटर के हिसाब से अपना बना सकते हैं। 12 मीटर है तो 12 मीटर के हिसाब से आप अपना कॉरिडोर वगैरह तो जो भी बनाना चाहेंगे अपना टीपी का सेक्शन के ऊपर तो वो आप बना सकते हैं। तो इसे हम इसको रखेंगे 7.3
मीटर के ऊपर। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि इधर डिफॉल्ट स्लोप है। डिफॉल्ट स्लोप ये टीपी का सेक्शन के ऊपर आपकी मेंशन हुई हुई होती है, जो भी आपकी कैम्बर की स्लोप जिसको कहते हैं हम, रोड के ऊपर वन साइडेड स्लोप, जो भी वन साइडेड स्लोप इधर होती है, डिफॉल्ट इधर 2% है। अगर आपके पास टू माइनस 2.5 है तो आपने इधर से इसको इस जगह पर आके इसको आपने चेंज कर देना है, माइनस 2.5 कर देना है। 2.5 करेंगे तो स्लोप 2.5 की हो जाएगी। 1% रखना चाहते हैं, 1% है तो आप इसको 1% कर दें, 1% के ऊपर आ जाएगी। इसको आप 0.0 रखना चाहते हैं, कोई स्लोप नहीं देना चाहते, स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो ये आपका स्ट्रेट बन जाएगा। तो जो डिफॉल्ट स्लोप मैक्सिमम यूज़ होती है वो 2% से लेके 2.5% तक यूज़ होती है। तो हम इसके स्लोप को इधर 2.5% रख देते हैं, आप अपने टिपिकल के हिसाब से इधर रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चाहिए पेव्ड वन डेप्थ। पेव्ड वन हमारी कहलाएगी एस्फाल्ट वेयरिंग का, आप कह सकते हैं इसको, जो टॉप की लेयर होती है उसकी जो भी थिकनेस होती है वो मैक्सिमम हमारे पास 0.05 मीटर्स या 5 सेंटीमीटर यूज़ होती है 50 mm के ऊपर। तो आप इधर जो भी स्लोप आपके पास है वो रख दें। सेकंड पेव्ड की डेप्थ है कि हमारे पास एस्फाल्टिक बेस जिसको कहा जाता है, मैक्सिमम किसी जगह पर 2 जगह पर यूज़ हो रही होती है, किसी जगह पर 3 लेयर्स यूज़ हो रही होती हैं। तो जो भी आपकी डेप्थ है वो आपने इधर कर देनी। सपोज हमारे पास उसकी डेप्थ आ रही है 12 सेंटी डेप्थ है, आपने इधर 12 सेंटी कर देना है। इधर ये आपकी चीज़ें इसी तरीके से चेंज होती जाएंगी। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं बेस डेप्थ, बेस या वाटर बाउंड जो भी है उसकी जो भी डेप्थ आपके पास आ रही है आप उसकी डेप्थ को चेंज कर दें। 25 सेंटीमीटर है 25 कर दें, 20 सेंटीमीटर है 20 कर दें। हमारे पास इधर 20 हम यूज़ करेंगे, हमने इधर 20 लिख दी। नीचे सब बेस की डेप्थ है 0.30 सेंटीमीटर, उसको हम डिफॉल्ट ही रखेंगे, 0.30 सेंटीमीटर डिफॉल्ट लेफ्ट। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है यूज़ सुपर एलिवेशन। तो जो भी यूज़ सुपर एलिवेशन वगैरह का उसका अलग एक पूरा चैप्टर होता है, उसके ऊपर मैं आपको आगे इसकी डिटेल नेक्स्ट लेसन के अंदर बताऊंगा। तो इसी तरीके से ये इसकी बेसिकली सारी चीज़ें थी सारी। तो आपने इसको इस तरीके से इसकी जो फिलिंग है वो आपने कर देनी है, जो आपके पास पेवीमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर आएगा। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और इधर से ये जो हमारे पास साइड जा रहा है सब असम्बली के ऊपर, इसकी जो पूरा इसका क्रॉसस्टोन और जो इसके गटर्स वगैरह जा रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट है गटर्स का, इसकी जो गटर की विड्थ है वो हमारे पास है 0.45। अगर आप पास इधर है आप लगाना चाहते हैं इसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ है 0.45 सेंटीमीटर दी गई है, आप चेंज करना चाहते हैं 0.10 सेंटीमीटर साथ रखना चाहते हैं तो ये 0.10 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 0.1 तक आप या 0.01 तक आप आ सकते हैं, इसकी विड्थ को आप 0 नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो भी अगर 1 मीटर पर आप रखना चाहते हैं तो वो 1 मीटर पर आपकी विड्थ आ जाएगी। इसी तरीके से जो उसकी स्लोप जा रही है, जो स्लोप जा रही है ऊपर, इसको भी आप जितना रखना चाहते हैं, 2% रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, 4 रखना चाहते हैं या 0 रखना चाहते आते हैं, वो सारी की सारी इधर इसके ऊपर चेंज हो जाएगी। कर्व की हाइट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आपको डिफॉल्ट जा रही है जैसे उसकी विड्थ दे सकते हैं, और कर्व की जो डेप्थ हैगी वो आप इधर दे सकते हैं, जिसके अंदर आप दे सकते हैं। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके और कीबोर्ड में से डिलीट कर दें तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। दोनों साइडों से डिलीट करना चाहते हैं तो ये दोनों साइड के ऊपर आपकी इधर डिलीट हो जाएगी। तो अभी आप इसके अंदर जाहिर बात है रोड का जो एज होता है वो मैक्सिमम उसके अंदर कर्व स्टोन वगैरह लगा होता है, कोई और कर्व स्टोन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इधर से आ जाना है, ये समझी थी, तो नीचे आपने बेसिक के ऊपर आ जाना है। बेसिक के ऊपर आएंगे तो ये बेसिक लैन है और ये पूरी चीज़ें जा रही है। तो जैसे आपने ये बेसिक कर्व स्टोन का हमारे पास आ रहा है पूरा ऑप्शन, बेसिक कर्व एंड गटर का भी आ रहा है, इसी तरह बेसिक साइड स्लोप डिचेज वगैरह आ रही है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है, इसी तरह बैरियर वगैरह भी आ रहा है। तो इधर से अगर हम बेसिक कर्व स्टोन ऐड करना चाहते हैं, कोई भी कर्व स्टोन है, तो हम इधर से उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपको नजर आ रहा होगा कमांड बार के अंदर सिलेक्ट मार्कर पॉइंट विद इन असेंबली और डिफॉल्ट इंसर्ट वगैरह, तो आपने इधर से जिधर आप लगाना चाहते हैं, इधर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये एज के ऊपर मैं लगाना चाहता हूं तो ये लग जाएगा। इसी तरह आप दूसरी साइड के ऊपर भी लगाना चाहते हैं इसको, तो इधर से जो सर्कल ऊपर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर ये आपका इधर लग जाएगा। तो इधर से इसकी हाइट वगैरह भी आप चेंज करना चाहते हैं दोनों साइडों से, तो दोनों कर्व स्टोन्स को आपने इधर सेलेक्ट कर लें 1, और इसी तरह लेफ्ट साइड वाले को 2 को, और नीचे आ जाए जो उसकी विड्थ वगैरह जा रही है, जो हाइट जा रही है, जो डेप्थ जा रही है, जो आपके ड्राइंग के मुताबिक टिपिकल सेक्शन है उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। सपोज 30 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, 30 सेंटीमीटर है डेप्थ इसकी,
4.5 आ रही है, 0.65 आपके पास आ रही है, 0.6 रख लें। डेप्थ बिलो जो नीचे वाली डेप्थ आएगी उसको भी आप चेंज करना चाहते हैं 10 से कम या ज़्यादा जितना भी करना चाहते हैं, तो वो आपकी कम या हाइट ऊपर और नीचे ये 10 से सारा मूव हो जाएगा। जैसे आप 35 करेंगे तो ये आपके पास ये सेंटर में आ जाएगा, जो भी आप डिफॉल्ट जितनी भी रखना चाहते हैं 0.10 करेंगे तो ये मैक्सिमम ऊपर ये चला जाएगा। तो इधर से जो भी डेप्थ बिलो होगी, ये बिलो होगी डेप्थ आपकी FRL से, जो आपका टॉप लेवल जा रहा है उसके हिसाब से बिलो माइनस या हाई होगी, जो भी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी डेप्थ वगैरह इधर उसकी सेटिंग्स वगैरह को आप कर सकते हैं। इसी तरह आप साइड के ऊपर देख रहे हैं, क्रॉस स्टोन के बाद आप अपनी कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं, जिस तरह कोई आप क्रॉस स्टोन के साथ अपना साइड वॉक लगाना चाहते हैं, कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप इसको इधर से अगर आप नहीं रखना चाहते इसको अरेस कर दें, ख़त्म कर दें। तो इधर से आपने बेसिक के ऊपर आ जाना है, इधर जो जिस वजह से हमने क्रॉस स्टोन लगाया था, तो इधर आप देख रहे हैं कि बेसिक लेंथ भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप बेसिक शोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज शोल्डर आप लगाना चाहते हैं, और उसके बाद नीचे आप ये देख रहे हैं कि इधर बेसिक गार्ड रेल भी और बेसिक साइड वॉक, साइड वॉक की डिटेल भी इधर आ रही है। तो अगर इसके साथ अगर आप साइड वॉक पहले लगाना चाहते हैं आप साइड वॉक भी लगा सकते हैं, अगर कोई शोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो शोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों में से सबसे पहले हम आ जाते हैं तो शोल्डर के ऊपर, हम शोल्डर को सिलेक्ट करके और इस जगह के ऊपर शोल्डर को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये देखेंगे शोल्डर हमारा ऐड हो गया, इधर से आप इसको सिलेक्ट कर लें, नीचे आ जाएँ। इसकी जो विर्थ आ रही है वो 0.90 की आ रही है। इसकी जो भी विर्थ आप रखना चाहते हैं शोल्डर का, 5 मीटर का रखना चाहते हैं तो ये आपका 5 मीटर का शोल्डर इधर आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो स्लोप है, स्लोप भी आप देख सकते हैं कि तो -4 आ रही है। आप इसके स्लोप को रिवर्स रखना चाहते हैं 1.5 कर दें तो इसकी स्लोप अप हो जाएगी, जैसे कि पानी सारा इसका रोड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ अगर आप कोई डिच वगैरह कोई चीज़ देना चाहते हैं वो भी आप इनके अंदर इन चीज़ों के हिसाब से दे सकते हैं। माइनस में रखना चाहते हैं तो -1% रख सकते हैं, और डेप्थ भी इसकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लगाने के बाद ये हमारा शोल्डर आ जाएगा। शोल्डर के बाद आप इसके साथ कोई भी चीज़ इधर ऐड कर सकते हैं अपनी कर्व स्टोन, इसके साथ बेसिक ऐड दोबारा आपने करना है तो आप दोबारा कर्व स्टोन को इधर ऐड कर देंगे तो ये आपका इधर कर्व स्टोन ऐड हो जाएगा। उसके साथ अगर आप बेसिक साइड वॉक ऐड करना चाहते हैं तो साइड वॉक को आप सिलेक्ट कर लें और इधर से आपकी ये ऊपर ये आपकी साइड वॉक इधर से ऐड हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर हैं, जो भी टिपिकल सेक्शन आप बनाते हैं उसी तरह उसके ऊपर चीज़ बना सकते हैं। तो ये साइड वॉक ऐड हो जाएगी, साइड वॉक का भी आप इसको सिलेक्ट करके और जो भी इसकी विर्थ वगैरह है जितनी भी आप रखना चाहते हैं 3.5 मीटर रखना चाहते हैं, और इसी तरह जो उसकी डेप्थ्स वगैरह हैं वो सारी आप इधर से कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने टफ टाइल लगानी है, कोई भी चीज़ लगानी है, उसकी जो भी उसकी थिकनेस आएगी वो आपने लगा देनी है। सपोज 60 है तो आपने इधर से 0.06 लगा देना, 60 mm के ऊपर आ जाएगी। उससे नीचे जो बफर, इसी तरीके से नीचे बफर विर्थ है, बफर 1, 2 ये दोनों साइडों के ऊपर आप जिस तरह भी इसको आगे पीछे करना चाहते हैं उसकी विर्थ वगैरह इधर से दे देंगे तो वो उधर आ जाएगी। तो यह आप इसी तरीके से अपना टिपिकल सेक्शन बेसिक समझू पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं कि हमारी स्लोप इधर लगी हुई है, आपने स्लोप को इधर से मूव करना है, मूव की कमांड ले लें और इधर आपने एंड के ऊपर इधर अगर आप लगाना चाहते हैं, इसके साथ आप एज स्टोन भी लगा सकते हैं, और इधर अगर आप इसकी स्लोप को इधर मूव लगाना चाहते हैं तो आप इसकी स्लोप को इधर भी इसके साथ लगा सकते हैं तो ये आपकी स्लोप इधर साइड के ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप दूसरी साइड के ऊपर भी जो चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेम टू सेम यही लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप इसको इधर से अरेस्ट कर दें, सिलेक्ट करके आपने वन साइडेड बना, तो इधर से आप इसको सिलेक्ट कर लें और ऊपर आप देखेंगे तो ये मिरर की कमांड आ रही है। आपने इसको मिरर सिलेक्ट कर लेना है और इसके साथ जिस लोकेशन के ऊपर आपकी वो लगी हुई है उधर आपने इसको मिरर कर देना है। इसी तरीके से ये क्रॉस स्टोन आ रहा है, क्रॉस स्टोन को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है और उसको इधर से मिरर की कमांड ले लेनी है और इधर आपने इसका जो क्रॉस स्टोन जिधर आ रहा है जिस लेवल के ऊपर उधर आपने इसका क्रॉस स्टोन लगा देना है। और इसी तरीके से जो भी साइड वॉक आपकी आ रही है सेम टू सेम, अगर अलहदा नहीं बनाना चाहते तो इसके ऊपर इधर आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह भी देख रहे हैं कि ये हम आपका कट फिल की स्लोप जा रही है, ये आपने मूव करके इधर लगा दी थी, कट फिल की स्लोप को भी आप इधर लगा सकते हैं। तो उसके लिए कैसा है, तो ये आप इसमें ये हमारे पास बेसिक असम्बली थी तो आपने नीचे बेसिक में आ जाना है। इधर हमारे पास ये बेसिक साइड स्लोप कट डिच कट एंड फिल डिच आ रही है, अगर आप कोई डिच वगैरह इधर लगाना चाहते हैं तो आप इसको उसको भी लगा सकते हैं इसके साथ इधर दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर आप इसकी कट और फिल स्लोप दोनों आपकी लग जाएंगी। इधर से बेसिक का स्लोप के ऊपर भी इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एक साइड को भी कर सकते हैं, दोनों साइडों को भी आप इकट्ठा कर, जो भी सेम टू सेम क्राइटेरिया रखना चाहते हैं तो आप इस दोनों को सिलेक्ट कर लें। ये देख रहे हैं कट स्लोप 2:1 की है, कट स्लोप आप जितनी भी रखना चाहते हैं, 1.5:1 रखना चाहते हैं तो 1.5 कर दें इधर से, और फिल स्लोप आपकी इधर 4% जा रही है, 2% रखना चाहते हैं तो 2% की स्लोप इधर रख सकते हैं। इसी तरह फोर्थ स्लोप जो है वो 4.1, अगर आपकी
हाइट ज़्यादा है तो उधर फोर स्लोप आ जाएगी, उसकी फोर स्लोप की विर्थ का जो बीच में बलम बनता है उसकी विर्थ आ जाएगी, जो भी हाइट ज़्यादा होती है जिधर के हिसाब से, इसी तरह बॉटम विर्थ भी आपकी तरह आ रही है और बैकग्राउंड्स विर्थ वगैरह भी आपकी आ रही है। तो आप इसी तरीके से इसके अंदर अपनी स्लोप्स वगैरह को भी इधर बेसिक स्लोप्स को आप लगा सकते हैं। दूसरी स्लोप्स इसको मैं इधर से ख़त्म करता हूँ और इधर से डे लाइट के ऊपर आ जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इधर से मुख्तलिफ स्लोप्स हमारी इधर जा रही हैं, इनमें से जो सी भी स्लोप की टाइप है वो आप टाइप इधर इसको ऊपर सेलेक्ट करके और इधर से इसकी स्लोप्स वगैरह को बना सकते हैं। जिधर देख रहे हैं कि डबल डबल स्लोप्स जा रही है, इधर इसके बम्स वगैरह बढ़ रहे हैं, डे लाइट स्लोप आर ओ डब्ल्यू तक जो जा रही है उसको भी आप लगा सकते हैं, डे लाइट मैक्सिमम ऑफसेट तक जो है उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज इसी तरह मैक्स विर्थ है आपकी, इसको मैं इधर सेलेक्ट करके मैक्स विर्थ को इधर लगाता हूँ तो ये आपकी स्लोप इधर लग जाएंगी, और इधर से इसी तरीके से इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा तो इधर भी दोनों साइडों के ऊपर लग जाएगी। जो जो से स्लोप आप इधर लगाना चाहते हैं अपने टिपिकल सेक्शन के हिसाब से उसको आप इधर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इधर से सेलेक्ट कर लेना है और इसी तरह दूसरी साइड को भी सिलेक्ट करके और इधर से जो से भी कट और फिर स्लोप का जो आप रेशो रखना चाहते हैं, 2:1 की रखना चाहते हैं, कट की 2:1 की रखते हैं, फिल की 2:1 रखना चाहते हैं, फिल की 2:1 रखते हैं, मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैक्स विड्थ जितनी आप जो आपके पास अगर कोई हाइट है, सपोज 3 मीटर की हाइट है, 3 मीटर की हाइट तक आप इसको मिलाना चाहते हैं तो वो हाइट आप उसके हिसाब से रखेंगे। अगर आपके पास 3 मीटर की हाइट है तो 2 की स्लोप रखी आपने तो इधर हमारी मैक्सिमम 6 मीटर तक ये विड्थ जाएगी। तो ये आपने इधर इसको 6 मीटर तक कर देना, 6 मीटर तक ये विड्थ चली जाएगी, एवरेज हाइट आपके पास। ये एक सपोज कुछ मखसूस एरिए होते हैं जिसके अंदर आप स्लोप को लगा सकते हैं, जिधर आपके पास आर ओ डब्ल्यू होता है कि आर ओ डब्ल्यू आपके पास सपोज है रोड की विड्थ से लेकर आपका 10 मीटर तक जा रहा है तो आपने इधर 10 मीटर तक स्लोप को बनाना है तो आप 10 मीटर तक बना सकते हैं, 5 मीटर तक बनाना है 5 मीटर तक बना सकते हैं, 2 मीटर तक बनाना है तो 2 मीटर तक बना सकते हो। तो ये मुख्तलिफ स्लोप्स वगैरह को आप इसको इसी तरीके से इनको बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली असम्बली के मतलब डिटेल से मैं बताने का मकसद ये है कि आप बेसिक असम्बली के ऊपर भी सारी चीज़ों को इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसी तरह आप असम्बली के ऊपर आ जाएँ, बेसिक असम्बली हमने ड्रा की थी, बेसिक लैंड ट्रांजिशन की असम्बली है, इसको आप सेलेक्ट करके नीचे और उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, इसके जो भी स्लोप्स वगैरह हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं। इसी तरीके से ऊपर डिवाइडेड हाईवे आती है, जिधर आप देखते हैं कि दोनों साइडों के ऊपर बीच में मीडियन होता है और उसकी सारी स्लोप्स वगैरह जारी होती है, इसको भी आप इधर सेलेक्ट करके और इन सब की सेटिंग्स वगैरह आप इधर से इसको जो से भी पोर्शन आप सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके उधर से इसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अपनी स्लोप्स वगैरह को भी बना सकते हैं सारा कुछ। प्राइमरी रोड की असम्बली आप ड्रा करना चाहते हैं, ये जस्ट आपकी सिंपल असम्बली इधर ड्रा हो जाएगी। सेकेंडरी रोड की असम्बली आप ड्रा करना चाहते हैं डबल रोड वाली, तो वो आपकी असम्बली इधर जस्ट ड्रा हो जाएगी। इस तरीके से असम्बलीज को आप ड्रा कर सकते हैं और अपना इनको बना सकते हैं। बाकी ये हमारे इंटरसेक्शंस वगैरह की असम्बलीज वगैरह इंटरसेक्शंस के चैप्टर में जाएंगे, उसके मुताबिक भी डिटेल से बात कर लेंगे। अगर आप अलहदा भी लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे। तो जैसे ये सबसे पहले मैंने आपको ये से मेन असम्बली बना के और उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताया कि आप बेसिक असम्बलीज के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी इधर से असम्बली को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद इधर से अपनी बेसिक लेंस वगैरह के मुतालिक आएंगे, इसके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि आप इस टाइप की जो असम्बली बनाना चाहते हैं उसको आप कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो इधर तक मेरी वीडियो, उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। और मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको देख के आप अपना काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा इस सिविल 3D के मुतालिक लेसन था, असम्बली के मुतालिक कि आप असम्बलीज वगैरह को कैसे कर सकते हैं। तो ये असम्बली के ऊपर पहला लेक्चर है, एक दो लेक्चर में कोशिश करके और अच्छी अच्छी आपको बना के दूंगा। इसके अंदर आपको बेसिक असम्बली के मुतालिक भी और उसके ऊपर असम्बली पोली लाइन के ऊपर भी कोशिश करूँगा कि अगर आप आउटसाइड की कोई अपना टिपिकल सेक्शन इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ आपके साथ, अल्लाह हाफिज़।